तो पहला मुकाबला आज के दिन का दूसरा यह दिन और लीग मैच की बात की जाए तो सातवां मुकाबला कल जहां पे छह मुकाबले हुए थे आज यह सातवां मुकाबला सोनवाड़ा इंडियंस उसके सामने वानी इलेवन पालन यंगस्टर कप 2023 पार्टीदार यंगस्टर कप अंडर 23 के सभी उभरते हुए होनहार क्रिकेटर डिजर्ट्स कलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर यहां पे अपना क्रिकेट का हुनर प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित हुए हैं कल बहुत ही बढ़िया दिन गुजरा था खास करके अगर देखा जाए पॉइंट टेबल में तो ड्रीम इलेवन अनबीटन टीम है अपराजित टीम है तीनों अपने मुकाबले जीत चुकी है साहिल और विकेन की जोड़ी यहां पे पालन के लिए पहला रन यहां पे स्कोर कार्ड में ध्रुव जी ने गेंदबाजी का भार संभाला हुआ है कमेंट्री बॉक्स एंड से और हम जो बात कर रहे थे अंग तालिका की तो जहां पे ड्रीम इलेवन सभी मुकाबले जीती है साईराज इलेवन कल्या तीन मुकाबले में से एक जीती है इस बीच अच्छी गेंदबाजी यहां पे बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास और जो जय पाटीदार इलेवन साधक पर उनकी बात की जाए तो दो मुकाबले खेली है एक वो जीत चुकी है एक हार चुकी है और वन इलेवन पालन उनकी भी बिल्कुल यही सिचुएशन है कि जो कल अपने दो मुकाबले खेली थी पालन की टीम जहां पे उन्होंने एक मुकाबला जीता था और एक मुकाबला वो हार चुके हैं सोनवाड़ा इंडियंस अभी भी वो जीत की तलाश में है दो मुकाबले कल अपने खेली थी लेकिन दोनों मुकाबले में उनको वो हार का सामना करना पड़ा है तो आज कप्तान ये उम्मीद के साथ ज़रूर उतरेंगे कि पहली जीत यहाँ पे दर्ज की जाए अच्छी गेंदबाजी और संभाल के खेला सम्मान दिया वहां पे हाफ वॉली गेंद को बिल्कुल जमीन के समान अंतर खेला इस शॉट को पहला रन यहाँ पे देखा जाए वीकेंड के लिए दो रन आपको स्कोर कार्ड में नजर आएंगे दोनों बल्लेबाज ने एक एक रन से अपना खाता खोला है सीधा शॉट वहां पे खेलने का प्रयास थोड़ा ऑन की दिशा में गई है लेकिन फील्डर वहां पे तैनात है द लाइन यहां काउ कॉर्नर के ऊपर से बेहतरीन ये शॉट मैक्सिमम आया है बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे छह रन की सहायता से नौ रन एक अच्छा शॉट नजर आया वीकेंड के बल्ले से हाफ वाली गेंद थी आखिरी गेंद के ऊपर थोड़ी गलती कर गए ध्रुव अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पांच गेंदे बेहतरीन ठिकाने पे गिरी लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर गलती कर गए बिल्कुल रडार में दे बैठे और एक मैक्सिमम जड़ के जो ओवर थोड़ा इकोनॉमिकल अच्छा गुजर रहा था उस इकोनॉमी को थोड़ा बिगाड़ा है और पहले ओवर के बाद नौ रन बने हैं विकेट एक भी गवाया नहीं है तो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी शुरुआत में मानूंगा यहाँ पे पालन के लिए और अब खुद कप्तान गेंदबाजी का बार संभालेंगे बोमिन पटेल कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे कल वैसे देखा जाए तो गेंदबाजी में काफी अच्छा दिन रहा था उनके लिए इस बार इनसाइड आउटसाइड आउट शॉट और ओवर मिड ऑफ के ऊपर से ओवर द टॉप ये शॉट खेलना वैसे चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लेकिन थोड़ा मिस टाइम जरूर था लेकिन फिर भी वहां पे चौका मिला है फील्डर वहां पे मिड ऑफ के ऊपर तैनात थे लेकिन सर्कल की एज पे खड़े थे एक तरीके से ये अच्छा शॉट माना जाएगा क्योंकि पावर प्ले में इस प्रकार के शॉट अमूमन चौके दे जाते हैं एकरोस जलाएं ये इनके पास कला है और ये पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं तो ये इनके पास ये जरूरत रहती है ये इनको करना जरूरी पड़ता है कि ज़्यादातर उंगलियाँ घुमाए थोड़ी गेंद बाहर की ओर निकाले क्योंकि पावर प्ले में वो मिस टाइम शॉट भी हमने देखा कि चौके निकल जाते हैं उसके लिए थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा दिखानी पड़ती है गेंदबाज को यह अच्छी गेंद है और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर फील्डर वहां पे तैनात फसाया वहां पे घुमाव के साथ खेलने का प्रयास ऊपर कट खेलना चाहते थे लेकिन कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थे वहां पे बल्लेबाज और वापस जाना पड़ेगा साहिल उनके खाते में छह रन और तेरह रनों के ऊपर यहाँ पे पहला झटका लगा है वान लवन पालन को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच और अच्छी गेंदबाजी का यहां पे रिवॉर्ड मिला है देखा जाए भूमिन पटेल को एक अच्छे गेंदबाज है लिफ्ट आमा और खास करके कई कबार वो ऑर्थोडॉक्स के अंदाज में उंगलियां घुमाते हैं वो एक अतिरिक्त उछाल उनको मिला है वो उछाल में फंसाया वो घुमाव में फसाया नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में, में अच्छी गेंद खड़े खड़े खेलने का प्रयास कट करना चाहते थे लेकिन वो जो घुमाव है ना इस विकेट के ऊपर ये विकेट बहुत रास आया है खास करके जो उंगलियां घुमाते हैं जो थोड़ा मिट्टी को फंस के जो गेंदे निकलती है वो परेशान करती है बल्लेबाजों को थोड़ा एक्रॉस टांस है इसकी वजह से ये जो बाहर की ओर गेंदे निकलती है ना वे इनको तकलीफ देगी क्योंकि अगर आपका स्टांस थोड़ा सीधा हो आगे वाला फ्रंट फुट थोड़ा सीधा होना तो वो घुमा वाली गेंद के ऊपर आप उस लाइन को कवर कर सकते हैं लेकिन द लाइन वो थोड़ी दिक्कतें बढ़ती है रिवर्स सिप वो ऑप्शन ज़रूर निकाला था गौरांग ने लेकिन वो कनेक्ट पूरी तरीके से हुआ नहीं और सिंगल की मदद से खाता खोला है गौरांग ने अपना और चौदह रन स्कोर कार्ड में रन संख्या ये देखिए क्रॉस बैटेड स्टांस अगर होगा तो इसी प्रकार का मसला लगातार नजर आएगा गेंद पड़ेगी उसके बाद घुमाव के साथ बाहर निकल जाएगी अवे फॉर द राइट हैंड बैटर चौदह रन दो ओवर की समाप्ति पावर प्ले अच्छी तरीके से गुजरा है यहाँ पे सोनवाड़ा इंडियंस के लिए और तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पे फिर से भूमिन पटेल की अच्छी गेंदबाजी सही टप्पे के ओ अच्छे घुमाव के साथ और चौदह रन यहां पे दो ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पे सफल ओवर रहा पांच रन मात्र उस ओवर में आए भूमिन के और एक सफलता भी दिलाई उन्होंने जो आज हमारे साथ देरी से जुड़े हैं मैदान के ऊपर या तो फिर यूट्यूब लाइव स्माइल चैनल फॉर यू के ऊपर हम उनको वाकिफ करवा देते हैं कि यह सातवा लीग स्टेज का मुकाबला है सोनवाड़ा इंडियंस और वन इलेवन पालन जहां पे सोनवाड़ा इंडियंस के कप्तान ने टॉस जीता है और पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया है वन इलेवन के इस टूर्नामेंट में अगर बात की जाए तो एक मुकाबला जीत चुकी है एक मुकाबला हार चुकी है इस बार अच्छा कैच लिया गया मिड विकेट के दिशा में सौडम जब पुल करने का प्रयास और एक का कमाल का कैच वहां पे यहाँ पे प्रिंस के खाते में पहली गेंद के ऊपर उनको सफलता मिली है गौरांग को वहां पे वापस चलता किया है अच्छी गेंद थी वैसे देखा जाए थोड़ा उछाल मिला था पड़ने के बाद जेब पुल करना चाहते थे लेकिन वो जो लंबाई चाहिए वो मिली नहीं और एक अच्छा लो कैच वहां पे लिया गया स्कोरर को बिना ज्यादा परेशान किए मात्र एक रन के निजी स्कोर के ऊपर डगआउट का रास्ता यहां पे दिखाया है गौरांग को अच्छी गेंदबाजी प्रिंस के द्वारा इन साइड आउटसाइड अच्छा ओवर कवर है फील्डर वहां पे तैनात है लेकिन रोकना नामुमकिन हो जाएगा फिल्डर की दाई ओर से गेंद को निकाला कमाल का शॉट पहली गेंद के ऊपर और खाता खोलने का बेहतरीन अंदाज बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में शॉट को खेला थोड़ी देर हवा में जरूर रही थी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अंदाज था यश का खाता खोलने का कट क्या है हवा में ऊंची निकल गई है लेकिन फिर भी मैक्सिमम देके जाएगी जो एलिवेशन चाहिए था वो मिल गया अपर कट बहुत ही बढ़िया तरीके से खेले गेंद में देखा जाए उतना कुछ खासा था नहीं पूरा समय था बल्लेबाज के पास शॉर्ट अटैम्प करने के लिए पर्याप्त तो मौका था उनके पास बहुत ही बढ़िया तरीके से अपर कट के जरिए कवर के ऊपर से मैक्सिमम बटोरा इनसाइड आउट आउटसॉट लेकिन इस बार थोड़ा धीमे शॉट खेला जानते हैं कि फील्डर एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर तैनात है काफी देर तक हवा में रही थी लेकिन वो जान के हल्के हाथों से खेला ताकि गेंद वो कैरी ना हो सके की वहां पे फिल्डर के पास अच्छी सोच वहां रिवर्स रिवर्सिप करना चाहते थे वीकेंड वहां पे लेकिन इसके लिए थोड़ी गति चाहिए वो प्रदान नहीं की गई धीमी गति से गेंद को वहां पे डिलीवर किया गया स्कोर अभी भी रुका हुआ है 25 रन इंतजार किया रुक के आई थोड़ा फंस के आई और अतिरिक्त बाउंस भी मिला और तीन ओवर की समाप्ति के बाद पच्चीस रन दो विकेट के नुकसान पे पिछला ओवर देखा जाए तो वो सफलता भी मिली उसमें एक मैक्सिमम भी आया एक चौका भी आया अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके अच्छी गेंद यॉर्कर थी थोड़ा हटके रूम बनाने का प्रयास एक रन वहां पे मिला है 26 रन इस सिंगल की मदद से यस जो अच्छी गेंद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं एक्रॉस द लाइन यहाँ पे थोड़ा हट के बैक फुट पे जाके वो क्रिस की गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन ये जो गेंद थी ना वो थ्रू द लाइन वाली थी अक्रॉस द लाइन इस गेंद के ऊपर शॉट खेलना उसके लिए थोड़ा लाइन से हटके खेलना पड़ेगा अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे ध्रुव के द्वारा इस बार हवा में खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद गई है सर्कल के अंदर कवर की दिशा में और ध्रुव ने खुद अपने ही फॉलो थ्रू में जिम्मा उठाया और एक आसान सा कैच यहाँ पे वापस चलता कर दिया है बल्लेबाज वीकेंड को और वीकेंड के खाते में मात्र सात रन और वाणी इलेवन पालन एक और विकेट यहाँ पे छब्बीस रन के ऊपर तीसरा झटका लगा है उनको गेंदबाजी यहाँ पे ध्रुव के द्वारा थोड़ी हाफ वाली गेंद जरूर थी लेकिन धीमी गति से पड़ने के बाद थोड़ा मूवमेंट रूम बना के खेलने का प्रयास किया गया लेकिन ज्यादा हवा में निकल गई सर्कल के अंदर कवर की दिशा में खुद गेंदबाज ने जिम्मा उठाया कैच लेने का और एक आसान कैच वहां पे उन्होंने तब्दील किया तीसरा विकेट छब्बीस के ऊपर हल्के हाथों से संभाल के इस बार कवर की दिशा में जय नए बल्लेबाज के रूप में जिन्होंने खाता खोला पहली गेंद पे अपना ट्वेंटी सेवन रन इन साइड एज वहां पे लगा गैप बिल्कुल बना था वहां पे बैट और पैर के बीच में उसके बीच में से गेंद निकल गई प्लेड ऑन होने की वो पूरी संभावना बनी थी वहां पे भाग्यशाली रहे वहां पे जरूर अन्यथा यश का विकेट यहाँ पे बिल्कुल मिलने की कगार पे थे अच्छी गेंदबाजी ध्रुव के द्वारा धीमी गति की गेंदों का बढ़िया इस्तेमाल किया है वो गति में परिवर्तन अच्छा किया है इस ओवर में यह भी अच्छी गेंद लो फुलटॉस गेंद और सिंगल यहाँ पे मिलेगा सिंगल की सहायता से जय स्ट्राइक रखेंगे अपने पास अगले ओवर में यहां से चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है उनतीस रन बने हैं तीन विकेट के नुकसान पे अब एंड यहां से चेंज होगा जो कॉमेंट्री बॉक्स से एंड से गेंदबाजी हो रही थी अब वो फार्म एंड से गेंदबाजी की जाएगी चार ओवर के बाद 29 रन तीन विकेट के नुकसान पे टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो ट्रॉफी के स्पॉन्सर टूर्नामेंट के लिए अशोक भाई पटेल साधक पर और जो नीविया हैवी गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके स्पॉन्सर अमित पटेल कल्यारी मोमेंट्स क्लिक फोटोग्राफी प्रिंस जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए हैं फार्म एंड से गेंदबाजी करेंगे पहली गेंद के ऊपर रन वहां पे जरूर लिया गया है जय के द्वारा साझेदारी यहां पे बनानी पड़ेगी यश और जय को तीस रन बने हैं पांचवा ओवर है प्रगति पर थोड़ा हटे रूम बनाए अपने आप के लिए तेज गति से खेला सौ अच्छी फील्डिंग भूमिन पटेल बहुत ही बढ़िया तरीके से रोका निश्चित तौर से चौका बचाया है अपनी टीम के लिए वहां पे बहुत ही बड़ी एथलेटिज्म नजर आया भूमिन पटेल के द्वारा सतर्कता भी दिखाई दी गई कदमों का इस्तेमाल हवा में ऊंची उठ गई ध्रुव वहां पे फिल्डर के तौर पे तैनात कोई गलती नहीं करेंगे आसान सा कैच बना उनके लिए और वापिस अब जाना पड़ेगा जय को यहाँ पे डगआउट का रास्ता दिखाया है जय जिन्होंने मात्र तीन रनों का योगदान दिया है अपनी टीम के लिए और वापस यहाँ पे उनको डगआउट में भेजा है प्रिंस ने वजह खड़ी की उनके लिए वापस जाने की हाफ वाली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट उठाना चाहते थे लेकिन सीधे बल्ले से खेलने वाली गेंद को थोड़ा एक खेल गए उसकी वजह से वो जो ऊंचाई ज्यादा मिल गई वो लंबाई मिली नहीं और ध्रुव वहां पे एक अच्छे फील्डर है जिन्होंने कोई गलती नहीं की तो एक और झटका एंड चेंज हुआ है तो यहां से थोड़ा परिस्थितियां भी बदल रही है चौथा जट का थर्टी वन इकतीस के ऊपर और ये जो पाटीदार यंगस्टर कप अंडर ट्वेंटी थ्री तेईस साल से भी कम उम्र के होनहार क्रिकेटर सभी युवा प्रतिभा इस डिजर्ट सीए कलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अपना जो क्रिकेटिंग हुनर है वो यहाँ पे प्रस्तुत करती हुई और अपने आप में मैनेजमेंट के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है मतलब युवा प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए और एक तरीके से देखा जाए तो इन फ्यूचर एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए क्योंकि युवा प्रतिभा जो होती है वो समाज का वो आने वाला कल होता है तो उस कल को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए जो यहाँ पे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया वाकई ही वो काबिल तारीफ प्रशंसा करनी पड़ेगी इसी बीच हवा में ऊंचा शॉट खेला गया फील्डर वहां पे तैनात किए गए थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर कोई गलती नहीं की जाएगी में यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा और के स्कोर पर कल वैसे अच्छा दिन रहा था हर्ष का लेकिन आज शर्वाद उतनी अच्छी हुई नहीं शून्य के स्कोर पे अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रिंस के द्वारा इस ओवर में दूसरा विकेट अपने नाम किया है और पांचवा झटका यहां पे दिया है वानी लेवन पालन की टीम को अच्छी गेंदबाजी और एक आसान कैच आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में बोमिन जो फील्डर के तौर पे वैसे भी अच्छे फील्डर है वो गलती करते नहीं है और बढ़िया गेंदबाजी मानना पड़ेगा प्रिंस के द्वारा और जो हम बात कर रहे थे कि इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया उसको सफल बनाने के लिए जैमसन ग्रुप के द्वारा पांच हजार पांच हजार रुपए का योगदान मिला था कल उसके अलावा वानी बेन उनके द्वारा भी पच्चीस सौ का योगदान इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दिया गया है वानी बेन मुकेश भाई वानी बेन मुकेश भाई पटेल मुकेश भाई जो सूरसागर के ऑनर है जो बल्लेबाज इसका नाम क्या है जो नए जो बल्लेबाज आए दिलन तो यहां से अब कितना रन थर्टी थर्ट बत्तीस रन पांच ओवर की समाप्ति के बाद तो पिछला ओवर देखा जाए तो अच्छा रहा तीन रन मात्रा उस प्रिंस के ओवर में आए और दो सफलताएं भी उन्होंने प्राप्त की है तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से अभी तक तो वो बैकफुट पे रखा है पालन की टीम को अच्छी गेंदबाजी यहां पे सोनवाड़ा इंडियंस के द्वारा हुई है लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स स्पिनर यस गेंदबाज के तौर पे अच्छी गेंदबाजी लेकिन अच्छा शॉट वहां पे बिल्कुल रडार में आ गई गेंद में हालांकि उतना कुछ खराब था नहीं लेकिन फिर भी जो लेंथ को पड़ा है ना जो स्पॉट को पिक किया है ना वो वाकई काबिल तारीफ है अच्छा शॉट नजर आया यस बहुत ही बढ़िया तरीके से लय में नजर आ रहे आज अच्छा अच्छी शुरुआत हुई है उनकी इस बार अच्छी गेंद लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स की वैसे देखा जाए तो वो राइट हैंड बैटर के लिए छोड़ती हुई गेंद जाती है उसी प्रकार की गेंद डाली थी लेकिन थोड़ा डायरेक्शन वो गलत हुआ सात रन आ चुके पहली गेंद के ऊपर इनसाइड आउट हवा में ऊंची उठ गई एलिवेशन मिला नहीं है फील्डर वहां पे तैनात है गलती बिल्कुल भी नहीं की जाएगी और यहां से एक और विकेट आया है पहले ही गेंद के ऊपर मैक्सिमम जड़ा था यश ने लेकिन फिर उसके बाद फंसाया और थर्टी नाइन उनचालीस के ऊपर आधी टीम जी छठा विकेट माफ कीजिएगा छठा विकेट गिरा है उनचालीस के ऊपर अच्छी पारी खेल रहे थे यश और बीस रन बनाए सात गेंदों में यश ने जिसमें दो मैक्सिमम एक चौका जड़ा उस पारी के सामने एक प्राइस टैग लगाने की जरूरत थी उसे बड़ा बनाने की दरकार थी लेकिन उस सामने अलग सोच थी यश की जिन्होंने चलता कर दिया यश को सफल ओवर यहाँ पे गेंदबाजी में परिवर्तन काम करता हुआ सोनवाड़ा इंडियंस के लिए निर्भय नए बल्लेबाज यश ने बीच मैदान में इनके लिए आने की वजह खड़ी की उन्होंने अच्छे लय में लग रहे हैं इनफॉर्म सेट बल्लेबाज यश को चलता कर दिया अच्छी गेंदबाजी यश के द्वारा इस बार इन साइड एज वहां पर लगा था बेहतरीन गेंद थी और ये जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होते हैं ना ले, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन को परेशान करते हैं क्योंकि इनकी गेंदे वो बिल्कुल इनके सामने आ जाती है जा जा टुअर्ड्स द लेफ्ट हैंड प्लेयर राइट हैंड को जो गेंद छोड़ती हुई जाती है वो इनके सामने आ जाती है और वो काफी मिट्टी के विकेट के ऊपर बिल्कुल साफली आ जाती है एकदम से उछाल के साथ अंदर आती है और दिक्कतें पैदा करती है बिल्कुल लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए खास करके ज्यादा वेरिएशन इनके पास होता नहीं लेकिन दो तीन वेरिएशन के साथ ये गेंदबाजी करते हैं जैसे ये इनका टिपिकल ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी है अवे फॉर द राइट एंड बेटर छोड़ती हुई जाती है दाएं हाथ के बल्लेबाज को अच्छी गेंदबाजी अच्छी वापसी यश के द्वारा लो फुलटोस गेंद थी और फील्डर वहां पे तैनात है मिसफील्डिंग अमूमन देखी नहीं जाती लेकिन अच्छी तरीके से रोका वहाँ पे रनआउट का मौका भी बना है वहाँ पे और रनआउट के जरिए वापिस यहाँ पे जाना पड़ेगा निर्भय को दूसरा रन वहाँ पे जरूर लेने है। चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जो दौड़ लगाने की जरूरत थी वो अठारह मीटर का फासला तय करने के लिए जो आपके पास वो एथलेसिज्म होना चाहिए वो दिखा नहीं और रनआउट के जरिए एक और सातवा झटका का निर्भय मात्र एक रन बना पाए और वापस डकआउट में चले गए अच्छी गेंदबाजी वहाँ पे पहले अटैम्प के लिए ऊपर भूमिन के द्वारा जरूर छोड़ा गया था बाउंड्री लाइन के ऊपर लेकिन ध्रुव ने अच्छा वहाँ पे बैकअप दिया गया और अच्छा पिकअप पिकअपर थ्रो और रनआउट करने के लिए सबसे जो सतर्कता होती है ना वो फील्डर में ये होनी चाहिए कि किस एंड के ऊपर आपको थ्रो देना है तो वो उन्होंने सही काम किया सातवा झटका का फोर्टी वन इकतालीस के ऊपर अच्छी गेंदबाजी दो विकेट यहां पे आए हैं आउट के जरिए खड़े-खड़े शॉट देखिए कुछ भी वहां पे ज्यादा करने की जरूरत पड़ी नहीं दिलन को लेफ्ट लेफ के बाहर गेंद ट्रैवल कर रही थी मात्र वहां से वो पिकअप शॉट खेला गया लेंथ को मात्र पिक किया ये कमाल का शॉट है दिलन का बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे नजर आया और छह रन यहाँ पे फोर्टी सेवन सैतालीस रन सात विकेट के नुकसान पे ओवर की समाप्ति के बाद अच्छा शॉट था एक्शन रिप्ले में भी देखोगे ना तो बढ़िया लगेगा ये शॉट खड़े खड़े मात्र वो लेंथ को है ना पढ़ लिया बोमिन पटेल गेंदबाजी का बार संभालेंगे सातवें ओवर में पहला ओवर अच्छा रहा था मात्र पांच रन दिए थे उन्होंने अपने पहले ओवर में ये कला है इनके पास ये दीवी गति की गेंद है अच्छे टप्पे के ऊपर डालते हैं आपके पास चेंज ऑफ पेस होना चाहिए लेकिन उसके साथ वो आपके पास वो लेंथ वाली एक्यूरेसी भी चाहिए तभी वो जो गेंद बेहतर होती है ना वो बेहतरीन बनती है ये अच्छे गेंदबाज है ये क्लेवर गेंदबाज है परिस्थिति के वो ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी करते हैं दूर रखने का प्रयास है हवा में ऊंची उठ गई है और फिल्डर वहां पे तैनात ध्रुव खड़े थे दूसरा कैच ध्रुव के द्वारा लिया गया इसी लॉन्गोन की दिशा में वापस यहां पे बल्लेबाज को जाना पड़ेगा सेवन सैतालीस रनों के ऊपर आठवां विकेट गिरा है शिव को भी वापस चलता किया गोल्डन डक के स्वरूप में सुकोर को बिना ज्यादा परेशान किए वापस चले गए फोर्टी सेवन सैतालीस रन आठवां झटका अभी अभी यहां पे लगा है एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया गया लेकिन वो ऑप्शन के बाहर की गेंद थी वहां से लॉन्ग ऑन मिड विकेट के ऊपर खेलना वो उतना आसान होता नहीं धवल आए नए बल्लेबाज के रूप में अच्छी गेंदबाजी भूमिन के द्वारा फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन सामने कैचिंग पोजीशन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर नए बल्लेबाज के लिए पीछे सॉथ थर्डमैन भी तैनात है अवे फॉर द राइट हैंड बैट्समैन गेंद आएगी गुडलेन के ऊपर टप्पा पड़ेगा इंडेक्स फिंगर के साथ गेंद घूमेगी और मिट्टी में थोड़ा फंस के वो गति भी कम होगी उछाल भी मिलेगा वो घुमाव भी मिलेगा अच्छी गेंदबाजी है इस बार विकेट टू विकेट बॉलिंग टॉपेज लगा विकेट कीपर के तौर पे वहां पे कोई गलती नहीं की गई प्रथम के द्वारा अच्छा कह आसान सॉफ्ट डिस्मिसल अच्छी गेंदबाजी का रिवॉर्ड बुमिन को मिला है और धवल को यहां पे शून्य के स्कोर पे एक और ऐसा बल्लेबाज जो स्कोरर को बिना परेशान किए चला गया डगआउट में फोर्टी सेवन रन नौ विकेट के नुकसान पे पहला मैच सुबह का लो स्कोरिंग गुजर रहा है इसका पूरी तरीके से रिवॉर्ड जाना चाहिए गेंदबाजों को सोनवाड़ा इंडियंस एक बेहतरीन प्लान बना के आए थे और वो सभी जो उन्होंने रणनीतियां बनाई थी उसमें उनको सफलता मिली है जो प्लान बनाए गए थे ए बी सी सभी में उनको सफलता मिली है प्लान अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुए हैं सैतालीस रन नौ विकेट के नुकसान पे अलय आए हैं अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में मौका है यहां पे टीम को ऑल आउट करने का भूमि के पास थोड़ा अजीबो गरीब तरीके से शॉट को खेला गया वो पूरी तरीके से वो टेलेंडर्स के अंदाज में सैतालीस रन नौ विकेट के नुकसान पे दिलन नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अभी भी खड़े एक मैक्सिमम वो जड़ चुके हैं चिगे हट हटके रूम बना के खेलने का प्रयास मात्र इस गेंद को है ना वो मात्र निकालना चाहते थे जैसे तैसे करके बच गए विकेट के करीब से गुजरी सैतालीस रन सात ओवर के बाद सैतालीस रन आखिरी जोड़ी बीच मैदान में है और गेंदबाजी किसे थमाई जाएगी या सी डालेंगे ये पहला ओवर किफायती रहा था और बूमिन का स्पेल बढ़िया तरीके से समाप्त हुआ और एक तरीके से देखा जाए भूमिन ने इस टूर्नामेंट का एक बेहतरीन कारनामा करके दिखाया है डबल विकेट मेडन कल हमने पल के द्वारा देखा गया था एक सिंगल विकेट मेडन ओवर और ये पहली मरतबा इस टूर्नामेंट में हुआ है कि इसी गेंदबाज ने डबल विकेट मेडन ओवर यहाँ पे डिलीवर किया गया अच्छी गेंदबाजी भूमिन के द्वारा अपने स्पेल में मात्र ढाई की औसत से पाँच रन दिए और दो विकेट निकाले गेंद आई प्लेन मिस एक द लाइन खेलने का प्रयास बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में अच्छी गेंदबाजी राइट हैंडर के लिए वो लेफ्ट आर्म वहां पे राउंड अस्टम सीधा शॉट बढ़िया खेला है फील्डर वहां पे तैनात थे ध्रुव लेकिन अभी तक अच्छे कैच लिए उन्होंने एक अच्छे फील्डर है वो गलती ज्यादातर करते नहीं लेकिन इस बार गलती कर गए ये ऑल आउट करने का पूरी टीम को धराशाई करने का मौका बना था को चांस मिला है अच्छी गेंदबाजी उछाल चाहते थे वो मिला नहीं बल्ले का निचला हिस्सा लगा है और अच्छी गेंदबाजी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ज्यादातर वो राउंडस्टम नजर आते नहीं है लेकिन ये अच्छी सोच है यहाँ पे यश की बहुत अच्छी गेंद सीधी रह गई वो थोड़ा घुमाव के लिए अपेक्षा कर रहे थे लेकिन पढ़ने के बाद उतना घुमाव मिला नहीं अच्छी गेंदबाजी स्कोर कार्ड में अभी भी सैंतालीस रन ही बने हैं इजाफा हुआ नहीं है रनों का अभी भी पिछली दस गेंदों में एक भी रन आया नहीं है इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर शॉट खेला गया है ध्रुव फील्डर के रूप में तैनात है पहला रन आया है ग्यारहवीं गेंद के ऊपर और फोर्टी एट अड़तालीस रन आखिरी गेंद बची है पहली पारी की हटके रूम बना के ओवर कवर एक शॉट अच्छा गजड़ा है और अच्छी फील्डिंग वहां पे दो रन के लिए पलटवार किया गया है तीसरा रन चाहते हैं वहां पे लेकिन अब वो रन आउट हो जाएंगे रन आउट के जरिए अलई को वापस जाना पड़ा दो रन यहाँ पे स्कोर कार्ड में ऐड किए जाएंगे पचास रन बने हैं पचास रन बनाए गए यहाँ पे नौ पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया गया है पचास के ऊपर अच्छी गेंदबाजी टॉस जीता था सोनवाड़ा इंडियंस ने टॉस जीता गया सोनवाड़ा इंडियंस के द्वारा और फील्डिंग का फैसला किया आमंत्रित किया सामने वानी इलेवन पालन को और अच्छी गेंदबाजी मानना पड़ेगा अच्छी गेंदबाजी खास करके बूमिन के द्वारा अपने दो ओवर में एक मेडल पांच रन और तीन विकेट निकाले यश ने भी अच्छी गेंदबाजी की उससे पहले प्रिंस और ध्रुव उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया स्पेल डाला अपनी टीम के लिए और एक टीम यूनिट प्रदर्शनी में मानूंगा सभी गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान बनाए थे कप्तान ने जो कप्तान ने जो रणनीतियाँ बनाई थी उसमें सफलता मिली है सभी गेंदबाजों को यहाँ से 50 के ऊपर ऑल आउट कर दिया पूरी टीम को इक्यावन रन की चुनौती पहला अगर यहाँ पे जीत पहली जीत अगर प्राप्त करनी है सोनवाड़ा इंडियंस को तो ये मुकाबला इनको जीतना पड़ेगा अभी तक दो मुकाबले खेले हैं इस टूर्नामेंट में दोनों वो हारे हैं तो मौका यहां पे इस बार बना है लेकिन वो क्रिकेट है ना का खेल माना जाता है हमने कल भी देखा था साठ रनों का पीछा कल करना था आखिरी मैच में कल्याणी को लेकिन ड्रीम इलेवन ने वो साठ रनों को डिफेंड किया था और आज यहाँ पे फिफ्टी वन इक्यावन रन बनाने हैं देखना पड़ेगा किस प्रकार से वो थोड़ा रेट को ध्यान में रखते हुए सोनवाड़ा इंडियंस जरूर इस टारगेट को अचीव करना चाहेगी हल्के हाथों से संभाल के खिलाफ पहली गेंद के ऊपर अन चुराया अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यस और ध्रुव की जोड़ी पहली गेंद के ऊपर चुराया जय जिन्होंने गेंदबाजी का बार संभाला हुआ है कमेंट्री बॉक्स एंड से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करने का प्रयास थोड़ा अंडर एज लगा वहां रन आउट करने का प्रयास ओवर थ्रो के जरिए यहाँ पे रन लेना चाहते हैं काफी लंबा फासला तय कर लिया था ध्रुव ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और खाता खोला ध्रुव ने अपना इस दो रन की सहायता से वॉट ऑफ द मार्क विद कपल ऑफ रन अच्छी रनिंग नजर आई और स्कोर काढ़ तीन रन सोनवाड़ा इंडियंस ऑन द वे टू चेजिंग डाउन फिफ्टी वन रन उछाल के साथ कमाल का शॉट बेहतरीन तरीके से नियंत्रण के साथ कमाल का शॉट है। है कंट्रोल के साथ ही शॉट के ऊपर आपके पास वो कंट्रोल होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए खास करके लेंथ को सही समय के ऊपर पड़ने की वो क्षमता होनी चाहिए वो ध्रुव ने दिखाई है छह रन के साथ नौ के ऊपर स्कोर बढ़ता हुआ चौका जी चार रन वहां पे दिए गए और सात रन इस चौके की मदद से शॉट ये भी अच्छा है पावर प्ले चल रहा है तो ये वैसे देखा जाए तो ये चौका मिल सकता था लेकिन आ, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे साहिल के द्वारा अच्छा शॉट ये जड़ा गया था लेकिन आ, थोड़ी ताकत कम लगी पुल शॉट सामने खेलने का प्रयास लेकिन आ, अच्छी शुरुआत मानना पड़ेगा ध्रुव के द्वारा आठ रन इस बार फ्लिक क्या है कलायु के सारे हल्के हाथों से मोड़ा फिल्डर डीप में तैनात है और यहां से दो रन लेने के प्रयास में रनआउट का मौका था लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट एक समय के ऊपर देखा जाए तो थोड़ा मौका लगा फील्डर को के रनआउट हो सकते हैं लेकिन ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के द्वारा ये दूसरी मरतबा इस तरह से दो रन चुराए गए हैं रिवर्स एटम कड़ा है यस के बल्ले से निकलने वाला इंप्रोवाइजेशन वाला कड़ा के सुपर मैक्सिमम है बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे प्रिंस के द्वारा बहुत ही वहाँ पे बढ़िया बल्लेबाजी मानना पड़ेगा प्रिंस के द्वारा रिवर्स स्विप के जरिए एक ताकत के साथ और सबसे अच्छी बात कि इम्प्रोवाइजेशन में आपके पास वो लेंथ पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए तभी वो जो आप रचनात्मक शॉट खेलते हैं ना वो और, और खूबसूरत लगता है तो प्रिंस ने वही काम किया है अच्छी बल्लेबाजी अच्छी शुरुआत यहाँ पे मिली है और रन रेट को बिल्कुल ध्यान में रखा है इन्होंने अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा बिल्कुल जड़ में वहां पर डाली गई करीब से गुजरी थी विकेट के सोलह रन इस बार अच्छा शॉट है सामने की दिशा में फील्डर वहां पे हर्ष तैनात है जाना पड़ेगा ध्रुव को वापिस डगआउट में बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में आखिरी गेंद के ऊपर विकेट आया गेंदबाजी यहां पे साहिल के द्वारा फॉलो किया था ध्रुव को लेकिन फिर भी वहां पे रन चुराया है ओवर देखा जाए तो थोड़ा सफल गुजर रहा है वहां पे ऑप्शन के बाहर कट करने का प्रयास प्रिंस के द्वारा किनारा एज लगा था मौका था विकेट का काफी दूर थी रूम था खेलने के लिए लेकिन वो गति नहीं थी उसकी वजह से वो किनारा लगा ऑप्शन के बाहर दोबारा डालिए वाइड का इशारा अठारह रन गेंदबाजी साहिल के द्वारा चिगेंद यहां पे वो ऑफ ब्रेक के अंदाज में गेंद को डाला था इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल किया था दोवर की समाप्ति अठारह रन एक विकेट के नुकसान पे हर्ष अब गेंदबाजी का बार संभालेंगे दोवर में पहले दोवर में नौ रन की औसत से रन बने हैं पावर प्ले एक तरीके से देखा जाए तो इक्वल कंपटीशन अभी भी चल रहा है लेकिन सामने टारगेट उतना बड़ा है नहीं सॉड अच्छा है खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर अच्छी बल्लेबाजी कमाल का सॉड या ध्रुव के बल्ले से आया है अच्छी तरीके से वो नियंत्रण के साथ थोड़ी छोटी गेंद थी वहां पे पूरा मौका था उछाल उतना पर्याप्त वहां पे मिला ध्रुव को कि उसके ऊपर मैक्सिमम जड़ सके छह रन के साथ स्वागत किया गया है हर्ष का यहाँ पे अच्छी गेंद लेफ्ट आर्म चाइना में वो टिपिकल गेंद खास करके लेफ्ट हैंडर के लिए क्योंकि राइट हैंड के लिए इनकी गेंदें बिल्कुल शरीर के ऊपर आती है लेकिन लेफ्ट हैंडर को छोड़ती जाएगी लेफ्ट आर्म चाइना में वो काफी रेयर गेंदबाज ऐसे होते हैं ये कई कबार दिक्कतें होती है ऐसी छोटी गेंदे पड़ जाती है और बाउंस के जरिए चौका थोड़ा आगे ज्यादा गिर गई थी वो उछाल को कंट्रोल नहीं कर पाए फील्डर की वहां पे मैं कोई गलती नहीं मानूंगा क्योंकि छोटी गेंद थी पटकी हुई गेंद थी खराब गेंदबाजी मैं मानूंगा और चौका यहां इस चौके की मदद से दबाव है पूरा कड़ा कह शॉट देख लीजिए पिछला जो शॉट था ना वो बेहतर था लेकिन ये बेहतरीन है पहला मैक्सिमम कमाल का था ये लाजवाब है क्योंकि इसके ऊपर उतना उछाल उतना रूम था नहीं लेकिन फिर भी अपने आप के लिए वेट ट्रांसफर किया अपने आप के लिए जगह बनाई इस शॉट को इन्होंने बनाया है गेंद में कुछ भी खराबी नहीं थी लेकिन इन्होंने जो अपना हुनर है ना वो हिटिंग एबिलिटी का वो प्रस्तुत किया है कमाल की बल्लेबाजी मानूंगा ये ध्रुव के द्वारा यह भी बढ़िया पे पूरी तरीके से वन वे ट्रॉफी अप कर दिया है जो टारगेट छोटा था उसे और छोटा बनाया है और छह रन की सहायता से चौंतीस रन जीतने के लिए सत्रह रन चाहिए मात्र जी थोड़ा कॉम एरर था क्रिकिरोज में उसकी वजह से 40 रन और ये छक्का 46 सिक्स रन 46 रन यहाँ पे और 46 सिक्स रन मात्र पांच रन चाहिए पिछला ओवर अभी तक टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर यह नजर आया 28 रन आए इस ओवर में चार मैक्सिमम ध्रुव के बल्ले से सभी पुल शॉट के जरिए और लेक साइड के सभी एरिया में इन्होंने शॉट जड़े है ध्रुव ने अपना स्टैंडर्ड बड़ा किया अपने नाम को थोड़ा और बड़ा किया है कमाल का शॉट है लेकिन फील्डर वहां पे ड्रॉप चांस ये मौका गवाया है ये मौका गवाया अपर कट के जरिए मैक्सिमम बटोरना चाहते थे फील्डर को ढूंढा था अब स्ट्राइक पर आए है ध्रुव सॉड अच्छा है जमीन के समान अंतर तेज गति से अपने इंदाज में मैच को फिनिश करने का मन बनाया था लेकिन इंतजार करना पड़ेगा स्कोर कार्ड में फोर्टी एट अड़तालीस रन तीन रन चाहिए मात्र फुल लेकिन हुए। विनिंग यहां पे आया है बाई के जरिए चौका मिला है जी किनारा किनारा लगा था बल्ले का वहां पे चौका मिला है मतलब ये जो है ना मैच समाप्त करने वाला ये चौका मिला और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मुकाबले को और बहुत ही बढ़िया तरीके से नौ विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया है कॉम्प्रिहेंसिव ये परफॉर्मेंस कन्विंसिंग विक्ट्री और कमाल की बल्लेबाजी मानना पड़ेगा ध्रुव के द्वारा एक स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है अपना एक बेहतरीन कहा जाए या फिर फिनिशर उन्हें कहा जाए या फिर क्लीन स्ट्राइकर इन्हें कहा जाए सब कुछ यहां पे इनको वाजिफ है कमाल की बल्लेबाजी भाई मानना पड़ेगा और अगर मैन ऑफ द मैच इस मैच के लिए बात की जाए तो प्रिंस दो ओवर चौदह रन तीन विकेट उनके नाम रहे प्रिंस मैन ऑफ द मैच एज क्रिक हीरोज एप्लीकेशन लेकिन ध्रुव की पारी वो कमाल की लाजवाब पारी याद रखी जाएगी लंबे अरसे तक नौ गेंदों में तीस रनों की मैच जीताने वाली वो पारी जिसमें चार मैक्सिमम आए थे और आने वाला अब अगला मुकाबला तो पहली जीत यहां पे दर्ज की गई है जीत की तलाश में थी सोनवाड़ा इंडियंस की टीम लेकिन ये बेहतरीन तरीके से जीत उनके नाम आई है और अब आने वाला जो अगला मुकाबला होगा उसके लिए मैं दोनों कप्तान को यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा कल्यार 11 11 11 कल्यारी इलेवन और सादकपुर जय पाटीदार इलेवन सादकपुर और साइराज इलेवन कलियारी कप्तान आएंगे जल्द से जल्द प्लीज प्लेइंग इलेवन सबमिट करवा दीजिए टॉस की प्रोसीजर करवानी है समय को आज थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है साईराज इलेवन कल्यारी कप्तान आएंगे और सामने जय पाटीदार इलेवन साधकपुर के कप्तान भी आएंगे सम्मान दिया वहां पे हाफ वॉली गेंद को बिल्कुल जमीन के समान अंतर खेला इस शॉट को पहला रन यहां पे देखा जाए एक्रोस लाइन यहां पे काउ कॉर्नर के ऊपर से बेहतरीन ये शॉट मैक्सिमम आया है इस बार इनसाइड आउट शॉट और ओवर मिड ऑफ के ऊपर से ओवर द टॉप ये शॉट खेलना वैसे चाह अच्छी गेंद है और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर फील्डर वहां पे तैनात फसा यहां वहां पे गुमा मुकाबला जीत चुकी है एक मुकाबला हार चुकी है इस बार अच्छा कैच लिया गया मिड विकेट की दिशा में सौडम जब पुल करने इन साइड आउट सॉड अच्छा ओवर कवर है फील्डर वहां पे तैनात है लेकिन रोकना नामुमकिन सम्मान दिया वहां पे हाफ वॉली गेंद को बिल्कुल जमीन के समान अंतर खेला इस शॉट को पहला रन यहां पे देखा जाए लाइन यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर से बेहतरीन ये शॉट मैक्सिमम आया है इस बार इनसाइड आउट शॉट और ओवर मिड ऑफ के ऊपर से ओवर द टॉप ये शॉट खेलना वैसे ये अच्छी गेंद है और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर फील्डर वहां पे तैनात फसाया वहां पे गुमा जीत चुकी है एक मुकाबला हार चुकी है इस बार अच्छा कैच लिया गया मिड विकेट की दिशा में जब पुल करने इनसाइड आउट सॉड अच्छा ओवर कवर है फील्डर वहां पे तैनात है लेकिन रोकना नामुमकिन हो जाएगा कट किया है हवा में ऊंची निकल गई है लेकिन फिर भी मैक्सिमम देके जाएगी जो एलिवेशन चाहिए था वो मिल इस बार हवा में खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद गई है सर्कल के अंदर कवर की दिशा में और ध्रुव ने कैसे खेला शॉर्ट अच्छी फील्डिंग भूमिन पटेल बहुत ही बढ़िया तरीके से रोका निश्चित तौर से चौका बचाया है अपनी टीम के लिए कदमों का इस्तेमाल हवा में ऊंची उठ गई ध्रुव वहां पर फिल्डर के तौर पे तैनात कोई गलती नहीं करेंगे आसान सा कैच बना उनके लिए और वाफ प्रशंसा करनी पड़ेगी इसी बीच हवा में ऊंचा शॉट खेला गया फील्डर वहां पे तैनात किए गए थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर कोई गलती अच्छी गेंदबाजी लेकिन अच्छा शॉट वहां पे बिल्कुल रडार में आ गई गेंद में इनसाइड आउट हवा में ऊंची उड़ गई एलिवेशन मिला नहीं है फिल्डर वहां पे तैनात है गलती बिल्कुल भी नहीं की जाएगी मिसफील अमूमन देखी नहीं जाती लेकिन अच्छी तरीके से रोका वहां पे रनआउट का मौका भी बना है वहां पे और रनआउट के जरिए खड़े खड़े शॉट देखिए कुछ भी वहां पे ज्यादा करने की जरूरत पड़ी नहीं दिलन को लेग लेफ स्टम्प के बाहर के वो ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी करते हैं दूर रखने का प्रयास है हवा में ऊंची उड़ गई है और फील्डर वहां पे तैनात ध्रुव खड़े थे दूसरा कैद इस बार विकेट टू विकेट बॉलिंग टॉपे लगा विकेट कीपर के तौर पे वहां पे कोई गलती नहीं की गई वहां पे राउंड स्टम सीधा शॉट बढ़िया खेला है फील्डर वहां पे तैनात थे ध्रुव लेकिन अभी तक अच्छे कैच लिए उन्होंने एक अच्छे फील्डर है वो गलती जाते फील्डिंग वहां पे दो रन के लिए पलटवार किया गया है तीसरा रन चाहते हैं वहां पे लेकिन वो रनआउट हो जाएंगे रनआउट के जरिए अलई को वापस डाउन फिफ्टी वन रन उछाल के साथ कमाल का शॉट बेहतरीन तरीके से नियंत्रण के साथ कमाल रिवर्स एड कड़क है यास के बल्ले से निकलने वाला इंप्रोवाइजेशन वाला कड़ा के सुपर इस बार अच्छा शॉट है सामने की दिशा में फील्डर वहां पे हर्ष तैनात है जान वहां पे ऑप्शन के बाहर कट करने का प्रयास प्रिंस के द्वारा किनारा एज लगा था मौका था विकेट का अच्छा है खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर अच्छी बल्लेबाजी कमाल का सौड या बे ध्रुव के बल्ले से आया है होती है, ऐसी छोटी गेंदे पड़ जाती है और बाउंस के जरिए चौका थोड़ा आगे ज्यादा गिर गई थी वो उछाल को कंड ये शॉट देख लीजिए पिछला जो शॉट था ना वो बेहतर था लेकिन ये बेहतरीन है पहला मैक्सिमम ये भी बढ़िया शॉट यहां पे पूरी तरीके से थोड़ा कॉम एरर था क्रिकोज में उसकी वजह से 40 रन और यह छक्का 46 सिक्स रन कमाल का शॉट है लेकिन फील्डर वहां पे ड्रॉप चांस ये मौका गवाया है मात्र फुल टॉस गेंद थी लेकिन विकेट कीपर बीट हुए विनिंग शॉट यहां पे आया है बाई के जरिए चौका ऑल सच प्लेयर दूसरा मुकाबला दूसरे दिन का जय पाटीदार इलेवन साधक पर टॉस जीत के फील्डिंग का पहले फैसला और आमंत्रित किया है यहां पे कल्याण इलेवन को हर्ष और शिव की जोड़ी हर्ष स्ट्राइक के ऊपर अक्सर विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग हवा में थी, टॉप शॉट खेलने का प्रयास लेकिन गैप मिला है स्वीपर कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में गैप था उसे ढूंढ निकाला और चौका यहां पे। हर्ष ने अपनी पारी का आगाज किया है चौके की मदद से हाफ वॉली गेंद थी बिल्कुल कॉपी बुक अंदाज में शॉट खेला गया इस प्रकार के शॉट टेनिस में बहुत कम देखने को मिलते हैं और अच्छे भी लगते हैं चौके के साथ शुरुआत अच्छी गेंद वहां पे बीट किया लेंथ को इस बार पीछे खींचा पिछली जो गेंद थी ना वो थोड़ी आगे थी उसके लिए मौका था बना चौका जड़ा उसके गेंद के ऊपर लेकिन यहां पे थोड़ा लेंथ को पीछे खींच लिया और इनवाइट किया था जरूर फ्रंट फुट के ऊपर अच्छी वापसी अक्सर के द्वारा दोबारा डालिए क्योंकि वाइड होगी निश्चित तौर से वो फॉलो करने का प्रयास किया जरूर लेकिन डायरेक्शन गलत हुआ पांच रन इस वाइड की मदद से कमाल का शॉट सीधे बल्ले से बेहतरीन एक खूबसूरत अंदाज में मैक्सिमम जड़ा। एक्शन रिप्ले में जब आप इस शॉट को देखोगे ना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बल्ले का पूरा फेस ओपन किया फुल फेस ऑफ द बैट और लेंथ को सही समय के ऊपर पिक किया है जहां से टप्पा पड़ा वहां से बल्ला अपना उठाया और फिर से कॉपी बुक स्टाइल में केल राहुल के अंदाज में मैक्सिमम जड़ा ग्यारह रन दिशा से बटके दिशा से बटके फिर से वाइड का इशारा दूसरा वाइड यहाँ पे इस ओवर का आया है ये ओवर थोड़ा महंगा बन रहा है चौके के साथ जहां पे शुरुआत हुई थी बारह रन ऑलरेडी अब तक स्कोर कार्ड में रन संख्या बन चुकी है और दस रन के ऊपर खेल रहे हैं खुद हर्ष अच्छी शुरुआत एक चौका और छक्का जड़ चुके हैं अच्छी वापसी अक्सर के द्वारा जड़ में डाली कठिन सवाल पूछा और डायरेक्ट थ्रो लगता तो भी मेरे ख्याल से पहुंच गए थे अच्छी तालमेल वहां पे अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आया दोनों के बीच में तेरह रन इस सिंगल की मदद से अच्छी गेंद हाफ फॉली थी लेकिन उसे संभाल के सम्मान देके खेला आखिरी गेंद अभी भी बची है पहली ओवर की तेरह रन स्कोर कार्ड में रन संख्या अच्छी शुरुआत यहाँ पे हुई है बल्लेबाजी लिहाज से अच्छी शुरुआत कलियारी के लिए स्वीप किया है लेकिन फील्डर है लॉन्ग लेग के ऊपर शॉर्ट लॉन्ग लेग के ऊपर फील्डर तैनात है और इस सिंगल की मदद से स्ट्राइक रखेंगे अपने पास अगले ओवर में वे दा, वे दा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद चौदह रन चौदह रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे रुद्र यस गेंदबाजी का बार समझ बाहर गेंद थी बाहरी किनारा लगा है और अच्छी तरीके से स्वीपर कवर की दिशा में चौका बटोरा अच्छा सौड़िय नजर आया थोड़ा दूर रखने का प्रयास था बल्लेबाज से मात्र बल्ला वहां पे धकेला वो अपना बल्ला ले गए वहां तक लेंथ तक और कनेक्शन बढ़िया हुआ वहां पे चौका मिल गया अच्छी शुरुआत इस ओवर की यहाँ पे अठारह रन यस का स्वागत किया गया चौके के साथ फुलटोस खराब गेंद उसे छक्के में तब्दील किया है बैड डिलीवरी बिल्कुल खराब गेंद थी मौका था पूरा यहां पे छ रन बनाने का अच्छी पोजीशन में आए और खराब गेंद को सही यहां पे नसीहत प्रदान करते हुए 24 रन से छह रन की सहायता से पहली दो गेंदों में दस रन आ चुके हैं दबाओ पहले ही ओवर से डालने का प्रयास यहां पे यश के ऊपर चौबीस रन प्लेड प्लेडॉन इन साइड सीधी विकटों के ऊपर जाके टकराई वापसी यहां पे यश ने की है दो गेंदें खराब मिली उसके ऊपर पहले चौका जड़ा फिर छक्का जड़ा लेकिन यहां पे बिल्कुल जड़ में डाले और उसका रिवॉर्ड यहां पे मिला है बेहतरीन गेंदबाजी अच्छी वापसी में मानूंगा बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में वहां पे इन साइड है जंदरूनी किनारा लगा और काफी करीब से खेलने गए उसकी वजह से वो प्लेड ऑन हो गए और गैप भी बना था वहां पे बैट और पैर के बीच में देखा जाए तो गैप था और मानव आज वन डाउन पोजिशन के ऊपर मोमेंट ज्यादातर देखा जाए तो शुरुआत करते हैं पारी की मानवाए नए बल्लेबाज के रूप में एक बेहतरीन क्रिकेटर है पाटीदार समाज के लिए खास करके युवा प्रतिभा अंडर ट्वेंटी थ्री में पहली गेंद के ऊपर ऊंचा शॉट उठाया है हवा में ज्यादा है लेकिन ज्यादा उतना मसला होगा नहीं क्योंकि पावर प्ले चल रहा है तो मात्र वो सर्कल को क्रॉस करने की जरूरत थी लेकिन अमूमन देखा जाए तो पावर प्ले में लॉन्ग ऑफ का फील्डर होता है लेकिन यहाँ पे थोड़े फील्डिंग सेटअप में मैं सरप्राइज हुआ और ये चौका मिला चौके की सहायता से ट्वेंटी एट अट्ठाईस रन सौड़ ये कड़क है पूरी ताकत के साथ खेला गया सौड अच्छी तरीके से सौड आम जैपुल वहां पे खेला नजरों के नीचे इंटेंशनली वो बिल्कुल जानबूझ के नीचे खेला ताकि चौका बटोर पाए क्योंकि हवा में खेलने की वजह से रिस्क रिस्क होता है वो उसके लिए फील्डर था वो मानव को बिल्कुल जहन में था इनके फील्डिंग के मुताबिक खेल रहे चौका बटोर आ बत्तीस रन अच्छी वापसी यहां पे बैक ऑफ लैंड गेंद थोड़ा उछाल गति में परिवर्तन प्ले एंड मिस बॉल के साथ ओवर समाप्त दो ओवर के बाद बत्तीस रन एक विकेट के नुकसान पे सायराज इलेवन कल्याणारी ग्यारह रन यहां पे हर्ष और ग्यारह के ऊपर मानव अच्छा शॉट बेहतर शॉट हवा में फिल्डर वहां पे लेकिन देव बनेगे दर्शक अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया गया ऊंचे लंबे कट के वो बल्लेबाज है तो रडार जो है ना उनकी थोड़ी लंबी इनकी रेंज हिटिंग थोड़ी ज्यादा है बड़ी है लेंथ के ऊपर अच्छी तरीके से पहुंच जाते हैं जीत का यहां पे स्वागत किया गया है अच्छी गेंद लेग ब्रेक के अंदाज में राइट आर्म पेसर यहाँ पे लेग ब्रेक बने और अच्छी तरीके से गेंद को डिलीवर किया जो इन्होंने सोच बनाई थी उसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है बढ़िया गेंद थी अनप्लेएबल डिलीवरी फिर ऐसे वही प्रयास ये घुमाव देखिए इतना बड़ा गुमाव लेग स्टम्प के ऊपर टप्पा पड़ने के बाद अमूमन बिल्कुल मिडल स्टम्प के ऊपर जाके गेंद फिनिश हुई अच्छा घुमाव प्राप्त करते हैं इनकी कलाइयों में वो रिस्ट में उतनी क्षमता है कि अच्छी तरीके से गेंद को घुमा सकते हैं टेनिस में वो सिम की जरूरत भी नहीं पड़ती गेंद को घुमाने के लिए आप में वो क्षमता होनी चाहिए आपने वो कला होनी चाहिए तो आप मिट्टी की विकेट के ऊपर अंदर भी ला सकते हैं आप लेग ब्रेक भी कर सकते हैं उसके लिए वो लेदर बॉल वाला सिम नहीं चाहिए अपने बस क्षमता चाहिए अच्छी गेंद थी एक मैक्सिमम आया लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी पे वो जो छक्का आया था ना वो तेज गति से डालने के प्रयास में वो छक्का खा बैठे लेकिन उसके बाद वो चेंज ऑफ पेस किया उसमें अच्छी सफलता मिली है गेंदबाज जीत को ये अच्छी गेंद थी वहां पे पैरों के ऊपर मेरे ख्याल से टकराई है और फाइन लेग की दिशा में चौका मिला लेग बाई का हिस्सा रहा काफी तेज गति से डाली थी वो गति यहाँ पे थोड़ी दुश्मन बनी गेंदबाज के, के लिए क्योंकि वो गति की वजह से चौका निकल गया देखा जाए तो बल्ले के साथ लगा था इनसाइड एज वहाँ पे हल्का सा किनारा लग गया और इस चौके की मदद से फोर्टी फोर रन घुमाया था हल्के हाथों से खेलने का प्रयास बीट किया था मानव को वहां पे शॉट रोकना पड़ा अपना क्योंकि गेंद है ना रुक के आई और पहले से वो हाई बैकलिफ के साथ मन बना लिया था कि अपर कट खेलेंगे लेकिन अच्छी सोच मानव के द्वारा शॉट रोका फोर्टी फाइव पैंतालीस रन पैतालीस रन बने हैं इस ओवर में तेरह रन आए और जीत के पहले ओवर में तेरह रन आए हैं महंगा ओवर उनके द्वारा और अब खुद कप्तान देव पटेल गेंदबाजी का आक्रमण शुरू करेंगे इस चौथे ओवर में टॉप एज वहां पे खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए वहां पे तेज गति से बल्ला चला और टॉप एज लग गया वहां पे थोड़ा भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेट कीपर तक कैरी नहीं हुई 45 45 रन शॉट अच्छा है हेलीकॉप्टर शॉट तेज गति से खेला गया फ्लिक वहां पे कलायु के सहारे फील्डर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर तैनात थे और यहाँ पे अच्छी सोच मानूंगा राउंड स्टम्प आ रहे हैं मतलब थोड़ा ज्यादा दूर रखने का प्रयास किया जाएगा बल्लेबाज से सीधा शॉट और फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं होगा क्योंकि अच्छा एरिया सेफ एरिया वहां पे चुना है एक बड़ा शॉट खेलने के लिए चौका बटोरा खड़े खड़े यहाँ पे हर्ष के बल्ले से एक और चौका आया छोटी पटकी हुई गेंद थी थोड़ी ऊपर डालने के प्रयास में धीमी गति से डालने के प्रयास में वो मौका बना चौके की मदद से पचास रन पूरे हुए यहाँ पे कल्हारी के लिए शो so, अभी भी जारी है एक और बढ़िया शॉट सामने की दिशा में एक और चौका बैक टू बैक बाउंड्री सीधे तीर जैसे शॉट यहां पे नजर आ रहे हैं पहले चौका यहां पे फिर से हाफ वॉली गेंद डाली तो उसके ऊपर भी सीधे बल्ले से फुल फेस ऑफ द बैट चौका बटोरा चौवन रन ये भी महंगी शुरुआत हर ओवर में काउंटर अटैक हर ओवर में यहाँ पे काउंटर अटैक करना चाहते हैं उसमें सफलता भी मिल रही है वो बिल्कुल लगआउट में से सेट होके आए हैं दोनों बल्लेबाज इंटेंशन इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है वो प्लान इनका बिल्कुल साफ है कि एक बड़ा टारगेट यहां पे देना चाहते हैं चौवन रन अच्छी गेंद वहां पे थोड़ा उछाल मिला उछाल के साथ वहां वो मात्र प्लेसमेंट करना चाहते थे अच्छी वापसी यहां पे गेंदबाज देव के द्वारा आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर भी कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट खेलना चाहते थे थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर वहां पे केविन के द्वारा और उसकी वजह से दो रन मिल गए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट ग्यारह रन आए देव के इस ओवर में और अब फिफ्टी सिक्स छप्पन रन एक विकेट के नुकसान पे चार ओवर की समाप्ति के बाद एंड यहां से चेंज होगा और आने वाले चार ओवर अब कॉमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी की जाएगी चार ओवर छप्पन रन साईराज इलेवन कल्यारी एक विकेट के नुकसान पे टॉस जीता था जय पाटीदार इलेवन साधकपर ने और पहले उन्होंने आमंत्रित किया है कल्यारी को बल्लेबाजी के लिए रिवर्स शिप खेलने का प्रयास था मानव के द्वारा थोड़ा जल्दी वहां पे पोजिशन बना ली थी अच्छी गेंद वहां पे अक्सर के द्वारा लो फुलटॉस गेंद थी उसे सीधे बल्ले से संभाल के खिला दूसरा रन चाहते हैं यहां रन रनआउट का मौका बन सकता था हर्ष को यहां पे जाना पड़ सकता था अगर कलेक्ट होता ना अक्सर ने थोड़ा लेजी हेलिंग दिखाया खास करके फील्डर ने भी वो सतर्कता उतनी दिखाई नहीं दी वो फील्डर के ऊपर दबाव बनाया यहां पे दोनों बल्लेबाजों ने दो रन चुरा लिए मौका बना था जीवनदान मिला है मैं तो मानूंगा आउट के जरिए मानव स्ट्राइक के ऊपर फिफ्टीन अट्ठावन रन कड़ाक शॉट हेलीकॉप्टर शॉट फील्डर वहां पे ढूंढ निकाला कोई गलती नहीं की जीत ने वहां पे विकेट आया है मानव को चलता कर दिया है अच्छी पारी यहाँ पे मानव की द्वारा और 16 रन मानव के खाते में और अट्ठावन रन के बाद दूसरा विकेट अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में हो रही थी लेकिन उस साझेदारी को यहाँ पे तोड़ा गया है फिफ्टी एट अट्ठावन के ऊपर यहाँ पे एक और विकेट दूसरा झटका एक बड़ा विकेट यहाँ पे आया है मानव के स्वरूप में अब राज खुद कप्तान टीम के राज पटेल राज इलेवन कल्याणी के कप्तान बीच मैदान में एक अपने आप में एक बेहतरीन ऑलराउंडर है वो भी कड़क शॉट पहली गेंद के ऊपर करारा प्रहार छह रन का इशारा अंपायर के द्वारा क्या यहाँ पे शुरुआत है वॉड एड ऑफ ये शॉट नहीं एक संदेश था यह यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्लियर किया है राज ने कि जो शुरुआत यहाँ पे दी गई है ना उस शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील करने का मन बना के आए हैं कप्तान एक अच्छे फिनिशर है कल बढ़िया पारी खेली थी अड़तीस रनों की अच्छी वापसी यहाँ पे जड़ में यॉर्कर कर डाली और सीधे बल्ले से संभाल के खेला वहाँ पे इस गेंद को एक रन लिया सिंगल के साथ ये थोड़ी सेंसिबिलिटी दिखाई क्योंकि जानते हैं कि पहली गेंद के ऊपर खाता खुल चुका है और फिर दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल लेके वो स्ट्राइक रोटेट करना वो एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी है ये भी स्टैंड एंड डिलीवर हर्ष के द्वारा खड़े खड़े शॉर्ट को खेला दूसरा मैक्सिमम इस ओवर का आया है ओवर को थोड़ा और महंगा बनाया है और इस ओवर में देखा जाए पंद्रह रन आए 71 वन इकहत्तर पांच ओवर के बाद हर ओवर में देखा जाए ना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी हो रही है दो ओवर में जहां पे बत्तीस रन थे फिर तीसरे ओवर में आए तेरह रन फिर देव के ओवर में ग्यारह रन आए थे यहां पे पंद्रह रन तो सभी गेंदबाजों को यहां पे आड़े हाथ लिया गया है विकेट आया लेकिन उसका कुछ उतना प्रभाव पड़ा नहीं है स्कोर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है अब गेंदबाजी मेरे ख्याल से खुद देव ही डालेंगे पहले ओवर में ग्यारह रन भले दिए थे लेकिन भरोसा है उनको अपने आप के ऊपर उनको विश्वास है अपनी वो विकेट टेकिंग एबिलिटी के ऊपर सेवेंटी वन इकहत्तर रन अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद थोड़ा सा मूवमेंट मिला था एक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास बल्ले के करीब से गुजरी थी थोड़ा बल्ला जल्दी वहां पे लेग साइड के ऊपर बंद कर दिया सेवेंटी वन इकहत्तर फ्लिक करने का प्रयास पैरों के ऊपर गेंदी हल्के हाथों से वहां पे सहलाया है फील्डर उसके पीछे भागेंगे लेकिन मात्र गेंद को उठाने के लिए जाएंगे ताकत भी है इनके पास वो नजाकत भी है डाउन द दा लेग वाली गेंद को वो फ्लिक के जरिए चौके में तब्दील करने की इनके पास वो क्षमता है 75 फाइव पचहत्तर रन चौके की मदद से दिवी गति की लो फुलटोस गेंद क्रॉस बैटेड वहां पे शॉट खेला गया और वन बाउंस चौका मिड विकेट की दिशा में पहले चौका फ्लिक के जरिए फाइन लेग के ऊपर फुल टॉस के ऊपर स्वीप खेला और एक ताकत के साथ स्वीप खेला गया ये वन बाउंस सीधा गेंद निकल गई मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए ये ओवर भी महंगा बन रहा है शुरुआत बहुत ही बढ़िया मिली थी उसे बड़े स्कोर में तब्दील करने की जो जरूरत थी उसके लिए फिनिशर चाहिए था हवा में इस बार ऊंची उठ गई है मौका बना है और कैच वहाँ पे केविन ड्रॉप चांस पहुंच गए थे केविन वहाँ पे आसान नहीं था वैसे ये कैच काफी लंबा फासला तय करना था लेकिन अंत में जब पहुंचे वहाँ तक तो वो कलेक्शन हो नहीं पाया मौका बना है यहाँ पे राज को जीवनदान मिला है 79 नाइन एटी वन इक्का और अब एटी सेवन सतासी रन कमाल की बल्लेबाजी यहां पे इस ओवर को फिर भी और महंगा बनाने का प्रयास था उसे और महंगा बनाया है कमाल की बल्लेबाजी भाई पहले ओवर हर्ष ने अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया फिर उसके ऊपर एक बड़े टारगेट की नींव रखने की जरूरत थी और फिनिशर की एक दरकार थी एक पिंज शीटर चाहिए था जो अच्छा फिनिश कर पाए कप्तान ने वो जिम्मेवारी उठाई पहली गेंद के ऊपर उन्होंने जो अपनी मन मुराद थी ना वो साफ कर दी थी कि वो बड़ी पारी खेलेंगे अपनी टीम को एक बड़े टारगेट क्यों ले जाएंगे एक स्टिफ टारगेट जरूर देंगे 87 अच्छी वापसी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे लेकिन ये ओवर महंगा तो बना है और इस ओवर में भी देखा जाए तो सोलह रन आ चुके हैं एटी सेवन सतासी रन ओवर के बाद दो विकेट के नुकसान पे टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल 104 रन है जो ड्रीम इलेवन ने बनाया था 103 87 87 सतासी ओवर के बाद एटी सेवन सतासी रन छवर के बाद जीत अब गेंदबाजी के ऊपर तेरा रन दिए थे अपने पहले ओवर में लेग ब्रेक के साथ शुरुआत की है वैसे मीडियम पेसर गेंदबाज है लेकिन इनके पास वो क्षमता है लेग ब्रेक को वैसे देखा जाए ना कलाइयों के सहारे पढ़ना पड़ता है जहां से इनकी गेंद डिलीवर होती है ना वहां पे आपकी नजरें होनी चाहिए तभी इनकी लेंथ को आप पढ़ सकते हैं अच्छी शुरुआत अच्छी गेंदबाजी घुमाव के साथ उछाल के साथ चेंज ऑफ पेस के साथ बीट किया कमाल की गेंदबाजी है टेनिस क्रिकेट में देखा जाए ना मॉडर्न टेनिस क्रिकेट जो इतना फास्ट हो चुका है इसमें यह दरकार रहती है कि आप चेंज ऑफ पेस कीजिए गति में परिवर्तन करना मौजूदा समय की डिमांड है और मौजूदा वक्त में अगर देखोगे ना तो चेंज ऑफ पेस का सबसे बेहतरीन गेंदबाज अफजल सिंधी को माना जाता है हर जगह पे अपनी छाप छोड़ी है हाल ही में राजस्थान में भी फाइनल में मैन ऑफ द मैच होके आए हैं पांच लाख पचपन हजार का इनाम जीता उनकी टीम ने जहाँ तो पे जिग्नेश गोटी मैन ऑफ द सीरीज रहे बंटी पटेल बेस्ट बैट्समैन रहे इस बार के बाहर ट्रैवल कर रही थी इस बार घूमी नहीं गेंद सीधी निकल गई और अतिरिक्त गेंद में इसका समावेशित किया गया दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को एटी नाइन नवासी रन तेज गति से डाला है उछाल मिला है टॉप एज लगा है लेकिन नो स्लैन में गेंद गिरी। दूसरे के लिए पलटवार अच्छी रन भी डीम द विकेट राज और हर्ष के बीच में अच्छी तरीके से पहला रन काफी तेज गति से भागे थे उसकी वजह से दूसरा रन वो आसानी से खत्म कर पाए इतनी कड़ी धूप में इस प्रकार से एथलेसिज्म दिखाना दूसरा रन इतनी सतर्कता के साथ पूरा करना वो आपका वो फिटनेस दिखाता है ये घुमाई थी गेंद लेकिन काफी बाहर निकल गई ऑफ स्टम्प के वाइड का ही सारा नाइन्टी टू बानवे रन लेटम के बाहर और ये काफी करीब से गुजरी थी विकेट के काफी नजदीक से गई थी मौका था जरूर वहां पे शायद उनको लगा कि स्टम को छूके जाएगी लेकिन वाइट का ही सारा नाइन्टी थ्री तरानवे रन अच्छी गेंद वहाँ पे अच्छी वापसी बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी ऑफ स्टम्प के बाहर और पुल करने का प्रयास किया वहाँ पे लेकिन गेंद में थोड़ा उछल था और रुक के भी आई थी गेंद खराब गेंद टॉस गेंद ये उसे वहां पे और वहां पे एक और बढ़िया शॉट नजर आया खराब देखा जाए तो बिल्कुल रडार में आ गई यहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी मात्र उसे दिशा दिखाने की जरूरत थी और बहुत ही बढ़िया साझेदारी इन दोनों के बीच में अभी तक पनप रही है ये साझेदारी बड़े स्कोर का यहाँ पे नींव रख रही है वो रख दी गई है फोर्टी वन इकतालीस रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में मात्र चौबीस गेंदों में अच्छी साझेदारी जी माफ कीजिएगा चौदह गेंदों में वो साझेदारी बनी हवा में ऊंची है फील्डर उसके नीचे लेकिन अक्सर वहां पे तैनात थे साझेदारी अगर देखा जाए तो एक रनआउट का मौका हर्ष को मिला था वो हर्ष ने गल वहाँ पे अक्सर ने गलती की थी फिर उसके बाद एक कैच का भी मेरे ख्याल से मौका बना था विकेट के पीछे और अब यहाँ से वन जीरो वन एक सौ एक रन बने हैं सात ओवर की समाप्ति के बाद एक सौ एक रन दो विकेट के नुकसान पे ओवर तो देखा जाए तो पिछला भी महंगा रहा वहाँ पे भी चौदह रन तो आए यस अब उनके हाथ में गेंद थमाई गई है आखिरी स्ट्रोक ओवर में यह बड़ा ये हाई स्कोरिंग मैच बन रहा है एक सौ एक रन एक ओवर अभी भी बचा है राज पटेल बारह गेंदों में 33 के ऊपर हर्ष पंद्रह गेंदों में पैंतीस के ऊपर द लाइन जमीन के समानता डाउन द ग्राउंड शॉट फील्डर वहाँ पे तैनात है और लेकिन चौका मिला चार रन वहाँ पे प्राप्त किए गए अच्छी शुरुआत इस ओवर में भी चौके के साथ स्वागत किया है यश का एक रन टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल यहाँ से बन चुका है पैरों से रोकने का प्रयास वहाँ पे किया गया फील्डर के द्वारा चौका मिल गया उनचालीस के ऊपर खेल रहे हर्ष अच्छी गेंद वहां पे अच्छी वापसी अस्क के द्वारा धीमी गति से गेंद को रिलीज किया था 105 रन एक स्टिफ टारगेट यहां पे जरूर मिलेगा सादकपुर की टीम को इस बार थोड़ा हट के रूम बनाया स्वीपर कवर की दिशा में फिल्डर वहां पे और गलती की प्रथम वहां पे फिल्डर के तौर पे थे मौका था वहां पे कैच का लेकिन जीवन दान मिला है स्ट्राइक के ऊपर अब राजये आए हैं 106 रन सिंगल की मदद से 106 रन फ्लिक किया है पैरों के ऊपर गेंद थी वहाँ पे गेंद जाएगी फाइन लेग दिशा में चौका मिला मात्र उसे दिशा दिखाने की जरूरत थी क्योंकि थोड़ा सफल किया था लाइन से थोड़ा हट के वो जानबूझ के सफल किया था ताकि अगर किनारा भी लग गए ना तो चौका मिल जाएगा ए खड़े खड़े आसानी से चौका प्राप्त कर लिया चार रन की मदद से एक रन बार एक्रॉस द लाइन फील्डर वहां केविन अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन दूसरे के लिए पलटवार किया गया है अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दो रन के साथ 112 रन 112 रन आखिरी गेंद यहां पे बची है अच्छी बल्लेबाजी हर्ष ने 40 रन नाबाद और 39 नाइन उनचालीस के ऊपर नाबाद है राज अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में बनी है सौ बारह रन आखिरी गेंद यहां पे पहली पारी की फुल टॉस गेंद मिली और देव वहाँ पे तैनात आखिरी गेंद के ऊपर राज का विकेट आया है उनचालीस रन राज के खाते में लेकिन कमाल की बल्लेबाजी में मानूंगा 112 रन बनाए गए हैं तीन विकेट के नुकसान पे और 40 रनों की एक बेहतरीन पारी यहां पे खेली गई हर्ष के द्वारा और 113 रनों की चुनौती यहां पे अब मिली है एक स्टिफ टारगेट मिला है रनों का पहाड़ यहां पे खड़ा करके रख दिया है और ये पहाड़ कब कैसे चढ़ा जाएगा ये एवरेस्ट कैसे सर किया जाएगा ये कहानी कैसे लिखी जाएगी 113 रनों की वो बात थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी और वो आपके सामने लेके आएंगे कुछ ही देर में एक रन का टारगेट यहाँ पर हवा में थी ओवर द टॉप शॉट खेलने का प्रयास लेकिन गैप मिला है स्वीपर कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में गैप था उसे ढूंढ निकाला और चौका कमाल का शॉट सीधे बल्ले से बेहतरीन एक खूबसूरत अंदाज में मैक्सिमम जड़ा एक्शन रिप्ले में जवाब इस शॉट को बाहर गेंद थी बाहरी किनारा लगा है और अच्छी तरीके से स्वीपर कवर की दिशा में चौका बटोरा फुलटोस खराब गेंद उसे छक्के में तब्दील किया है बैड डिलीवरी बिल्कुल खराब गेंद थी प्लेड ऑन इनसाइड एज लग के गेंद सीधी विक्टों के ऊपर जाके टकराई वापसी पहली गेंद के ऊपर ऊंचा शॉट उठाया है हवा में ज्यादा है लेकिन ज्यादा उतना मसला होगा नहीं क्योंकि पावर प्ले चल रहा है तो मात्र वो सर सॉड ये कड़ाक है पूरी ताकत के साथ खेला गया सॉड अच्छी तरीके से शॉर्ट आम पुल वहां पे खेला नजरों के नीचे में फिल्डर वहां पे लेकिन देव बनेगे दर्शक अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया गया ऊंचे ये अच्छी गेंद थी वहां पे पैरों के ऊपर मेरे ख्याल से टकराई है और फाइनल की दिशा में चौका मिला सीधा शॉट और फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं होगा क्योंकि अच्छा एरिया सेफ एरिया वहां पे चुना है एक शो अभी भी जारी है एक और बढ़िया शॉट सामने की दिशा में एक और चौका बैक टू बैक बाउंड्री सीधे तीर जैसे कड़ाक शॉट हेलीकॉप्टर शॉट फील्डर वहां पे दूर निकाला कोई गलती नहीं की जीतने वहां पे। विकेट आया है मानव को कड़ाक शॉट पहली गेंद के ऊपर करारा प्रहार छह रन का इशारा अंपायर के द्वारा ये एंड डिलीवर हर्ष के द्वारा खड़े खड़े खे को खेला दूसरा मैक्सिमम इस ओवर का आया है ओके पर गेंद खेलायादी हल्के हाथों से वहां पे सहलाया है फील्डर उसके पीछे भागेंगे लेकिन मात्र गेंद को उठाने के लिए जाएंगे ताकत भी है इनके पास धीमी गति की लो फुल टॉस गेंद क्रॉस बैटेड वहां पे शॉट खेला गया और वन बाउंस चौका मिड विकेट की दिशा में पहले चौ पहली गेंद के बाद रिवर्स अटेम्प्ट किया गया है और अच्छी गेंदबाजी रुद्रा कल अच्छा दिन रहा था इनका पांच विकेट निकाले थे पहला गेंदबाज जिन्होंने फाइफर निकाला इस टूर्नामेंट में यॉर्कर थी वहां पे हल्के हाथों से बल्ले का फेस ओपन किया गया और पहला रन यहाँ पे देव के खाते में खाता खुला है देव का और टीम का भी 113 रनों की चुनौती यहां पे रखी गई है सादक के लिए बेहतरीन शॉट बहुत ही बढ़िया तरीके से पोजीशन में आए वहां पे कंट्रोल के साथ बैकफुट पे गए अपना जो वेट है ना वो ट्रांसफर किया पिछले पाव के ऊपर और लेंथ को सही समय के ऊपर पड़ा स्पॉट को पिक किया और मैक्सिमम जड़ दिया पहला छक्का इस पारी का इस प्रकार की पारी यहां पे खेलनी पड़ेगी किसी एक बल्लेबाज को खास करके सलामी बल्लेबाज में किसी एक बल्लेबाज को वो लीड करना पड़ेगा टीम को कवर ड्राइव के जरिए वहां पे शॉट खेला कवर की दिशा में अच्छी फिल्डिंग अच्छी गेंद वहां पे नौ रन इस सिंगल की मदद से लेकिन अच्छी शुरुआत में मानूंगा दोनों टीम के लिए सामने टारगेट काफी बड़ा है एक्रॉस द लाइन वहां पे अच्छी गेंद थी वहां पे बीट किया पूरी तरीके से गैप ढूंढा बैट और पैर के बीच में डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति पहले ओवर की समाप्ति नौ रन आए इस ओवर में कोई भी विकेट का नुकसान नहीं है तो एक साथ एक सौ तेरह रनों के जवाब में नौ रन के साथ शुरुआत यहां पे की है तो एक तरीके से यह ओवर अच्छा माना जाएगा एक ही मैक्सिमम आया उसके बाद सभी पांच गेंदे अच्छे ठिकाने पे गिरी नौ रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद सी ऑफ गेंदबाजी का बार संभालेंगे दूसरे ओवर में पावर प्ले का आखिरी ओवर सीधा शॉट अच्छा है फील्डर वहां पे तैनात है मानव काफी तेज फिल्डर है गेंद के ऊपर काफी तेज गति से आते हैं पिकअप और थ्रो भी अच्छा रहता है इनका एक होनहार युवा प्रतिभा है पाटीदार समाज की बात अगर की जाए खास करके अंडर ट्वेंटी थ्री यंगस्टर में छोटी गेंद थी वहां पर लेकिन धीमी गति से गेंद को डिलीवर किया था चेंज जो पेस अच्छा नजर आया अच्छी तरीके से वहां पे गति में परिवर्तन किया गया अच्छा सॉड यहां पे खेला गया है और बहुत ही अच्छा शॉट वहां पे चौका मिला बिल्कुल जमीन के समान अंतर डाउन द ग्राउंड ये शॉट पूरी ताकत के साथ शॉट खेला गया यहाँ पे तो काउंटर अटैक तो दोनों बल्लेबाज को करना ही पड़ेगा अगर इस टारगेट को अचीव करना है तो हर ओवर में आपको प्रहार करना पड़ेगा कमजोर गेंदों का इंतजार करना पड़ेगा ये भी अच्छा शॉट है यहाँ पे भी गैप मिला है लेकिन इस बार फील्डर तैनात थे एक और वन बाउंस चौका पिछला यहाँ पे ऑफ साइड के ऊपर चौका जड़ा था यहाँ पे ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट की दिशा में एक लाजवाब वन बाउंस चौका मिला है ये ओवर महंगा बन रहा है शिव के इस ओवर में टारगेट किया है दोनों बल्लेबाजों ने खराब गेंदों को सही नसीहत प्रदान की गई है और चौके की मदद से बीस रन पावर प्ले की अब आखिरी गेंद बची है स्वीप करके वो चौका बटोरने का प्रयास लेकिन डॉट बॉल में तब्दील हुई जहाँ पे कल्यारी उनका स्कोर बत्तीस रन था दो ओवर में यहाँ पे बीस रन है तो थोड़ा पीछे जरूर चल रही है यहाँ पे सादकपुर की टीम बीस रन दो ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पे हर्ष फिर से बीच मैदान में सब्स्टिट्यूट इनके जगह पे पहले खड़ा किया गया था बीस रन राज खुद कप्तान गेंदबाज के तौर पे अच्छी गेंद थी वहां पे सीधे बल्ले से संभाल के खेला और एक रन वहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन भी जरूरी रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हर गेंद के ऊपर रन बटोरने का प्रयास किया जाना चाहिए तभी आप इस मैच को क्लोज ले जा सकते हैं ट्वेंटी वन इक्कीस रन पावर प्ले समाप्त होने के बाद कप्तान आए हैं गेंदबाज के ऊपर सीधे बल्ले से सीधा शॉट खेला है और एक हाथ से वहां पे कैच लेने का प्रयास किया गया लेकिन थोड़ा कॉम्बिनेशन का अभाव कम्युनिकेशन मानव और मीत के बीच में और रन यहां एक वेलकम मैक्सिमम आया है इस छह रन की मदद से ट्वेंटी सेवन सत्ताईस रन अच्छा शॉट था ये उछाल के साथ बीट किया वहां पे चेंज ऑफ पेस वेल डायरेक्टेड बाउंस स्लो बाउंस वहां पे नजर आया 27 सत्ताईस रन अच्छी शुरुआत स्वीप करने का प्रयास वहां पे लेकिन के बाहर वो फ्लिक करना चाहते थे गेंद को मात्र दिशा दिखाना चाहते थे लेकिन थोड़ा लेट रिएक्शन नजर आया 28 28 रन बने हैं इस वाइड की मदद से इस बार ऑपस्टम के बाहर की गेंद थी उसे खींच के खेला है जरूर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मानव तैनात एक रन तो मिल जाएगा ट्वेंटी नाइन रन अच्छी गेंदबाजी मानूंगा मैं ट्वेंटी नाइन रन स्टैंड एंड डिलीवर खड़े खड़े शॉट को खेला है और वो लंबाई भी मिली है ऊंचाई भी मिली वो दूरी भी प्राप्त की है एक अच्छा शॉट नजर आया ये शॉट है ना आत्मविश्वास दिलाएगा ये बिल्कुल इनके रेंज में थी इनके रडार में गेंद आ गई थी वहां से मात्र उसे किस दिशा में भेजना है वो तय करना जरूरी था वो अच्छी तरीके से तय किया उन्होंने और मिड विकेट के ऊपर छक्का बटोरा चेंज ऑफ पेस फ्लिक किया है फील्डर वहां पे तैनात नदमी फील्डिंग एक रन मिल गया आसानी से सिंगल की मदद से 36 रन तीन ओवर के बाद 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे पहले विकेट के लिए देखा जाए तो साझेदारी अच्छी हो रही है और यहां से स्कोर कंपेरिजन अगर देखा जाए ना तो 45 रन थे तीन ओवर में 45 रन थे कलियारी के थोड़ा फर्क जरूर है लेकिन क्योंकि आप चेस कर रहे हैं तो वो थोड़ा मैटर ज़रूर करता है आप पहली पारी में बल्लेबाजी थोड़ा फ्री होकर खेलते हैं दूसरी पारी में वो टारगेट का एक दबाव रहता है वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है टारगेट का यहाँ पे तो बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि टारगेट बड़ा है एक स्टीफ यहाँ पे टारगेट दिया गया है शिव को अब फिर से जिम्मेवारी दी गई है चौथे ओवर में कमेंट्री बॉक्स एंड से तीन ओवर के बाद छत्तीस रन बने हैं विकेट एक भी नहीं गवाया है सलामी जोड़ी ने शुरुआत अच्छी की है एक्रॉस द लाइन वहां पे खेल गए थोड़ा जल्दी वहां पे वो मन बना लिया था और गेंद थोड़ा वहां पे फंस के आई थर्टी सेवन सड़तीस रन थोड़ा जल्दी यहां पे भी खेला गया शॉट अर्ली रिएक्शन वहां पे नजर आया इसकी वजह से वो एज लगा ये ओवर अच्छा गुजरा है पहली दो गेंदे देखा जाए तो सही ठिकाने पे गिरी है थर्टी एट अड़तीस रन जय पटेल जो बीस के ऊपर खेल रहे हैं और देव पटेल सोलह के ऊपर सार किनारा की विकेट कीपर अच्छा कैच वहां पे लिया गया राज वहां पे विकेट कीपर के तौर पे जिन्होंने एक बढ़िया कैच लिया और पहला झटका यहाँ पे पहले विकेट के लिए साझेदारी जो पनप रही थी उसे तोड़ा गया है पार्टनरशिप ब्रेकर यहाँ पे बने हैं शिव पहला विकेट थर्टी एट अड़तीस के ऊपर और देव पटेल के खाते में सोलह रन थर्टी एट अड़तीस रन पहला झटका पहला विकेट यहाँ पे वो निकाला गया है ब्रेक थ्रू दिया गया है यहाँ पे द्वारा। वाले बास के द्वारा। नए बल्लेबाज के रूम में जीत आए जीत आए जीत चले गए किनारा लग गया ऑप्शन के बाहर की गेंद थी वहां पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास दूर से वहां पे खेले उसकी वजह से एक मोटा एज लगा एक विकेट यहाँ पे बैक टू बैक दूसरा झटका शिव के खाते में एक और विकेट और यहां से बना है हैट्रिक का मौका जीत वहां पे वापस चले गए डगआउट में एक आसान कैच फिर से बना राज के द्वारा अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना के रखा है गेंदबाज शिव और राज ने अड़तीस के ऊपर दूसरा झटका शॉट यहां पे आकाश नए बल्लेबाज के रूप में कोस माफ कीजिएगा जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर चुराया बड़ा शॉट उठाना चाहते थे वहां पे जय लेकिन थोड़ा जल्दी सफल कर गए गे। गेंद रुक के आई डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति थर्टी नाइन उनचालीस रन चार ओवर की समाप्ति उनचालीस रन दो विकेट के नुकसान पे सफल ओवर गुजरा पिछला ओवर शिव का बहुत ही बढ़िया गुजरा मात्र तीन रन दिए और दो सफलताएं उन्होंने हासिल की और यहां से मैं आने वाला जो अगला मुकाबला है सोनवाड़ा इंडियंस और ड्रीम इलेवन कप्तान आएंगे सोनवाड़ा इंडियंस के कप्तान आएंगे भूमिन पटेल ड्रीम इलेवन के कप्तान आएंगे टॉस की प्रोसीजर यहां पे करवानी है और प्लेइंग इलेवन सबमिट करवानी है ड्रीम इलेवन और सोनवाड़ा इंडियंस ड्रीम इलेवन कप्तान आएंगे हवा में ऊंची है कैच का मौका है और फिल्डर वहां पे मानव फिल्डर वहां पे मानव और हर साय अपने सात विकेट लेके आए हैं तीसरा झटका यहाँ पे कुछ को वापिस यहाँ पे जाना पड़ेगा वाइट लॉन्ग रन के ऊपर मानव फिल्डर के तौर पे कोई भी गलती नहीं की उन्होंने आसान कैच उनचालीस के ऊपर तीसरा झटका परेशानियां बढ़ती हुई वैसे पहले भी टारगेट का एक एवरेस्ट चढ़ने की जरूरत थी लेकिन वो कठिनाई या बढ़ेगी क्योंकि तीसरा विकेट शुरुआत अच्छी मिली थी जहां पे अच्छी शुरुआत मिली थी लेकिन उस शुरुआत को वो बड़े टारगेट में तब्दील करने की जरूरत थी लेकिन वो कर नहीं पाए अभी तक अच्छी वापसी में मानूंगा यहाँ पे गेंदबाजों के द्वारा यस आए अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में तीसरा विकेट गिनने के बाद पहली गेंद के ऊपर बीट किया लेकिन वाइट का इशारा कट करने का प्रयास जरूर किया गया था खड़े खड़े जगह पे से लेकिन वो वाइट थी दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को इस बार लेम के बाहर वाइड का इशारा कड़क शॉट है कलाइयों के साथ फ्लिक किया है सामने की दिशा में मैक्सिमम जड़ा गया है ताकत थी शॉट के पीछे बेहतरीन शॉट नजर आया वो लेंथ को अच्छी तरीके से पढ़ा वो कलायु की ताकत दिखाई इन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट कलायुग में ताकत होनी चाहिए शॉट खेलने के लिए वो यहां पे दिखाई है शिव ने ड्रीम इलेवन कप्तान आएंगे प्लीज ड्रीम इलेवन टॉस करना है प्लेइंग इलेवन आपकी सबमिट करवानी है समय बिल्कुल भी नहीं गवाना है ये शॉट हवा में ज्यादा ऊंचा उठ गया है फिल्डर इंटरेस्टेड और अच्छा कैच वहां पे लिया गया हे तो वहां पे खड़े थे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ा शॉट उठाना चाहते थे शिव लेकिन इस बार वो लेंथ उतनी आगे नहीं थी थोड़ी ऊपर डाली गई थी और यश को वहां पे चलता किया और यश के खाते में मात्र छह रन बने चौथा झटका यहाँ पे लगा है फोर्टी सेवन सैतालीस के ऊपर अच्छी गेंदबाजी यहां पे इस शोर में देखा जाए तो दूसरी सफलता मिली है केविन आए नए बल्लेबाज के रूप में लिक्स्टम के बाहर की गेंद वहां पे फ्लिक करने का प्रयास वाइड दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को डायरेक्शन गलत हुआ गेंदबाज की ओर से 48 48, 48 रन अच्छा शॉट है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर फिल्डर वहां पे तैनात है एक आसान कैच बना राज वहां पे जो फिल्डर के तौर पे तैनात थे और अच्छी गेंदबाजी यहां पे हर्ष के द्वारा इस ओवर में उसके नाम तीसरा विकेट आया है पूरी तरीके से इस ओवर में साधकपोर की टीम को बैकफुट के ऊपर धकेला है बड़ा टारगेट वैसे भी मिला था पहले लेकिन यहां से अब वो टारगेट और कठिन बना है मुश्किल टारगेट अब यह लग रहा है क्योंकि एक और विकेट पांचवा विकेट गिरता हुआ यहां पे आधी टीम तो जा चुकी है डकआउट में 48 48 रन पांच विकेट के नुकसान पे अक्सर आए नए बल्लेबाज के रूप में अब अड़तालीस फोर्टी एट पांचवा विकेट गिरने के बाद लेफ्ट हैंड बैटर अक्सर बीच मैदान में अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन खास करके हर्ष के द्वारा इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास वहां पे सीधा फील्डर है मीत वहां पे तैनात है वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक रन के साथ फोर्टी नाइन उनचास रन फोर्टी नाइन उनचास रन पांच विकेट के नुकसान पे पांच ओवर की समाप्ति के बाद एक सौ तेरह रनों के जवाब में यदि अगर यहां पे देखा जाए चौसठ रन चाहिए अभी भी अठारह गेंदों में चौसठ रनों की दरकार इस बार उछाल के साथ खेला गया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में फिल्डर वहां पे तैनात किए गए हैं डीप में प्रोटेक्शन ऑन साइड के ऊपर लॉन्ग ऑन के साथ मिड विकेट खड़ा है एक फिल्डर स्क्वायर लेग के ऊपर तैनात है अच्छी गेंद थी उछाल मिला था ऑफ के बाहर कट करने का प्रयास लेकिन यहां से तो देखा जाए तो टारगेट बहुत मुश्किल बन रहा है चुनौती बहुत बड़ी रखी गई थी खड़े खड़े यहाँ पे शॉट आर्म जैप हवा में खेला और छह रन मिल गए स्क्वायर लेग का फील्डर दर्शक बन के रह गया अच्छा शॉट ये नजर आया कंट्रोल के साथ इस शॉट को खेले और छह रन की मदद से पचास के पार अब फिफ्टी सेवन सत्तावन रन अच्छा शॉट था ये लेकिन इतने बहुत सारे ये बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम चाहिए हवा में ये खेला गया शॉर्ट फील्डर तैनात वाइड ऑफ के ऊपर मीत के रूप में एक दो एक दो रन से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे कलियारी को फिर से वहाँ पे वो छह रन लगाने का प्रयास बड़ा शॉट उठाना चाहते थे थोड़ा जल्दी खेल गए गेंद थोड़ा रुक के आई थोड़ा फंस के आई चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं राज अट्ठावन रन आखिरी गेंद इस छठे ओवर की मौका था विकेट कीपर के पास कैच हो सकता था विकेट का मौका बना था छठा विकेट गिर सकता था लेकिन कैच भी छूटा है रन भी आया और छह ओवर के बाद फिफ्टी नाइन उनसठ रन पांच विकेट के नुकसान पे अभी भी देखा जाए तो यहां से चौवन रन चाहिए और बारह गेंदें मात्र बची है हर्ष अब पारी का सातवां ओवर लेके आएंगे अपने स्पेल का दूसरा ओवर एक्रॉस द लाइन वहां पे खेलने का प्रयास अच्छी गेंद वाइड का इशारा वाइट का इशारा सारा स्टम्प के बाहर साठ रन साठ रन वाइट करार दी गई पहली गेंद इनसाइड आउट खेलने का प्रयास हवा में ऊंची उठ गई अमित अच्छे पिल्लर वो गलती करेंगे नहीं अच्छा कैच उनके द्वारा लिया गया विकेट का पतन चौथा विकेट यहाँ हर्ष के खाते में आया है और छठा विकेट यहां पर टीम का गिरता हुआ कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे हर्ष के द्वारा आया एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन पहले एक अच्छी उन्होंने उनचालीस रनों की पारी खेली थी एक बेहतरीन पारी खेली थी उनचालीस रनों की फिर उसके बाद जब गेंदबाजी का मौका आया तो चार विकेट उन्होंने अभी तक निकाल चुके हैं कमाल की गेंदबाजी है पूरी तरीके से अपना दबदबा यहाँ पे साबित किया है इस मैच में लाइन इस बार ऑन साइड की दिशा में फील्डर तैनात वाई लॉन्गन के ऊपर एक रन आसानी से मिल जाएगा टू बासठ रन जगह बनाई अपने आप के लिए हवा में खेले है फील्डर वहां पे तैनात एक आसान कैच बना उनके लिए और एक और विकेट सातवां झटका सिक्सटी टू बासठ के ऊपर अक्सर को जाना पड़ेगा वापिस डकआउट में तो यहाँ पे एक और विकेट अक्सर को यहाँ पे बढ़िया कैच लिया गया वहां पे राज खुद कप्तान के द्वारा एक सॉफ्ट डिस्मिसल यहाँ पे मानूंगा मैं ज्यादा हवा में खेल बैठे वहां पे और एलिवेशन मिला नहीं मैज औपचारिकता ही अब तो निभाई जाएगी क्योंकि टारगेट काफी बड़ा बन चुका है नौ गेंदे बची है उसके सामने इक्यावन रनों की जरूरत है पहली गेंद यहां पे कट करने का प्रयास रिपल जो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सात विकेट यहां पे गवा चुके हैं अब महज औपचारिकता ही यहां पे चल रही है ये देखा जाए तो इस बार थोड़ा हट के रूम बना के कवर की दिशा में शॉट खेला फील्डर वहां पे तैनात है एक रन तो मिलेगा लेकिन यहाँ से वो बाकी बची गेंदे मात्र खेलने की जरूरत है क्योंकि उनको मालूम है टारगेट तो काफी पीछे रह चुके हैं टारगेट से काफी दूर निकल चुके हैं यहाँ पे सादकपुर की टीम कदमों का इस्तेमाल यहाँ पे लो फुलटॉस गेंद को बनाया और ऐसा सिंगल की मदद से 65 फाइव पैंसठ रन सात विकेट के नुकसान पे सात ओवर की समाप्ति के बाद सादक का स्कोर जहां पे 113 रनों की एक कड़ी चुनौती दी गई थी उसके जवाब में एक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन हुआ है कल्यारी के सभी गेंदबाजों के द्वारा खास करके हर्ष जिन्होंने पांच विकेट निकाले हैं और इस टूर्नामेंट का ऐसा जो दूसरा गेंदबाज बना है जिन्होंने फाइफर हासिल किया है इससे पहले रुद्र ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने ये कारनामा किया था जो आपको बिल्कुल आप यहां से ग्राफ भी पूरी तरीके से देख सकते हैं क्रिकेरोज का भी कि शुरुआत से ही वो बैकफुट पे रखा था वो कभी भी वो जो ब्लू लाइन है ना उसके आजू बाजू भी नहीं पहुंच पाए थे तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से दबदबा रहा है यहाँ पे कलियारी टीम का और जो हम बात कर रहे थे गेंदबाजों की जो गेंदबाज रुद्रा है उससे पहले उन्होंने कल ये कारनामा किया था पांच विकेट निकाले थे और यहाँ पे भी उसी टीम का ये गेंदबाज हर्ष ने पांच विकेट निकाले इस मुकाबले में तो दो ऐसे गेंदबाज फाइफर गेंदबाज अच्छी गेंद वहां पे रुक के आई फंस के आई थोड़ा जल्दी वहां पे खेल गए ऑफ स्टंप के बाहर कवर की दिशा में मिस फील्डिंग की गई है बैकअप खड़ा है पीछे एक ही रन मिल पाएगा ऑफ औपचारिकता गुजर रही है देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी यहां पे रुद्र के द्वारा सेवन सिक्सटी सेवन सड़ सड़ रन इस बार फुल टॉस यहां पे और विकेट आएगा बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में यहां पे आठवां विकेट गिरता हुआ सिक्सटी सेवन सड़सठ सड़ के ऊपर रुद्र के खाते में एक और विकेट आया है इनका अगर ये पूरे टूर्नामेंट में लीडर बॉल में देखा जाए उसमें एक और विकेट ऐड किया जाएगा पहला विकेट आज यहां पे प्राप्त हुआ है रुद्र को रिपल उनके खाते में मात्र चार रन बने हैं आठवां विकेट सड़सठ के ऊपर फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसके ऊपर भी विकेट मिला है यहां पे गेंदबाज को अभी तक इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो गेंदबाजी में हर्ष के द्वारा बढ़िया गेंदबाजी हुई दस विकेट अभी तक निकाल चुके हैं रुद्र के नाम भी वैसे देखा जाए तो आठ विकेट तो हो चुके हैं और लीडर बॉल में लीडर बॉल में अगर आप वो विकेट टेकिंग ऑप्शन देखोगे ना तो तीनों गेंदबाज आपको वो सायराज इलेवन कल्हारी के नज़र आएंगे हर्ष जिनके नाम दस विकेट है उसके अलावा शिव पटेल उन्होंने भी आठ विकेट निकाले हैं और रुद्र उनके नाम भी आठ विकेट है तो एक तरीके से देखा जाए तो कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे कल्हारी के द्वारा हुई और उसी गेंदबाजी के तहत यहाँ पे उन्होंने टीम को मात्र सिक्सटी एट रनों के ऊपर रोका है सिक्सटी नाइन उनहत्तर रन के ऊपर यहां पे रोक दिया है टीम को और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है यहाँ पे मैं मानूंगा कमाल का प्रदर्शन किया गया है साईराज इलेवन कलियारी के द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 112 रन बनाए कमाल की पारी यहां पे खेली गई राज के द्वारा और हर्ष के द्वारा तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे मानूंगा एक बेहतरीन जीत यहाँ पे हासिल की है साहिराज इलेवन कल्या ने एक कन्विंसिंग विक्ट्री सिक्सटी नाइन उनहत्तर रनों के ऊपर मात्र रोक दिया और फोर्टी थ्री तैंतालीस रनों से उस मुकाबले को अपने नाम किया और इस मैच के मैन ऑफ द मैच ऑलराउंडर प्रदर्शन के जरिए हर्ष जिन्होंने थर्टी नाइन रन उनचालीस रन बनाए थे और पांच विकेट भी निकाले तो एक ऑलराउंडर प्रदर्शन के जरिए मैन ऑफ द मैच इस मैच के हर्ष पटेल साईराज कलियारी का ऑलराउंडर क्रिकेटर वेल्डन एंड कॉन्ग्रेचुलेसन आने वाला मुकाबला आने वाला अगला मुकाबला सोनवाड़ा इंडियंस और ड्रीम इलेवन के बीच में टॉस हो चुका इस मुकाबले का और जब टॉस हुआ था जब सिक्का उछाला गया तो सोनवाड़ा इंडियंस के कप्तान भूमिंद पटेल ने टॉस जीता और पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया है सामने ड्रीम इलेवन को कहा है कि आप पहले बैटिंग कीजिए तो कुछ ही देर में यह मुकाबला जल्द से जल्द यहां पे शुरू होगा अच्छी तरीके से सौड आम जैपुल वहां पे खेला नजरों के नीचे में फील्डर वहां पे लेकिन देव बनेगे दर्शक अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया गया ऊंचे अच्छी गेंद थी वहाँ पे पैरों के ऊपर मेरे ख्याल से टकराई है और फाइनल की दिशा में चौका मिला से और कैमरामैन के तौर पे जिग्नेश राठौड़ और इस पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट के ऑनलाइन स्कोरर के रूप में बहुत ही बढ़िया जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है निकुंज पटेल और ऑफिशियल अंपायर के तौर पे जो साधकपुर से बिलोंग करते हैं जय पटेल और अनिल कड़ाक शॉट हेलीकॉप्टर शॉट फील्डर वहां पे ढूंढ निकाला कोई गलती नहीं की जीतने वहां पे विकेट आया है मानव को कड़ाक शॉट पहली गेंद के ऊपर करारा प्रहार छह रन का इशारा अंपायर के द्वारा ये भी स्टैंड एंड डिलीवर खड़े खड़े शॉर्ट को खेला दूसरा मैक्सिमम इस ओवर का आया है ओके पर हल्के हाथों से वहां पे सहलाया है फील्डर उसके पीछे भागेंगे लेकिन मात्र गेंद को उठाने के लिए जाएंगे ताकत भी है इनके पास गति की लो फुल टॉस गेंद क्रॉस बैटेड वहां पे शॉर्ट खेला गया और वन बाउंस चौका के सामने पहले आठ टीमों के बीच में यह समाज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है मतलब एक तरीके से देखा जाए सभी बेहतरीन क्रिकेटर मौजूदा टेनिस क्रिकेट के बेहतरीन स्टार यहाँ पे उस दिन खेलते हुए नजर आएंगे और इस वो टूर्नामेंट जो होगा उसका भी लाइव टेलीकास्ट आप देख पाएंगे स्माइल चैनल फॉर यू उनके ऊपर फ्रेंच यूनिटी कप अंतर समाज टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 28 मई संडे याद रखिएगा तारीख इसी मैदान के ऊपर जहां पे जीतने वाली टीम को एक लाख प्लस ट्रॉफी और रनर सब टीम को पचास हजार प्लस ट्रॉफी तो एक बेहतरीन है एक बड़ा टूर्नामेंट यहां पे अपकमिंग 28 तारीख को अक्सर वहां पे तैनात थे इन जमीन के समानता डाउन द ग्राउंड शॉट फील्डर वहां पे तैनात है और लेकिन चौका मिला अगर उसकी बात की जाए सोनवाड़ा इंडियंस सोनवाड़ा इंडियंस जल्द से जल्द आ जाएंगे फील्डिंग अपनी सजा देंगे चौका मिला मात्र उसे फुल टॉस के तो लिए एक और टूर्नामेंट तीन जून और चार जून को नेशनल क्रिकेट ग्राउंड चिखली के ऊपर टूर्नामेंट खेला जाएगा यूनिटी ग्रुप यूनिटी ग्रुप के द्वारा आयोजित ओपन डे क्रिकेट टूर्नामेंट बारहवा ये इनका पंद्रहवा सीजन है ये ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें बारह टीम हिस्सा लेगी दस हजार एंट्री फी चैंपियन टीम को एक लाख इक्कीस हजार और रनर सब को इकसठ हजार दिए जाएंगे और सोलधरा के शैलेश पटेल उनके द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है यूनिटी ग्रुप ओपन डे क्रिकेट टूर्नामेंट ग्राउंड है वेन्यू नेशनल क्रिकेट ग्राउंड चिखली उसके अलावा एक और बात की जाए तो तीन तारीख को मतलब शनिवार को तीन जून सरदार पटेल क्रिकेट ग्राउंड एना वहां पे भी एक ओपन डे ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है तो ये बड़े टूर्नामेंट की बात है और एक और मरोली कांडा विभाग में भी इस अगले संडे चौदह तारीख को एक ओपन टूर्नामेंट वहाँ पर भी खेला जाएगा मरोली भाटा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट टेन पी के बाद पाँच 6 और सात जून को जैम्सन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर खेला जाएगा जिसपे छह लाख रुपए का इनाम चैंपियन टीम को तीन लाख रनर सबको एक लाख एंट्री फी मतलब गुजरात बिग बैस धमाका लीग तारीख पांच छ और सात जून जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जिसका आयोजन किया गया है निकेत स्पॉट सेवेंटी और निकेत स्पॉट सेवेंटी उनके ऑनर निकेत भाई के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है तारीख याद रखिएगा टूर्नामेंट इस साल का दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट टेन पी के बाद तो वापिस रुक करते इस टूर्नामेंट की ओर जहां पे ड्रीम इलेवन और सोनावाड़ा इंडियंस के बीच में मुकाबला लीग स्टेज का नौवा मुकाबला टॉस जीता सोनवाड़ा इंडियंस ने फील्डिंग का फैसला अभी स्ट्राइक के ऊपर और दीप नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर गेंदबाज के तौर पे ध्रुव प के जरिए पहली गेंद के बाद चौका बटोरा ड्रीम इलेवन के लिए ड्रीम स्टार्ट फिर से मिला है और इस टूर्नामेंट की अभी तक देखा जाए तो अनबीटन यह अपराजित टीम है ड्रीम इलेवन एक भी मुकाबला अभी तक वो हारी नहीं है पिछला मुकाबला जीत के मुंबई इंडियन सोनवाड़ा इंडियंस ने इस टूर्नामेंट में अपना आगाज किया है पहली जीत उन्होंने हासिल की है अक्रॉस द लाइन डाउन द ग्राउंड शॉट इस बार बड़ा शॉट उठाने का प्रयास हवा में ज्यादा उठ गई थी लेकिन नो मैंसलन में गिरी फील्डर वहां पे तैनात थे एक और बड़ा शॉट यहाँ पे यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम और अच्छे फॉर्म में दीप की अगर बात की जाए कल भी अच्छी पारी खेली थी उन्होंने और ग्यारह रन इस छह रन की सहायता से अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे मानी जाएगी अच्छी शुरुआत की गई है ड्रीम इलेवन के द्वारा बार हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेला है सिंगल की चाहत ही वहां पे वो मिला है एक रन की मदद से बारह रन तो यहाँ से पहला ओवर समाप्त हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद बारह रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे तो ड्रीम इलेवन के द्वारा अच्छी शुरुआत में मानूंगा अक्रॉस द लाइन वहां पे खेलने का प्रयास था अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे और बुमिन पटेल गेंदबाज के तौर पे खुद कप्तान है टीम के और अच्छे एक क्लेवर गेंदबाज है अच्छी तरीके से उंगलियाँ घुमाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पे लेंथ को डिलीवर करते हैं कठिन सवाल पूछते हैं बल्लेबाज को फ्लाइट प्रदान की थी यहां पे भी उंगलियां घुमाई थी एक रन मिला है क्योंकि कवर का फील्डर सर्कल की एज पे खड़ा था अच्छी गेंदबाजी यहां पे भूमिन पटेल के द्वारा अच्छे टप्पे के ऊपर गेंदबाजी सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी यहां पे भी अपील जरूर है लेकिन जी नहीं अभी को खामोश रखा है देखा जाए तो भूमिन के द्वारा और सही टप्पे के ऊपर इनके पास वो क्षमता है चेंज ऑफ पेस वाकई बहुत अच्छा करते हैं और घुमाई इनके पास मिट्टी की विकेट के ऊपर काफ़ी अच्छा फायदा उठाते हैं वे एक ही रन आया इस ओवर में और दो ओवर के बाद तेरह रन पहले ओवर में जहाँ पे बारह रन दिए गए थे लेकिन भूमिन पटेल ने वो रेट को काफ़ी हद तक का नीचे गिराया है एक बड़े टारगेट की सोच थी वहां पे ड्रीम इलेवन की लेकिन कुछ हद तक पावर प्ले का फायदा उठाने नहीं दिया है वापसी बहुत ही बढ़िया भूमि ने की है थोड़ा संघर्ष जरूर करवाया बल्लेबाजों को उस ओवर में खास करके अभी पटेल सात गेंदों में पांच रन और अदीप पटेल पांच गेंदों में आठ किफायती ओवर रहा वो सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी इस बार हल्के हाथों से वहाँ पे गाइड किया वहाँ पे मात्र वो बल्ले का फेस ओपन करके हल्के हाथों से खेला शॉट एक रन वहाँ पे चुराया गया और चौदह रन सिंगल की मदद से इस बार अच्छी गेंद थी सीधे बल्ले से वो पंच किया है मात्र पुश किया गेंद को एक रन के लिए खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और स्ट्राइक रोटेशन ये अच्छा ऑप्शन है ध्रुव वैसे देखा जाए अच्छे गेंदबाज है पहला ओवर महंगा जरूर रहा था लेकिन कप्तान को भरोसा है ये गेंदबाज है विकेट निकालने की इनमें क्षमता है अक्रॉस द लाइन थोड़ा जल्दी खेल गए वहां पर वो थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते थे ऑप्शन के बाहर ज्यादा सफल करके वो बैकवर्ड स्वीप का प्रयास किया गया लेकिन वो संपर्क हुआ नहीं थोड़ा जल्दी खेल गया अर्ली रिएक्शन बल्लेबाज की ओर से नजर आया पंद्रह रन खड़े खड़े ये बिल्कुल रडार में इनके पाले में आ गई और बल्लेबाज के पाले में तो मतलब बाउंड्री के हवाले में गेंद छह रन के साथ वो जो दबाव बन रहा था डॉट बॉल का सिंगल का वो यहां से हटाया दीप ने अपने आपके ऊपर और छह रन की सहायता से ट्वेंटी वन इक्कीस रन तो यहाँ पे ट्वेंटी वन इक्कीस के ऊपर जहां पे मैक्सिमम जड़ा फिर उसके बाद वापसी की है और ब्रेक थ्रू यहाँ पे दिलाया है पंद्रह रन दीप के खाते में और ट्वेंटी वन इक्कीस के ऊपर विकेट आया है ट्वेंटी वन इक्कीस के ऊपर पहला विकेट गिरता हुआ दीप को वापस चलता कर दिया और यहां पे मिला है अभी को ट्वेंटी वन स्कोर था अब ट्वेंटी टू बाईस रन तीन ओवर के बाद हवा में ऊंची उठ गई मौका विकेट कीपर के लिए आसान सा कैच लिया गया विकेट कीपर के द्वारा प्रथम विकेट कीपर के तौर पे वहाँ पे दूसरा विकेट आया है एक बड़े टारगेट की उम्मीद कर रहे थे ड्रीम इलेवन लेकिन अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा पिछले मुकाबले भी, भी सोनवाड़ा इंडियंस ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी पालन की टीम को मात्र उन्होंने पचास रनों के ऊपर धराशाई किया था और यहाँ पे भी अब देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में बारह रन दिए थे लेकिन उसके बाद रनों के लिए थोड़ा तरसाया जरूर है ड्रीम इलेवन को ट्वेंटी टू बाईस रन के ऊपर दूसरा विकेट बल्लेबाज का नाम बताइए प्लीज जय। वाइड आया इसी बीच हवा में आया खेलने का प्रयास फील्डर खुद विकेट कीपर ड्रॉप चांस इससे पहले एक आसान सा कैट लिया था लेकिन यहां पे विकेट लिखा, विकेट लिखा था इस गेंद के ऊपर विकेट लिखा था रनआउट के जरिए वापस जाना पड़ेगा जय को वहां पे। देखते रहेगा बीच विकटों के बीच में वहां पे खड़े रह गए उनको यह पता था कि शायद कैच आ ही जाएगा लेकिन वो कैच छोड़ा प्रथम ने लेकिन उसके बाद गेंदबाज प्रिंस ने जाके आउट कर दिया यह बिल्कुल भी सतर्कता नहीं नजर आई प्रेजेंस ऑफ माइंड का अभाव वहां पे नजर आया पूरी तरीके से बल्लेबाज के द्वारा विकेट आया है विकेट नंबर तीसरा यहां पे गिरा है ट्वेंटी थ्री तेईस के ऊपर रनआउट के जरिए एक और विकेट आया है पूरी तरीके से वो तालमेल का अभाव जहाँ पे पहले ओवर में बारह रन थे उसके बाद बहुत ही बढ़िया वापसी की गई अच्छी गेंदबाजी खास करके दूसरा ओवर जो डाला कप्तान भूमिन ने फिर उसके बाद विकेट निकाला ध्रुव ने हल्के हाथों से इस बार संभाल के खेला ऋषि आए जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर रन चुराया शॉर्ट अच्छा है बेहतरीन है बिल्कुल रडार में थी बहुत ही बढ़िया स्लॉग स्वीप हमें नजर आया हाफ फॉली गेंद के ऊपर पूरी ताकत के साथ मिड विकेट जो लंबा कोण होता है बाउंड्री का उसे टारगेट किया और छह रन में उसे तब्दील किया बहुत ही बढ़िया कमाल का ये शॉट था पूरी तरीके से ताकत का प्रदर्शन कंप्लीटली एग्जीबिशन ऑफ पावर वहाँ पे नजर आया छः रन की मदद से तीस रन आपको नजर आएंगे चौथे ओवर की आखिरी गेंद होगी लेकिन अच्छा एक वेलकम मैक्सिमम आया है थोड़ा दबाव बढ़ रहा था वो विकेट का डॉट बॉल का उसे हटाने का प्रयास किया उसमें सफलता मिली है अभी को एक और अच्छा शॉट एक और बड़ा शॉट एक और मैक्सिमम बैक टू बैक मैक्सिमम आए ओवर अच्छा बन रहा था प्रिंस का लेकिन उससे थोड़ा खराब किया है आखिरी गेंद में दो मैक्सिमम जड़ के छत्तीस रन चार ओवर के बाद छत्तीस रन तीन विकेट के नुकसान पे एंड यहाँ पे चेंज होगा होगा बीच मैदान पे वहां पे ड्रिंक्स ब्रेक वो पानी भी पहुंचाया जाएगा कुछ प्लान वहां पे बनेंगे स्ट्रेटर्जिया बनेगी और अब एंड यहाँ पे चेंज होगा मतलब अब फार्म एंड से अब गेंदबाजी की जाएगी आने वाले अगले चार ओवर में छत्तीस रन ड्रीम इलेवन तीन विकेट के नुकसान पर और यहाँ पे एक इनामी राशि घोषित की गई है फड़वेल गांव का कोई भी क्रिकेटर हो वो चाहे किसी भी टीम में खेल रहा हो टीम डजेंट मैटर वो मायने नहीं रखेगा मात्र वो फड़वेल से बिलोंग करता होना चाहिए उनके लिए इनामी राशि रखी गई है अमर भाई यूके के द्वारा कि जो भी बल्लेबाज तीन गेंदों में तीन सिक्सर मतलब हैट्रिक सिक्सर जड़ेगा तो उसे पाँच हज़ार रुपये मिलेंगे और फड़वेल का कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक का कारनामा करेगा तीन गेंदों में तीन विकेट अगर निकालेगा तो उसे भी पांच हजार दिए जाएंगे मतलब हैट्रिक के पांच हजार और हैट्रिक विकेट के भी पांच वो अमर भाई यूके की ओर से ये इनाम घोषित किया गया है फड़वेल के किसी भी प्लेयर के लिए वो किसी भी टीम में खेल रहा हो यह प्रोत्साहन हमेशा से ही पाटीदार समाज में मैंने देखा है बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने जो प्लेयर्स है उनको ये बैक करते हैं उनको ये प्रोत्साहन राशि दे के मतलब उनका जज्बा बढ़ाते हैं तो एक बेहतरीन प्रयास हर बार उनके द्वारा किया जाता है सराहना एक तरीके से मिलती है उनको इस बार लेफ्ट लेफ्टार्मोडॉक्स स्पिनर आए यस गेंदबाजी के ऊपर और पहली गेंद के ऊपर थोड़ा दूर रखा था वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास था थोड़ी ऊपर और हाफ वाली बनी लेकिन एक रन आसानी से मिल गया थर्टी सेवन सड़तीस रन अच्छा मुकाबला रहा था पिछला यश का अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने अभी स्ट्राइक के ऊपर सड़तीस रन उन्नीस के ऊपर खेल रहे हैं स्लॉग इनको पसंद है पिछले ओवर में हमने देखा था दो मैक्सिमम इन्होंने मिड विकेट की दिशा में जड़े थे इस बार भी प्रयास वही लेकिन वो तेज गेंदबाज था ये उंगलियां घुमाने वाला फिरकी गेंदबाज है तो इनके सामने थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी लेकिन सोच यहाँ पे बदली है खुद गेंदबाज ने राउंड स्टम्प आएंगे अच्छी गेंदबाजी यहां पे धीमी गति की गेंद थी और लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स मैक्सिमम ये 80 की स्पीड से ज्यादा से ज्यादा डालते हैं गति ज्यादा प्रदान करते नहीं है एक नॉर्मल इनकी एवरेज स्पीड रहती है सत्तर से अस्सी के बीच में स्लॉग में तो बिल्कुल नहीं देंगे ये मतलब ये राउंड डस्टम आए हैं मतलब इसका यही है कि ये लेफ्ट हैंड बैटर को बाहर ज्यादा रखने का प्रयास करेंगे यदि इनको विकेट विकेट डालना है तो ये ओवर द स्टम्प आएंगे लेकिन राउंड स्टम्प मतलब दूर रखने का प्रयास सफलता अभी तक मिली है अच्छी सोच अच्छा प्लान बनाया गया है यश के द्वारा थी, मौका था यहाँ पे और सीधा विकेट के ऊपर जाके गेंद टकराई और एक खराब गेंद को चुक गए वहां पे और विकेट मिला दुर्भाग्यशाली मानूंगा लेकिन भाग्य का सात गेंदबाज यश को मिला है डॉट बॉले आ रही थी उसका दबाव बना है और अभी को वापस जाना पड़ेगा डगआउट में उन्नीस रन बनाए अभी ने और गिरा है यहाँ पे एक और चौथा विकेट सड़तीस के ऊपर थर्टी सेवन सड़तीस रन पांच ओवर की समाप्ति के बाद सड़तीस रन चार विकेट के नुकसान पे टॉस गेंद को हवा में खेल बैठे फील्डर वहां पे तैनात है लेकिन ड्रॉप चांस पहुंच भी गए थे वहां पे लेकिन वो कैच को कलेक्ट नहीं कर पाए थर्टी एट अड़तीस रन मौका यहाँ पे दिया है देव का कैच छूटा है देव एक खतरनाक बल्लेबाज है ये नुकसान कर सकते हैं टीम को रिवॉर्सिप खेलने का प्रयास लेकिन भूमि के सामने ये बात आसान नहीं होगी क्योंकि तो भूमि ने ना ऑफ पेस अच्छा करते हैं अपील की गई थी कॉट बिहाइंड की लेकिन मना किया प्रथम के द्वारा एक अविश्वास भरी अपील थी अच्छी वापसी यहाँ पे मौका बनाते हैं भूमि नमोमन विकेट का मौका बनाते हैं पहला ओवर भी अच्छा रहा था मात्र एक रन दिया था यहां पे भी किफायती शुरुआत जीवनदान मिला है देव को जी माफ कीजिएगा ऋषि का वहां पे कैच छोड़ा गया था थर्टी एट अड़तीस रन चार विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंदबाजी बोमिन के द्वारा ये टॉस थी वहाँ पे ठीक तरीके से खेल नहीं पाए चोट वहाँ पे जरूर लगी है और थोड़ा जल्दी वहाँ पे शॉट खेल गए गे। गेंद इनकी थोड़ा रुक के आती है ये धीमी गति की गेंदे डालते हैं और कई कबार तो वो बिल्कुल स्पिनर के अंदाज में डाल देते हैं फ्लाइट करवाते हैं ज़्यादा लेंथ को पीछे खींच लेते हैं और लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स के जैसे काफी तेज गति से गेंद को टर्न करवा देते हैं अच्छी गेंदबाजी यहां पे मैं मानूंगा अभी तक खामोश रखा है बल्लेबाजों को अपने स्पेल में और भूमिन ने यह धीमी गति की गेंद थी पढ़ लिया था जान गए थे देव कि गेंद में उंगलियां घुमाई लेंथ को पीछे खींचा है थोड़ा चेंज ऑफ पेस भी किया है और पहले से वो तैयार थे देव इस शॉट को खेलने के लिए अच्छा मैक्सिमम आया है वेलकम ये मैक्सिमम ये दबाव कम करेगा टीम के ऊपर से भी और देव का भी दबाव कम होगा और इस छह रन की मदद से देव ने खाता खोला अपना चौथी गेंद के ऊपर चौवालीस रन चार विकेट रिवर्स एटम के जरिए बढ़िया शॉट और एक फ्लैट मैक्सिमम यहाँ पे सिक्सर आया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पहले मिड विकेट को तो क्लियर किया फिर उसके बाद रिवर्स स्विप के जरिए वो रचनात्मकता वो इम्प्रोवाइजेशन और अपनी कलाबाजी दिखाई यहाँ पे देव ने कमाल की बल्लेबाजी और 50 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड में आपको नजर आएंगे इस छह रन की सहायता से अच्छा शॉट था दो गेंदों में दो मैक्सिमम वो भी भूमिन के सामने मतलब देव ने अपनी क्षमता पुरवार की है अपनी हिटिंग एबिलिटी को उन्होंने यहां पे साबित किया है सामने गेंदबाज कोई भी हो ये अपने मन मुताबिक ही खेलेंगे एक और खराब गेंद एक और फुल टॉस तीन गेंदों में तीन सिक्सर का यहां पे तीन गेंदों में तीन मैक्सिमम और जो ओवर अच्छा रहा था स्पेल अच्छा गुजर रहा था पहली नौ गेंदों में मात्र दो रन दिए थे भूमिन ने लेकिन अब उनके स्पेल में बीस रन नजर आएंगे क्योंकि तीन गेंदों में तीन सिक्सर जड़े हैं छप्पन रन इस छह रन की सहायता से छह ओवर की समाप्ति चार विकेट के नुकसान पे ड्रीम इलेवन छप्पन रन चार विकेट के नुकसान पे गेंदबाजी के ऊपर लिफ्टॉक्स स्पिनर फुलटोस मिली है यहां पे एक और मैक्सिमम अब तो ऋषि ने भी अपने हाथ खोले हैं पिछली चार गेंदों में ना चार मैक्सिमम आए हैं तीन देव ने लगाए इस ओवर में स्वागत किया यश का वो ऋषि ने किया छह रन के साथ अब काउंटर अटैक शुरू होगा डेथ ओवर में बड़े टारगेट को जहन में रखते हुए वो बल्लेबाजी की जाएगी काफी लंबा हिट वहां पे नजर आया और रन के साथ 62 टू बासठ रन अच्छी शुरुआत हुई है इस ओवर की भी बड़ा ओवर यहाँ पे भी, भी बनाना चाहेंगे उसकी शुरुआत कर दी गई है पहली गेंद के ऊपर मैक्सिमम छक्का आ चुका है कट करने का प्रयास थोड़ा सा हल्का रूम मिला था लेकिन वो थोड़ा गति में परिवर्तन सीधी रह गई थी वो टर्न के लिए अपेक्षा कर रहे थे लेकिन उतना वो घुमाव मिला नहीं 62 रन अच्छी गेंद थी वहां पे बल्ले का निचला हिस्सा लगा है खेलना चाहते थे सीधा लेकिन जड़ में ब्लॉक हॉल में गेंद डाली अच्छी वापसी यहां पे मैक्सिमम आया उसके बाद देव अब स्ट्राइक के ऊपर आखिरी तीन गेंदों के बाद तीन छक्के जड़ चुके हैं और वो भी अच्छे गेंदबाज भूमिन के सामने फुल टॉस मिला है सामने पुल शॉट खेला है वन बाउंस चौका मिलेगा वहां पे देखना पड़ेगा कंफर्मेशन जी हा चार रनों का अंपायर के द्वारा कड़क शॉट था बेहतरीन शॉट था फील्डर वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर तैनात था काफी लंबा फासला तय करना था उनकी दाई और से गेंद ने फील्डर को बीट कर दिया और डिलेवर हो गई चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर स्ट्रेट इन टू द फैंस फॉर बाउंड्री 67 सड़सठ रन स्टैंड एंड डिलीवर ये तो खड़े खड़े यहां पे तो कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि देव के रडार में आ गई ना तो ये गेंद लंबे अरसे के लिए वहां पे बाउंड्री लाइन के बाहर ही रहेगी बेहतरीन मैक्सिमम नजर आया कमाल का शॉर्ट भाई देखा गया कमाल की बल्लेबाजी एक तरीके से वो मोमेंटम शिफ्ट करने का प्रयास देव के द्वारा आखिरी पांच गेंदों में देव ने चार छक्के जड़े एक चौका जड़ा है ये उनकी व्यक्तिगत पांच गेंदों की बात है सेवनटी थ्री यहाँ पे किनारा लगा है फील्डर वहां पे गली पे तैनात है और एक रन चुराया गया एक रन के सहायता से सेवनटी फोर ओवर की समाप्ति सात ओवर के बाद चौहत्तर रन चार विकेट के नुकसान पर ड्रीम इलेवन नौ गेंदों में उन्तीस की ओपर देव पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक अच्छा फिनिश उनके द्वारा अपेक्षा कर रहे हो उनके कप्तान तो एक तरीके से देखा जाए तो बढ़िया कप्तानी पारी यहां पे देव के द्वारा 74 चौहत्तर रन आखिरी अब ओवर का खेल बचा है पहली पारी में स्टैंड एंड डिलीवर शॉट देखे शॉट के पीछे वो ताकत देखिए, नाम है बल्लेबाज का देव कमाल की बल्लेबाजी हो रही है काउंटर अटैक आखिरी सात गेंदों में पूरी तरीके से उन्होंने गियर्स चेंज किया है मोमेंटम को बदला है जो मैच थोड़ा सोनवाला इंडियंस के पक्ष में गुजर रहा था खास करके पहले पांच ओवर उसके बाद देव ने एकदम से वो पारी को एक्सीट किया है एक अलग मोड़ में ये पारी अब चलेगी अस्सी रन छह रन की मदद से ऑप्शन के बाहर डालने का प्रयास दोबारा डालिए वाइड का इशारा सारा एटी वन इक्यासी रन पैंतीस के ऊपर खेल रहे हैं एक और मैक्सिमम आएगा खड़े खड़े सीधा तीर जैसा ये तो बिल्कुल इनके रडार में फुलटोस गेंद अब इनको दे नहीं सकते इनके पास वो ताकत है ये ताकत से खेलने की क्षमता रखते हैं इकतालीस के ऊपर पहुंच गए छ रन की मदद से अपने व्यक्तिगत फोर्टी वन इकतालीस के ऊपर स्कोर टीम का एटी सेवन सत्तासी रन कमाल की वहां पे वापसी ड्रीम इलेवन के द्वारा फिनिशर चाहिए था और वो भूमिका देव ने निभाई है ये ऐसा कारनामा इन्होंने कई बार किया है सतासी एटी सेवन बेहतर है लेंथ को पड़ा है मैक्सिमम जड़ा है वाइड लॉन्गन के ऊपर से एक और सिक्सर आया है कमाल की बैटिंग है लाजवाब पारी यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आखिरी के कुछ क्षणों में पूरी तरीके से यहाँ पे मुंबई इंडियंस सोनवाड़ा इंडियंस का जो खेमा है उनमें खलबली मचाई दी है थोड़ा शारीरिक भाषा यहां पे नकारात्मक बना के रख दी सोनवाड़ा इंडियंस के लिए 93 थ्री रन एक और गेंद वहां पे घुमा दी गई और देव 47 निजी व्यक्तिगत सैतालीस के ऊपर खेल रहे हैं आधा शतक बनाने का मौका देव के पास सैतालीस के ऊपर तीन रन पीछे हवा में है सामने की दिशा में कड़ाके बेहतर है आधा शतक बल्ला अपना हवा में लहराएंगे जरूर क्योंकि उन्होंने ये कारनामा दिखाया है पहला बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट का मिला है जिन्होंने आधा शतक जड़ा है कमाल की ये पारी लाजवाब बल्लेबाजी शतक आता है महत्व इसका ज्यादा है और इस देव ने क्या समा बांधा है कमाल की बल्लेबाजी लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन यहां पे इस ओवर में ये चौथा छक्का जड़ा है इन्होंने बिल्कुल छह रन का पहाड़ा यहां पे पड़ रहे लगातार पिछले ओवर में भी तीन गेंदों में तीन सिक्सर उन्होंने जड़े थे यहां पे भी अभी तक पांच गेंदों में चार गेंदे हुई है और सभी गेंदों के ऊपर चार मैक्सिमम जड़े हैं नाइनटी नाइन निन्यानवे रन एक समय के ऊपर सोनवाड़ा इंडियंस कमांडिंग पोजीशन में थी लेकिन उसके बाद दूसरे हाफ में बहुत बढ़िया वापसी इनसाइड आउटसाइड ओवर कवर यहां पे मिलेगा वन बाउंस चौका कमाल की बल्लेबाजी है ट्वेंटी नाइन उन्तीस रन अब तक आ चुके हैं एक सौ तीन रन सौ के पार यहां पे टारगेट पहुंच चुका है 103 रन कमाल की बल्लेबाजी भाई देव के द्वारा ये जो पारी खेली गई है ना ये लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी और छह रन के साथ ही इस पारी को समाप्त करेंगे इस ओवर का पांचवा छक्का और पैंतीस रन आए 109 रन बने हैं और क्या पारी खेली गई है देव के द्वारा 63 थ्री तैसठ रन नाबाद बनाए और देव पटेल नाबाद तो ड्रीम इलेवन की टीम आबाद 15 गेंदे मात्र लगी उनको यह पारी को सवारने के लिए यह पारी जो थी ना पूरी तरीके से वो थोड़े हौसले परास करने वाली थी क्योंकि सोनवाड़ा इंडियंस का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा यहां पे गिरा है पांच ओवर में उनका दबदबा था लेकिन आखिरी तीन ओवर में जो इन्होंने बल्लेबाजी की है ना खास करके देव ने जो पारी खेली है ना वो कमाल की पारी थी प्रणाम कीजिए अभिनंदन कीजिए सत्कार कीजिए इस अर्धशतकीय पारी को नमस्कार कीजिए 109 रन बने 110 रन की चुनौती के जरिए पहली गेंद के बाद चौका बटोरा ड्रीम इलेवन एक और बड़ा शॉट यहाँ पे यहां पे मिलेगा मैक्स खड़े खड़े ये बिल्कुल रडार में इनके पाले में आ गई और बल्लेबाज के पाले में तो मतलब बाउंड्री हवा में ऊंची उठ गया यह मौका विकेट कीपर के लिए आसान सा कैसे लिया गया विकेट कीपर के द्वारा शॉट अच्छा है बेहतरीन है बिल्कुल रडार में थी बहुत ही बढ़िया स्टॉक स्वीप हमें नजर आया हाफ फॉलिंग एक और अच्छा शॉट एक और बड़ा शॉट एक और मैक्सिमम बैक टू बैक मैक्सिमम आए ओवर अच्छा बन रहा था प्रिंस का लेकिन उस लेकिन भाग्य का साथ गेंदबाज यश को मिला है डॉट बॉले आ रही थी उसका दबाव बना है और अभी को वापिस जाना पड़ेगा डगआउट में उन्नीस रन बने फुलटॉस गेंद को हवा में खेल बैठे फील्डर वहां पे तैनात है लेकिन ड्रॉप चांस पहुंच भी गए थे वहां ये धीमी गति की गेंद थी पढ़ लिया था जान गए थे देव के गेंद में उंगलियां घुमाई ये लेंथ को पीछे खींचा है थोड़ा रिवर्स एटम के जरिए बढ़िया शॉट और एक फ्लैट मैक्सिमम यहां पे सिक्सर आया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और खराब गेंद एक और फुलटोस तीन गेंदों में तीन सिक्सर का यहां पे तीन गेंदों में तीन फुलटोस मिला है सामने पुल शॉट खेला है वन बाउंस चौका मिलेगा वहां पे देखना पड़ेगा स्टैंड एंड डिलीवरी है तो खड़े खड़े यहां पे तो कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टैंड एंड डिलीवर ये शॉट देखिए शॉट के बीच है वो ताकत देखिए नाम है बल्लेबाज मैक्सिमम आएगा खड़े खड़े सीधा तीर जैसा ये तो बिल्कुल इनके रडार में फुलटोस गेंद अब इनको दे नहीं सकते कड़क है बेहतर है लेंथ को पड़ा है मैक्सिमम जड़ा है वाइड लॉन्गन के ऊपर से तीन रन पीछे हवा में है सामने की दिशा में कड़ा के बेहतर है आधा शतक बल्ला अपना हवा में इन साइड ओवर कवर यहां पे मिलेगा वन बाउंस चौका कमाल की बल्लेबाजी है और रन के साथ ही इस पारी को समाप्त करेंगे इस ओवर का पांचवा छक्का गेंदबाजी का बार सवाल डीप ने पहली गेंद के ऊपर वहां पे अच्छा शॉट था लेकिन डीप में प्रोटेक्शन तैयार ऑन साइड के ऊपर दो फील्डर तैनात है एक वाइट ऑन खड़ा है डीप स्क्वायर लेग है जेगर जेगर। प्रिंस स्ट्राइक के ऊपर अच्छी गेंद थी उछाल मिला पड़ने के बाद उठी गेंद एक अच्छे गेंदबाज है दीप की अगर बात की जाए तो एक अच्छे ऑलराउंडर क्रिकेटर है प्रिंस और ध्रुव की जोड़ी ध्रुव जी ने खाता अपना खोला है सिंगल की मदद से 110 रनों का टारगेट यहां पे मिला है सोनवाड़ा इंडियंस को पहला रन स्कोर कार्ड में है ठीक गेंद वहां पे थोड़ा रुक के आई वो शॉर्ट आर्म पुल वहां पे करना चाहते थे लेकिन वो लेंथ को बिल्कुल पढ़ नहीं पाए एक तरीके से देखा जाए तो क्योंकि गति में थोड़ा परिवर्तन किया था यहाँ पे हवा में ज्यादा खेल गए फील्डर इंटरेस्टेड और गलती नहीं करेंगे अच्छा कैच वहां पे लिया गया आकाश जो वहां पे फिल्लर के तौर पे खड़े थे एक अच्छा कैच उनके द्वारा लिया गया ज्यादा हवा में ऊंची उठ गई अच्छा कैच उनके द्वारा लिया गया और वापस यहाँ पे डकआउट में आना पड़ा काउंटर अटैक ये जरूरत थी क्योंकि जिस प्रकार का टारगेट है ना उसके सामने पहले ओवर से ही वो बड़े शॉट की तलाश तो करनी थी लेकिन वो तलाश की गई लेकिन वो मैक्सिमम मिला नहीं अच्छा कैच लिया गया वहाँ पे डीप में पहला विकेट यहाँ पे गिरा है एक रन के ऊपर विकेट का खाता यहाँ पे खुल चुका है और दीप जो अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए जाने जाते हैं इनकी खासियत है दीप की ये विकेट निकालने की इनके पास वो कला है वो क्षमता है बुमिन नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में धर्मिन धर्मीन वहां पे और इस बार डाउन द दा ग्राउंड शॉड मिड विकेट की दिशा में चौका मिला है अच्छा शॉट था ये पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे धर्मिन ने खाता खोला वाटा वे टू ऑफ द माग अंदाज देखिए ये मन बना के आए वैसे भी सभी बल्लेबाजों को ये इनका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि वो हर गेंद के ऊपर बड़ा शॉट तो खेलेंगे हर ओवर को बड़ा ओवर बनाने का प्रयास किया जाएगा और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति सफल ओवर यह गुजरा है दीप का एक चौका भले जरूर आया लेकिन एक सफलता भी मिली है तो पहले ओवर के बाद पांच रन और विकेट एक गिरा है जिम्मेवारी रहेगी एक तरीके से देखा जाए तो ध्रुव के ऊपर जहां तक ध्रुव की बात की जाए तो पिछले मैच में एक बहुत ही अच्छी पारी खेली थी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने सॉट आर्म के जरिए काफी सारे मैक्सिमम स्क्वायर लेग मिडवेट के दिशा में जड़े थे देव अब स्ट्राइक के ऊपर जी माफी देव गेंदबाज के तौर पे जो गेंदबाजी का भार संभालेंगे कमेंट्री बॉक्स से ऑफ साइट के ऊपर वहां पे शुरुआत की उन्होंने तो मतलब थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया जाएगा जरूर देव के द्वारा उछाल के साथ पुल खेला है हवा में ज्यादा है फिल्डर वहां पे पहले वो वो तय कर नहीं पाए कि सीधे हाथ से लिया जाए या फिर रिवर्स कप में कैच लिया जाए वो जब तक फैसला करते गेंद आ गई नीचे ये मौका मिला है ध्रुव का कैच छूटा है यहां पे जीवनदान एक प्राप्त हुआ है कौड़ा के ये बेहतर है ये कमाल का शॉट है यहां पे तो किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए फील्डर को दर्शक बनाने वाला मैक्सिमम ये कमाल का शॉट वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये अच्छा शॉट नजर आया ये आत्मविश्वास भी दिलाएगा स्कोर कार्ड में काफी इजाफा भी करेगा बारह रन बहुत सारे मैक्सिमम बनाने होंगे मतलब कमजोर गेंदों को बड़े शॉट में तब्दील करना पड़ेगा इस बार रूम मिला था वाइड का इशारा ऑफ ऑप्शन के बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी जरूर वहां पे बल्ला चलाने का प्रयास किया लेकिन अंत में रोका उसे तेरा रन यहां पे मिस टाइम शॉट है जगह नहीं थी शॉट खेलने के लिए पुल करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल लॉक कंडीशन में थे लेकिन भाग्यशाली रहे कि वहां पे कैच हुआ नहीं चौदह रन इस सिंगल की मदद से टॉस वहां नो बॉल का इशारा वेस्ट हाइट के ऊपर तेज करने के प्रयास में गेंद आज से छिटक गई और वो एक्स्ट्रा में बाई का चौका भी मिल गया और फ्री हिट के ऊपर चौका मिला है मतलब गेंद तो गिनी नहीं जाएगी बल्कि पांच रन स्कोर कार्ड में वो ऐड किए जाएंगे उसके ऊपर फ्री हिट मिलेगी तो ये तो सोने पे सुहागा जैसा फ्री हिट आने वाली अगली गेंद बाजुए खोलने का मौका वो मौका मिला है ध्रुव को लो फुलटॉस गेंद थी लेकिन यॉर्कर में तब्दील हुई सामने धर्मिन वही बता रहे कि ऑन साइड के ऊपर आप उसे खेल सकते थे 19 रन आखिरी गेंद बची है पावर प्ले की कमाल का शॉट ये बहुत अच्छा खेलते हैं ये शॉट ये जब खेलते हैं ना काफी आकर्षक लगते हैं ये बिल्कुल एडम गिलक्रिस्ट की याद दिलाते हैं मुझे कि उसी प्रकार का उनका स्टांस बनता है उसी प्रकार से वो बैकफुट पे जाते हैं और जो स्टिकर होता है ना बल्ले का वहां पे गेंद को लेते हैं फिर भी पूरी ताकत के साथ बाउंड्री क्लियर करते हैं छह रन के साथ ट्वेंटी फाइव पच्चीस रन और मौजूदा टेनिस क्रिकेट में जिगर पटेल जीगर जंगल ये अच्छा खेलते हैं ये, पच्चीस रन एक विकेट के नुकसान पे लेफ्ट को वैसे भी देखना अच्छा लगता है ये जब शॉट लगाते हैं ना तो काफी अच्छे लगते हैं पच्चीस रन दोवर की समाप्ति साढ़े बारह की औसत चल रही है और पावर प्ले पूरी तरीके से देखा जाए तो ड्रीम इलेवन अपने नाम करना चाहती थी वो हुआ नहीं क्योंकि देव का ओवर थोड़ा महंगा गुजरा अच्छी बल्लेबाजी वहां पे धर्मिन ने भी की और ध्रुव ने भी हाथ खोले उस ओवर में अपने आकाश आय नए अब गेंदबाज के रूप में तीसरा लेके पावर प्ले समाप्त होने के बाद कॉमेंट्री बॉक्स एंड से। ऑन साइड के ऊपर प्रोटेक्शन चार फील्डर है, डीप में। एक के और पीछे खड़ा है का सर्कल फील्डर को हटाया जा रहा है उसको गली के स्थान पे लगाया जाएगा जी नहीं शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर ऑफ साइड के ऊपर आएंगे गली में एक फिल्डर तैनात किया गया है कवर एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फुलटोस के ऊपर करारा शॉट फिल्डर को दर्शक बनाया अच्छी वहां पे बल्लेबाजी दोनों छोर से काउंटर अटैक ये जज्बा होना चाहिए टारगेट को मेरे ख्याल से देखना वो जरूरी नहीं है आपका पोटेंशियल क्या है वो होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट में ना कोई भी टारगेट बड़ा नहीं है मौजूदा क्रिकेट की बात की जाए ना तो कोई भी टारगेट है ना वो अनबिलीवेबल नहीं है हमने देखा है बड़े बड़े टारगेट को अचीव होते हुए छोटे टारगेट को डिफेंड करते हुए भी देखा है ये क्रिकेट का अपना मजा है एक, एक। लाइन ये गलत गेंद के ऊपर गलत शॉट सिलेक्शन और वहां पे अपील की गई थी लेग बिफोर की लेकिन वो है नहीं यहां पे अप्लाई किया गया विकेट टू विकेट गेंद तो थी बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि शायद अगर एलबीडब्ल्यू होते ना तो कैंडिडेट बन सकते थे विकेट के बत्तीस रन इस बार अच्छा शॉट है लेकिन दुर्भाग्यशाली दुर्भाग्यपूर्ण वहां पे फील्डर को ढूंढ निकाला अभी वहां पे तैनात थे एक आसान कैच बना उनके लिए मिड विकेट की दिशा में ये वैसे देखा जाए ना तो बड़ा शॉट उठा सकते थे यहाँ पे मैक्सिमम आ सकता था लेकिन वो थोड़ी ताकत कम लगी वैसे ये एरिया ध्रुव का नहीं है ध्रुव ज़्यादातर स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग के ऊपर अच्छा खेलते हैं लेकिन यहाँ पे मिड विकेट वो लंबा कौन है बाउंड्री का वहां पे बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में अपनी विकेट थमा बैठे लेकिन अच्छा काउंटर अटैक कर रहे थे अच्छी शुरुआत दी है एक मोमेंटम तो जरूर उन्होंने बनाया है अपनी टीम के लिए बत्तीस रन दो विकेट के नुकसान पर थोड़ी राहत की सांस ड्रीम इलेवन के लिए जरूर वापसी करवाई आकाश ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया तो वो काम किया बॉलिंग चेंज हैज बीन वर्क फॉर ड्रीम इलेवन शॉर्ट अच्छा है बेहतर है बढ़िया है शॉट कड़क है कप्तान ने आगाज कर दिया है कप्तान चल पड़ा है सीनातान कमाल का शॉट पहली गेंद के ऊपर वॉट अवेट ऑफ द मे शॉट नहीं था भूमिन का एक स्टेटमेंट था कि जो भी गेंदे खेलूंगा उसके ऊपर वो प्रहार तो किए जाएंगे लड़ेंगे जरूर भले टारगेट बड़ा है लेकिन जज्बा भी बड़ा है खेलने का दूसरी गेंद के ऊपर अच्छी वापसी की आकाश ने पहले छक्का जड़ा रडार में आ गई यहां पे उनसे दूर रखने का प्रयास ये भी अच्छा शॉट है यहां पे भी मैक्सिमम बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन बूमिन डगआउट में से सेट होके आए हैं छ रन की सहायता से स्कोर कार्ड में आपको चौवालीस रन नजर आएंगे तीन ओवर के बाद चौवालीस रन दो विकेट के मात्र नुकसान पे छासठ रन चाहिए आने वाली पांच ओवर में एक और मैक्सिमम यहां पे दोनों लेफ्ट हैंडर्ड बैटर यहां पे मन बना चुके हैं कि जो भी गेंदे खेलेंगे ना उसके ऊपर अपना इंपैक्ट रखेंगे 50 रन यहां पे स्कोर कार्ड में 6 रन की मदद से वेलकम 50 बढ़िया बल्लेबाजी आधा हाफ समाप्त हुआ नहीं लेकिन आधा सफर तय हो चुका है इस बार मौका बना था चुके हैं वहां पे लेकिन फिर भी स्ट्राइक रोटेशन मिसफील्ड की वजह से दूसरा रन आएगा यह दबाव बनाया दबाव बनाया अभी के ऊपर ये मैच कमाल का घट रहा है यह मैच बेहतरीन घट रहा है टूर्नामेंट के पहले दो मैच हारे थे लेकिन उसके बाद जो वापसी की है ना सोनवाड़ा इंडियंस से वो कमाल की वापसी है वो जीत है ना आत्मविश्वास दिलाता है अच्छी वापसी यहां पे मानूंगा थोड़ी सी मिसफील्डिंग वहां पे दूसरे के लिए पलटवार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट ये होना चाहिए साझेदारी ऐसे ही बनते हैं टारगेट चेज ऐसे ही होते हैं ऐसा नहीं कि मात्र बड़े शॉट रहने चाहिए बस आप फील्डर के ऊपर दबाव बनाएंगे एक दो एक को डबल में अगर कन्वर्ट करेंगे ना तो अपने आप वो स्कोर कार्ड चलता रहेगा वो चेज का थोड़ा जो स्ट्रेटर्जी अलग बनाना पड़ता है वो उसकी हिसाब से चल रहा है अच्छी वापसी थोड़ा अंदर की ओर आई थी उंगलियां घुमाई थी और चेंज ऑफ पेस बढ़िया किया कड़क है ये शॉट एक सबसे बेहतर इन शॉट नजर आया पैरों के ऊपर गेंद थी बल्लेबाज के चरण में गेंद मतलब बाउंड्री के शरण में गेंद लाजवाब बल्लेबाजी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हार्ड हिटिंग एबिलिटी की क्षमता दिखा रहे दोनों बल्लेबाज और चार ओवर के बाद साठ रन आधा सफर तय हो चुका है आधे सफर से भी ज्यादा आगे निकल गए हैं क्योंकि चार ओवर में साठ रन बन चुके हैं पंद्रह की औसत से रन बन रहे हैं पचास रन चाहिए जीतने के लिए चौबीस गेंदों का खेल बचा है यहां पे ड्रिंक ब्रेक आएगा स्ट्रेटर्जिक टाइम आउट रचना बनाई जाएगी प्लान यहां पे बनाए जाएंगे कि 24 गेंदों में 50 रन कैसे बनाए जाए सामने ड्रीम इलेवन देखेगी कि 50 रन को कैसे बचाया जाए तो किसका प्लान यहां पे काम करेगा किसकी रणनीतियां वहां पे सही तरीके से नजर आएंगी वो आगे फिर से हम आपके सामने वो विरण लेके आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद लेकिन इससे पहले मैं जय पाटीदार इलेवन पर के कप्तान और वानी इलेवन पालन के कप्तान को बुलाना चाहूंगा आने वाला अगला मुकाबला आपका है प्लेइंग इलेवन सबमिट करवा दीजिए और टॉस की प्रोसीजर वानी इलेवन पालन और जय पाटीदार इलेवन पर कप्तान आएंगे जल्द से जल्द साठ रन चार ओवर के बाद जीतने के लिए पचास रन चाहिए आने वाले चार ओवर में रिवर्स करने का प्रयास वहाँ पे लेकिन ये रिवर्स स्वीप वाली गेंद नहीं थी एंड यहाँ से अब चेंज हो गया है देखना पड़ेगा कि ये जो एंड है क्या ड्रीम इलेवन को रास आता है या तो फिर जिस प्रकार से मोमेंटम चल रहा है वही चलता रहेगा ये क्वेश्चन बड़ा है अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे बैकफुट पे धकेला रन आउट का प्रयास किया जाएगा लेकिन वो थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट बनता है और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ दो रन मुकम्मल किए दो रन वहां पे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ समाप्त किए ये साझेदारी बहुत अच्छी हो रही है अच्छी गेंदबाजी बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी दीप के द्वारा यहाँ पे स्ट्राइक गेंदबाज को लगाया गया है कप्तान देव के द्वारा क्योंकि कप्तान को यहाँ पे विकेट की तलाश है क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक साबित हो रहे हैं कड़क है कमाल है बेहतर है वन बाउंस वन बाउंस यहां पे चौक है कमाल का शॉट है ये इतनी तेज गति से गेंद गई थी बिल्कुल गोली की रफ्तार से गेंद निकली थी बल्ले से और फील्डर होते ना तो भी मेरे ख्याल से मौका बनता नहीं उनके पास ये कमाल का शॉट था रिवर्स स्वीप के पीछे इतनी ताकत लगाना अपने आप में वो हिटिंग एबिलिटी को पुरवार करता है फिर से प्रयास लेकिन इस बार वो लेंथ नहीं थी इस बार वो लाइन नहीं थी इस बार फॉलो किया गया था दीप ने अच्छी वापसी की फॉलो किया गया वहां पे बल्लेबाज को सड़सठ रन सात रन अब तक आ चुके हैं अच्छी गेंद ही है कमाल का ओवर गुजरा है जहाँ पे पंद्रह की औसत चल रही थी लेकिन वो औसत थोड़ी गिरावट आई है क्योंकि इस ओवर में मात्र सात रन आए और सिक्सटी सेवन सड़सठ रन अभी भी फोर्टी थ्री तैंतालीस रन चाहिए अठारह गेंदों में मतलब देखा जाए तो साढ़े चौदह की औसत यहाँ पे चाहिए प्रति ओवर चौदह से भी ज़्यादा रन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे अगर इस मैच को जीतना है प्रति ओवर चौदह रन भी बनाएंगे तो मैच ट्राई हो सकता है खुद कप्तान ने जिम्मा उठाया है गेंदबाजी का देव आए गेंदबाजी के ऊपर अठारह गेंदे बची है तैंतालीस रन चाहिए फोर्टी थ्री रन रिक्वायर इन लास्ट 18 बॉल्स स्ट्राइक के ऊपर कप्तान है छोटा सा कॉन्टेस्ट है कप्तान बनाम कप्तान देव के सामने भूमिन अच्छी गेंद थी थोड़ा जल्दी खेले उछाल था गेंद में हल्का सा चेंज ऑफ पेस भी हुआ था लगातार दो डॉट बॉल आई है यहां से जो मैच जिस पोजीशन पे खड़ा है ना वहां से डॉट बॉल जितनी आएगी वो दबाव बढ़ेगा क्योंकि ये स्टेज ऐसा है ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मैच किसी भी रुख ये पलट सकता है पलटा अभी दोनों टीम का भारी है मिस टाइम शॉट पूरी तरीके से कनेक्ट हुआ नहीं है तीन गेंदे बढ़िया ठिकाने पे गिरी है ऐसे छोटे छोटे कॉन्टेस्ट होते हैं ना वो काफ़ी मैटर करते हैं ये कप्तान बनाम कप्तान का कॉन्टेस्ट था अभी तक तो देव ने जीता वो क्योंकि सामने भूमिन को खामोश रखा फुलटो सी गेंद लेकिन हवा में ऊंची उठ गई है और फिल्डर वहां पर तैनात किए गए थे कोई गलती नहीं की गई अच्छा कैच लिया गया है दीप वहां फील्डर के तौर पे तैनात थे एक आसान कैच उनके द्वारा और धर्मीन की एक अच्छी पारी 33 रन बनाए चौदह गेंदों में एक मोमेंटम अपनी टीम के लिए बनाए रखा उन्होंने और ये जो थोड़ा मजबूत पोजीशन में अपनी टीम को इन्होंने रखा है उसका पूरा श्रेय यहां पे जाना चाहिए धर्मीन को चौदह गेंदों में 33 रनों की कमाल की पारी नए बल्लेबाज के रूप में प्रथम पांचवें नंबर पे विकेट गिरने के बाद आए हैं इनके पास वो लाइसेंस है काउंटर अटैक का एक ही विकल्प है अभी तो कि जो भी गेंदे मिलेगी उसके ऊपर वो बड़े शॉट तलाशने पड़ेंगे अभी तो यहां पे अच्छी गेंदबाजी कप्तान के द्वारा हुई है देव के द्वारा एक रन मात्र दिया है अभी तक पहली चार गेंदों में सफलता भी मिली है नए बल्लेबाज बीच मैदान में, में प्रथम अच्छी गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी जहाँ पे जरूरत थी ज्यादा ये एंड जो है ना वो पूरी तरीके से ड्रीम इलेवन को रास आ रहा है क्योंकि चार ओवर में जहाँ पचास रन थे वहां पे पांचवें ओवर में मात्र सात रन आए इस छठे ओवर में अभी तक एक ही रन आया है यहाँ पे भी रन मात्र एक ही रहेगा अच्छा ओवर गुजरा एक रन आया एक विकेट आया कमाल की गेंदबाजी कप्तान देव के द्वारा अब मुश्किलें बढ़ेगी यहां से बयालीस रन चाहिए बारह गेंदों में प्रति ओवर इक्कीस रन सात छक्के चाहिए कैरेबियन गिनती अगर की जाए तो सात मैक्सिमम चाहिए वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में यही चलता है आईपीएल में थोड़ा सो, सोचा समझा क्रिकेट चलता है लेकिन कैरेबियन प्रीमियर लीग में बस मैक्सिमम के बारे में सोचा जाता है और मौजूदा टेनिस क्रिकेट में भी यही चलता है बयालीस रन फोर्टी टू रन रिक्वायर इन ट्वेल्व बॉल्स फोर्टी टू रन चाहिए बयालीस रन आखिरी दो ओवर पूरी तरीके से वापसी की है ड्रीम इलेवन ने आठ रन दिए मात्र उस बारह गेंदों में अगर देखा जाए ना वो सात रन आए थे पांचवें ओवर में देव के ओवर में एक रन आया एक विकेट आया आकाश के हाथ में गेंद है स्टैंड एंड डिलीवर कमाल का शॉट काफी गहराई में चले गए थे स्टम के करीब से जाके लेंथ को पड़ा है सात सिक्सर चाहिए तो एक आ चुका है सोनवाड़ा इंडियंस भी यही गिनती कर रही है कि छह सिक्सर अभी बाकी है लेकिन वो आसान काम नहीं होता उतना आसान होता नहीं मैक्सिमम को डिलीवर करना वो सुनने में देखने में आसान लगता है लेकिन करना वो काफी कठिन है सेवेंटी फोर चौहत्तर रन छत्तीस रन चाहिए अब और ग्यारह गेंदे बची है कुछ भी हो सकता है इस मैच में यह अच्छी गेंद यहां भी अच्छी वापसी गेंदबाज आकाश के द्वारा एक रन चुराया स्ट्राइक के ऊपर प्रथम को लाया गया पैंतीस रनों की जरूरत फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है अच्छी गेंद वहां पे उंगलियां घुमाई आकाश ने सामने वही कह रहे नॉन्टे एंड बल्लेबाज भूमिन के आप गेंद को कनेक्ट कीजिए कम से कम रन तो चाहिए हर गेंद के ऊपर डॉट बॉले वो दबाव बढ़ाएगी लगातार बैक टू बैक डॉट बॉल विकेट आया है यहाँ पे किनारा लगा महिमसा छोटा किनारा कोई गलती नहीं की बड़े शॉट के लिए अपेक्षा कर रहे थे लेकिन वो किनारा लग गया और विकेट कीपर के तौर पे वहां पे एक आसान कैच लिया गया पल थे विकेट कीपर के तौर पे जिन्होंने अच्छा कैच लिया सॉफ्ट डिसमिसल अब नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जाएगी बीच मैदान में सेवेंटी फाइव पचहत्तर रन चार विकेट के नुकसान पे पहला हाफ बहुत ही बढ़िया गुजरा था वो सोनवाड़ा के लिए लेकिन फिर दूसरे हाफ में वो अलग अलग फेस में मैच चला है अब पहली पारी में भी देखो ना तो पहला हाफ सोनवाड़ा इंडियंस के लिए अच्छा रहा था फिर आखिरी चार ओवर में ड्रीम इलेवन ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बड़ा टारगेट रखा यहाँ पे पहला हाफ सोनवाड़ा के पक्ष में रहा लेकिन दूसरे हाफ में वापसी की है ड्रीम इलेवन ने एक क्रिकेट का यही तो मजा है कुछ पल में आर्स में कुछ पल में फर्श में अलग अलग फेसिस आते हैं मैच के और शॉर्टर फॉर्मेट में तो कुछ ही गेंदे लगती है वापसी करने के लिए कुछ ही पल में मैच का मोमेंटम बदल जाता है धीमी गति की गेंद खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर विकेट के ऊपर से गेंद गई फील्डर वहां पे मौजूद थे लेकिन उन्होंने कैच छोड़ा दौम्य वहां पे तैनात थे पहली गेंद के ऊपर जीवनदान मिला है ध्रुव को सेवेंटी सिक्स छहत्तर रन अक्रॉस द लाइन कमाल का शॉट बिल्कुल भी वहां पे संदेह नहीं होगा पता लग गया था ये छ रन निकल जाएंगे खेलने के बाद इनका जो अंदाज था ना वो देखने लायक था इनको पता था कि गेंद जिस प्रकार से कनेक्ट हुई है ना रन छके जाएगी और छह रन की मदद से एटी टू बयासी अट्ठाईस रन चाहिए आखिरी छह गेंदों में अट्ठाइस रन चाहिए ये जो ये फासला जो नजर आएगा ना वो देव ने जो बल्लेबाजी की थी ना आखिरी ओवर में वो ये फासला है 35 रन रहे थे उन्होंने उस आखिरी ओवर में तो उसकी वजह से ये जो टारगेट है ना बड़ा नजर आ रहा है वो मैंने कहा ना शॉर्ट और फॉर्मेट पांच या छह गेंदे लगती है पूरे पारी का मोमेंटम बदल जाता है ये मोमेंट यहां पे बदलना पड़ेगा सोनवाड़ा को बहुत अच्छा शॉट वहां पे भूमिन के बल्ले से निकला है कड़ा की शॉट आवाज आई थी उससे पता चल गया था कि छह रन यहाँ पे मिलेंगे और यहां से तीन गेंदे बची है उन्नीस रन चाहिए मतलब हर गेंद के ऊपर मैक्सिमम आएगा तो टाई हो जाएगा तीन गेंदों में उन्नीस रन वो जो आखिरी ओवर में जो छक्के जड़े थे ना देव ने ऐसा कारनामा करना पड़ेगा यहां पे इस बार अच्छा सो मैक्सिमम यहाँ पे आया है अभी भी दो गेंदों में दो सिक्सर चाहिए टाई अगर मैच को करना है स्कोर लेवल अगर करना है तो ये दो गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना पड़ेगा लेकिन मानना पड़ेगा भूमिन के द्वारा क्या पारी फोर्टी सिक्स रन के ऊपर सत्रह गेंदों में आधे शतक बनाने का मौका भूमिन के पास छतालीस रन यहां पे खुद व्यक्तिगत सत्रह गेंदों का सामना करते हुए सत्रह गेंदों में छियालीस रनों की पारी यहां पे नाबाद खेल रहे हैं भूमिन पटेल स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएंगे क्या पारी खेली इन्होंने क्या एक और जाएगा जी हा तीन गेंदों में तीन सिक्सर जड़े गए और इस छह रन की मदद से यहां पे एक सौ तीन रन अब आखिरी गेंद के ऊपर छह रन मतलब आधा शतक तो जड़ चुके हैं एक और बढ़िया पारी भूमिन के द्वारा शतक आधा है कमाल की पारी खेली गई और दस शतक पारी है जज्बा रखा यहाँ पे जीतने का बहुत ही अच्छी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दबाव में गेंदबाज पूरी तरीके से पूरी तरीके से दबाव में यहां पे गेंदबाज तीन गेंदों में तीन छक्के जड़े हैं उन्होंने आखिरी गेंद अब बची है सात रन चाहिए सिक्सर लगाएंगे सुपर ओवर आएंगे क्या कमाल का यह मैच घटा है क्या बल्लेबाजी है यहाँ पे भूमिन पटेल ये बल्लेबाजी देख लीजिए ये बल्लेबाजी देख लीजिए ये भूमिन पटेल का कारनामा देख लीजिए टाई यहां पे मैच को करवाया है स्कोर को लेवल किया है क्या बल्लेबाजी की है मानना पड़ेगा रात नहीं ख्वाब बदलते है मंजिले नहीं कारवा बदलता है बस जसबा रखो जीतने का क्योंकि वक्त बदले ना बदले किस्मत जरूर बदलती है यहां पे किस्मत को भी बदला है वक्त को भी बदला है भूमिन पटेल ने एक बेहतरीन पारी खेली है और टाई ब्रेकर में इस मैच को बांध दिया है तो यहां से इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से बनाया है सुपर ओवर छह गेंद और डाली जाएगी कुल मिला के बारह गेंद डाली जाएगी वो परिणाम तय करेगी टूर्नामेंट का पहला मुकाबला वो भी टाई ब्रेकर में बंधा था और यहां से अब टाई हुआ है फिर से मैच बल्लेबाज यहां पे पहुंच जाएंगे क्या पारी खेलेगा ये मानना पड़ेगा ये जो पारी है ना काफी लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी कप्तानी पारी थी कप्तान ने जो जज्बा अपना दिखाया था ना कप्तान ने वो जो उन्होंने अपनी जो क्षमता दिखाई है ना चार गेंदों में चार सिक्सर कमाल की पारी है मानना पड़ेगा सोनवाड़ा इंडियंस का ये कप्तान पूरी तरीके से इस मैच में अपनी प्रतिभा का उन्होंने प्रदर्शन किया है अपने नाम को और बड़ा बनाया अपनी रेपुटेशन को बड़ा किया है बल्लेबाज पहुंच जाएंगे बीच मैदान में दर्मीन और अबूमिन दोनों लेफ्ट हैंड दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बीच मैदान में सुपर ओवर खेलने के लिए पहुंच चुके हैं एक रन बनाए गए थे ड्रीम इलेवन के द्वारा अच्छी पारी खेली थी देव ने 63 रन नाबाद बनाए थे लेकिन जब 110 रन की चुनौती मिली तो एक समय के ऊपर बहुत ही बढ़िया कंडीशन में थे वहां पे पहले चार ओवर में पांचवे छठे ओवर में वापसी की आखिरी बारह गेंदों में बयालीस रन चाहिए थे एक रन मात्र दूर रह गए जीत से लेकिन फिर भी टाई ब्रेकर में बांध दिया मैच को अच्छी पारी भूमिन पटेल कप्तान के द्वारा खेली गई अट्ठावन रन नाबाद बनाए उन्होंने सुपर ओवर में गेंदबाजी कौन करेगा छह गेंदे कौन डालेगा ये काफी मैटर करेगा इस टूर्नामेंट का यह दूसरा ऐसा मैच बना है जिसमें सुपर ओवर आया है तो अब वो तय हो चुका है दीप के हाथों में गेंद थमाई गई है सुपर ओवर धर्मिन और बूमिन बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी और दीप गेंदबाज के तौर पे स्ट्राइक पे कप्तान भूमिन अच्छी गेंद वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से डिलीवर की गई इस गेंद को वाइड डॉट बॉल के साथ शुरुआत हर गेंद के ऊपर जो भी परिणाम आएगा वो दबाव बनेगा दोनों के लिए यहां पे तो शून्य के साथ शुरुआत कड़क है स्टैंड डिलीवर है कमाल का शॉट बूमिन के बल्ले से आया है छक्का जड़ा है जरूरत है इसी शॉट की जो पारी को उन्होंने समाप्त किया था उसी को आगे यहां पे बढ़ाना पड़ेगा उसकी शुरुआत तो कर दी गई है पहला छक्का आ चुका है छ रन बन चुके हैं दूसरी गेंद के ऊपर ये भी अच्छा शॉट है लेकिन वहां पे फील्डर देव तैनात कप्तान का विकेट मिला है कप्तान ने कैच लिया है ध्रुव आएंगे अब ध्रुव जाएंगे बीच मैदान में छह रन के ऊपर बड़ा शॉट फिर से उठाने का प्रयास लेकिन एलिवेशन मिला नहीं फ्लैट चली गई और ये बिल्कुल रडार में नहीं थी गेंद देव ने गलती नहीं की वाइड ऑन की दिशा में खड़े थे वो और बूमिन की अच्छी पारी एक बनाए और उनकी वो पारी की बदौलत ही तो ये सुपर ओवर का मामला आया है ध्रोह नए बल्लेबाज के रूप में तीन गेंदे बची है इस सुपर ओवर में छ रन है एक और लेफ्ट हैंड बैटर टॉस मिला है लंबा हाई एंड लॉन्ग सिक्सर स्ट्रेट इनटू द पार्क इनके आर्क में मतलब पार्क में गेंद पहली गेंद के ऊपर लाइसेंस है यहां पे बहुत ही बढ़िया रन के साथ यहां पे भी ध्रुव ने बहुत ही बढ़िया गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया कमाल का शॉट था बारह रन वहां पे लो फुलटोज गेंद थी ठीक तरीके से कनेक्ट हुई नहीं दूसरे के लिए पलटवार करेंगे तेरह रन तेरह रन स्ट्राइक के ऊपर पहली बार आखिरी गेंद खेलेंगे धर्मीन तेरह रन सीधा विक्टों का बन निशाना साधा तेरह रन बने सुपर ओवर में चौदह रन बनाने होंगे इस मुकाबले को अगर जीतना है ड्रीम इलेवन को तो उनको बनाने पड़ेंगे चौदह रन और अगर यहां से सोनवाड़ा इंडियंस को दूसरी जीत अगर हासिल करनी है इस टूर्नामेंट में तो उनको इस चौदह रनों को बचाना पड़ेगा डिफेंड करना पड़ेगा इस टारगेट को regal by <todicator> और सुपर ओवर के बारे में सभी को मैं बता देता हूं यदि यहां पे भी मैच टाई हो गया तेरह रन बने यदि वहीं तेरह रन बने तो उसके बाद डिसीजन टॉस के जरिए आएगा चौदह रन बनाने होंगे गेंदबाजी कौन डालेगा ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी देव और दीप की जोड़ी और मेरे ख्याल से गेंदबाजी भूमिन संभालेंगे खुद कप्तान जिम्मेवारी यहां पे भी उठाएंगे चौदह रन बनाने हैं चौदह रन बनाने हैं सुपर ओवर में इस मैच को जीतने के लिए तेरह रन बनाए थे छह गेंदे खेलते हुए सोनवाड़ा इंडियंस ने एक छक्का भूमिन ने जड़ा था एक ध्रुव ने जड़ा था गेंदबाजी बूमिन के हाथ में स्ट्राइक के ऊपर कप्तान देव देव भाई देवचे कप्तान के सामने कप्तान चौदह रन बनाने हैं सुपर ओवर में रिवर्स एटम्प और मैक्सिमम बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से यह कमाल का शॉट खेला गया है तारीफ करनी पड़ेगी देव की यहाँ पे उन्होंने भी वहीं से शुरुआत की है जहां से पारी को छोड़ा था तैसठ रन नाबाद पारी खेले थे वहीं से इन्होंने मैच को आगे बढ़ा दिया है छह रन के साथ पारी का आगाज बहुत ही बढ़िया शुरुआत छह रन बन चुके पहली गेंद के बाद चौदह रनों के जवाब में दबाव बनाने का प्रयास पहली गेंद के बाद देव के द्वारा सफलता भी मिली है एक बेहतरीन इंप्रोवाइजेशन रचनात्मक शॉट खेला गया था रिवर्स स्विप की क्षमता पुरवार कर दी गई दोबारा डालिए वाइड का इशारा सात रन आधे रन बन चुके हैं अच्छी वापसी वहां पे थोड़ा आगे गिर गई विकेट की पर के छोटी गेंद के ऊपर बेहतरीन शॉट यहाँ पे जड़ा है और यहाँ पे छह रन की मदद से बन चुके हैं तेरह रन एक रन की मात्रा दरकार है ड्रीम इलेवन की ये जो टीम है ना इनका जो विजयी रथ शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है अनबीटन है ये अपराजित ये टीम है अभिजीत ये टीम है और ये ड्रीम इलेवन की टीम है कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा देव ने जहां से समाप्त किया था वहां से शुरू किया और इस मैच को अपने पक्ष में किया कमाल का ये मैच यहाँ पे घटा है कमाल की बल्लेबाजी दोनों पक्ष के द्वारा देखी गई लेकिन अंत में विजय बनता है एक तो विजय के सामने विनर के सामने इस मैच का मुकाबला अपने नाम किया है ड्रीम इलेवन ने फिर से एक बार सुपर ओवर में मैच यहाँ पे आया लेकिन इस मुकाबले को उन्होंने चौदह रन बनाने थे बढ़िया तरीके से अचीव किया तो बहुत ही बढ़िया यह मुकाबला घटा इसके बाद का मुकाबला थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू होगा जो पालन और सादकपर के बीच में होगा मैन ऑफ द मैच देव पटेल खुद टीम के कप्तान ड्रीम इलेवन के मैन ऑफ द मैच देव पटेल यहाँ पे हवा में ज्यादा खेल गए फील्डर इंटरेस्टेड और गलती नहीं करेंगे अच्छा कैच वहाँ पे और इस बार डाउन द दा ग्राउंड शॉड मिड विकेट की दिशा में चौका मिला है, अच्छा शॉट था ये पहली गेंद की वहाँ पे पहले वो वो तय कर नहीं पाए कि सीधे हाथ से लिया जाए या फिर रिवर्स कप में कैच लिया जाए वो जब तक फैसला करते गेंद आ गई नीचे ये मौका मिला कौड़ा के ये बेहतर है ये कमाल का शॉट है यहां पे तो किसी को भी संदेह कमाल का शॉट ये बहुत अच्छा खेलते ये शॉट ये जब खेलते हैं ना काफी आकर्षक लगते हैं, ये बिल्कुल फुलटोस के ऊपर करारा शॉट फील्डर को दर्शक बनाया अच्छी वहां पे बल्लेबाजी इस बार अच्छा शॉट है लेकिन दुर्भाग्यशाली दुर्भाग्यपूर्ण वहां पे फिल्म शॉट अच्छा है बेहतर है बढ़िया है शॉट कड़क है कप्तान ने आगाज कर दिया है ये भी अच्छा शॉट है यहां पे भी मैक्सिमम बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन बूमिंग डगआउट में से सेट हो एक और मैक्सिमम यहां पे। दोनों लेफ्ट हैंडर बेहतर कड़क है ये शॉट एक सबसे बेहतर इन शॉट नजर आया पैरों के ऊपर गेंद थी बल्ले कड़क है कमाल है बेहतर है वन बाउंस वन फुलटो थी गेंद लेकिन हवा में ऊंची उठ गई है और फील्डर वहां पे तैनात किए गए थे लगातार बैक टू बैक डॉट बॉल विकेट आया है यहां पे किनारा लगा महीक्रॉस द लाइन कमाल का शॉट बिल्कुल भी वहां पे संदेह शॉट वहां पे भूमिन के बल्ले से निकला है कड़ा किए शॉट आवाज आई थी उससे पता चल गया था इस बार अच्छा शॉट मैक्सिमम यहां पे आया है अभी भी दो क्या एक और जाएगा जी हां तीन गेंदों में तीन सिक्सर जड़े गए और क्या बल्लेबाजी है यहां पे भूमिन पटेल ये बल्लेबाजी देख लीजिए यह बल्लेबाजी बल्ले कड़ाके है स्टैंड एंड डिलीवर है कमाल का शॉट भूमिन के बल्ले से आया है ये भी अच्छा शॉट है लेकिन वहां पे फील्डर देव तैनात कप्तान का विकेट फुल टॉस मिला है लंबा हाँ एंड लॉन्ग सिक्सर स्ट्रेट इनटू द पार्क तेरा रन सीधा विकटों का बन हिस्सा साधा रिवर्स अटैम और मैक्सिमम बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से यह कमाल का शॉट खेला गया है तारीफ करनी छोटी गेंद के ऊपर बेहतरीन शॉट यहां पे जड़ा है और यहां पे छे और ये ड्रीम इलेवन की टीम है कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा देव ने जहां से समाप्त किया था वहां सम्मान दिया वहां पे हाफ वॉली गेंद को बिल्कुल जमीन के समान अंतर खेला इस शॉट को पहला रन यहां पे देखा जाए एक लाइन यहां पे काउ कॉर्नर के ऊपर से बेहतरीन ये शॉट मैक्सिमम आया है इस बार इनसाइड आउट शॉट और ओवर मिड ऑफ के ऊपर से ओवर द टॉप ये शॉट खेलना वैसे चाह अच्छी गेंद है और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर फील्डर वहां पे तैनात फसा या वहां पे गुमा मुकाबला जीत चुकी है एक मुकाबला हार चुकी है इस बार अच्छा कैच लिया गया मिड विकेट की दिशा में सौडम जब पुल करने इन साइड आउट अच्छा ओवर कवर है फील्डर वहां पे तैनात है लेकिन रोकना नामुमकिन हो जाएगा कट किया है हवा में ऊंची निकल गई है लेकिन फिर भी मैक्सिमम देके जाएगी जो एलिवेशन चाहिए था वो मिल इस बार हवा में खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद गई है सर्कल के अंदर कवर की दिशा में और ध्रुव ने से खेला अच्छी पटेल बहुत ही बढ़िया तरीके से रोका निश्चित तौर से चौका बचाया है अपनी टीम के लिए कदमों का इस्तेमाल हवा में ऊंची उठ गई ध्रुव वहां पे फील्डर के तौर पे तैनात कोई गलती नहीं करेंगे आसान सा कैच बना उनके लिए और वाफ प्रशंसा करनी पड़ेगी इसी बीच हवा में ऊंचा शॉट खेला गया फिल्डर वहां पे तैनात किए गए थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर कोई गलती अच्छी गेंदबाजी लेकिन अच्छा शॉट वहां पे बिल्कुल रडार में आ गई गेंद में हाल इनसाइड आउट हवा में ऊंची उड़ गई एलिवेशन मिला नहीं है फिल्डर वहां पे तैनात है गलती बिल्कुल भी नहीं की जाएगी मिसफील्डिंग अमूमन देखी नहीं जाती लेकिन अच्छी तरीके से रोका वहां पे रन आउट का मौका भी बना है वहां पे और रन आउट के जरिए खड़े-खड़े शॉट देखिए कुछ भी वहां पे ज्यादा करने की जरूरत पड़ी नहीं दिलन को लेग स्टम के बाहर ही के वो ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी करते हैं दूर रखने का प्रयास है हवा में ऊंची उड़ गई है और फील्डर वहां पे तैनात ध्रुव खड़े थे दूसरा कैच इस बार विकेट टू विकेट बॉलिंग टॉप एज लगा विकेट कीपर के तौर पे वहां पे कोई गलती नहीं की गई वहां पे राउंड अस्टम सीधा शॉट बढ़िया खेला है फील्डर वहां पे तैनात थे ध्रुव लेकिन अभी तक अच्छे कैच लिए उन्होंने एक अच्छे फील्डर है वो गलती ज्यादा फील्डिंग वहां पे दो रन के लिए पलटवार किया गया है तीसरा रन चाहते हैं वहां पे लेकिन वो रनआउट हो जाएंगे रनआउट के जरिए अलई को वापस डाउन फिफ्टी वन रन उछाल के साथ कमाल का शॉट बेहतरीन तरीके से नियंत्रण के साथ कमाल रिवर्स एडम कड़क है यश के, के बल्ले से निकलने वाला इंप्रोवाइजेशन वाला कड़क के सुपर इस बार अच्छा शॉट है सामने की दिशा में फील्डर वहां पे हर्ष तैनात है जान वहां पे ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास प्रिंस के द्वारा किनारा एज लगा था मौका था विकेट का शॉट अच्छा है खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर अच्छी बल्लेबाजी कमाल का शॉड यहाँ पे ध्रुव के बल्ले से आया है होती है, ऐसी छोटी गेंदे पड़ जाती है और के जरिए चौका थोड़ा आगे ज्यादा गिर गई थी वो उछाल को है पूरा कड़ा का ये सॉट देख लीजिए पिछला जो शॉट था ना वो बेहतर था लेकिन ये बेहतरीन है पहला मैक्सिम ये भी बढ़िया यहाँ पे पूरी तरीके से थोड़ा कॉम एरर था क्रिकिरोज में उसकी वजह से 40 रन और ये छक्का 46 46 रन कमाल का शॉट है लेकिन फील्डर वहां पे ड्रॉप चांस ये मौका गवाया है मात्र फुल टॉस गेंद थी लेकिन विकेट कीपर भीट हुए विनिंग शॉट यहाँ पे आया है बाइक के जरिए चौका हवा में थी ओवर द टॉप शॉट खेलने का प्रयास लेकिन गैप मिला है स्वीपर कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में गैप था उसे ढूंढ निकाला और चौका कमाल का शॉट सीधे बल्ले से बेहतरीन एक खूबसूरत अंदाज में मैक्सिमम जड़ा एक्शन रिप्ले में जब आप इस शॉट को बाहर गेंद थी बाहरी किनारा लगा है और अच्छी तरीके से स्वीपर कवर की दिशा में चौका बटोरा फुलटोस खराब गेंद उसे छक्के में तब्दील किया है बैड डिलीवरी बिल्कुल खराब गेंद थी प्लेड ऑन इन साइड सीधी विकटों के ऊपर जाके टकराई वापसी पहली गेंद के ऊपर ऊंचा शॉट उठाया है हवा में ज्यादा है लेकिन ज्यादा उतना मसला होगा नहीं क्योंकि पावर प्ले चल रहा है तो मात्र वो सर्किल सौड ये कड़क है पूरी ताकत के साथ खेला गया सौड अच्छी तरीके से जब पुल वहां पे खेला नजरों के नीचे में फिल्डर वहां पे लेकिन देव बने गए दर्शक अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया गया ऊंचे लो ये अच्छी गेंद थी वहां पे पैरों के ऊपर मेरे ख्याल से टकराई है और लेग की दिशा में चौका मिला सीधा शॉट और फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं होगा क्योंकि अच्छा एरिया सेफ एरिया वहां पे चुना है एक ये। सो अभी भी जारी है एक और बढ़िया शॉट सामने की दिशा में एक और चौका बैक टू बैक बाउंड्री सीधे तीर जैसे कड़क शॉट हेलीकॉप्टर शॉट फील्डर वहां पे दूर निकाला कोई गलती नहीं की जीतने वहां पे विकेट आया है मानव को कड़क शॉट पहली गेंद के ऊपर करारा प्रहार छह रन का इशारा अंपायर के द्वारा ये भी स्टैंड एंड डिलीवर हर्स के द्वारा खड़े खड़े शॉर्ट को खेला दूसरा मैक्सिमम इस ओवर का आया है ओके पर गेंद ही हल्के हाथों से वहां पे सहलाया है फील्डर उसके पीछे भागेगे लेकिन मात्र गेंद को उठाने के लिए जाएंगे ताकत भी है इनके पास धीमी गति की लो फुल टॉस गेंद क्रॉस बैटेड वहां पे शॉर्ट खेला गया और वन बाउंस चौका मिड विकेट की दिशा में पहले चौका हवा में इस बार ऊंची उठ गई है मौका बना है और कैच वहां केविन ड्रॉप चांस पहुंच एटी वन इक्यासी और अब एटी सेवन सतासी रन कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे इस ओवर को फिर भी और महंगा बनाने का इस बारेक्स्टम के बाहर ट्रैवल कर रही थी इस बार घूमी नहीं गेंद सीधी निकल गई और अतिरिक्त गेंद में इसका समावेश किया गया लेग स्टम्प के बाहर और ये काफी करीब से गुजरी थी विकेट के काफी नजदीक से गई थी मौका था खराब गेंद फुल टॉस गेंद ये उसे वहां पे जी माफ कीजिएगा चौदह गेंदों में वो साझेदारी बनी है हवा में ऊंची है फिल्डर उसके नीचे लेकिन अक्सर वहां पे तैनात थे इन जमीन के सामान डाउन द ग्राउंड शॉट फील्डर वहां पे तैनात है लेकिन चौका मिला चार रन वहां पे प्राप्त किए गए इस बार थोड़ा हट के रूम बनाया स्वीपर कवर की दिशा में फील्डर वहां पे और गलती की फ्लिक किया है पैरों के ऊपर गेंद थी वहां पे गेंद जाएगी फाइन लेग दिशा में चौका मिला मात्र उसे फुलटोस गेंद मिली और फील्डर देव दे वहां पे तैनात आखिरी गेंद के ऊपर राज का विकेट अच्छा शॉर्ट यहां पे खेला गया है और बहुत ही अच्छा शॉट वहां पे चौका मिला बिल्कुल जमीन के समान अंतर डाउन द दा ग्राउंड ये शॉट पूरी ताकत के स्टैंड एंड डिलीवर खड़े खड़े शॉट को खेला है और वो लंबाई भी मिली है ऊंचाई भी मिली वो दूरी भी प्राप्त की है एक नए बल्लेबाज के रूप में जीता है जीता है जीत चले गए किनारा लग गया हवा में ऊंची है कैच का मौका है और फील्डर वहां पे मानव फील्डर वहां पे मानव कड़क शॉट है कलाइयों के साथ फ्लिक किया है सामने की दिशा में मैक्सिमम जड़ा गया है ताकत इस शॉट के ये शॉर्ट हवा में ज्यादा ऊंचा उठ गया है फील्डर इंटरेस्टेड और अच्छा कैच वहां पे लिया गया अच्छा शॉट है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर वहां पे तैनात है खेला और छह रन मिल गए स्क्वायर लेग का फील्डर दर्शक बन के पे मौका था विकेट कीपर के पास कैच हो सकता था विकेट का मौका बना था छठा विकेट गिर सकता था लेकिन इनसाइड आउट खेलने का प्रयास हवा में ऊंची उठ गई अमित अच्छे फील्डर वो गलती करेंगे नहीं अच्छा। जगह बनाई अपने आप के लिए हवा में खेले है फील्डर वहां पे तैनात देगा आसान कह इस बार फुल टॉस यहाँ पे और विकेट आएगा बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में यहां पे आठवां विकेट अभी स्ट्राइक के ऊपर और दीप नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर गेंदबाज के तौर पे ध्रुव रिवर्स स्विप के जरिए पहली गेंद के बाद चौका भटोरा ड्रीम इलेवन एक और बड़ा शॉट यहाँ पे यहां पे मिलेगा मैक्स खड़े खड़े ये बिल्कुल रडार में इनके पाले में आ गई और बल्लेबाज के पाले में तो मतलब बाउंड हवा में ऊंची उठ गया मौका विकेट कीपर के लिए आसान सा कैसे लिया गया विकेट कीपर के द्वारा शॉर्ट अच्छा है बेहतरीन है बिल्कुल रडार में थी बहुत ही बढ़िया स्टॉक स्वीप हमें नजर आया हाफ फॉलिंग एक और अच्छा शॉट एक और बड़ा शॉट एक और मैक्सिमम बैक टू बैक मैक्सिमम आए ओवर अच्छा बन रहा था प्रिंस का लेकिन उस लेकिन भाग्य का साथ गेंदबाज यश को मिला है डॉट बॉले आ रही थी उसका दबाव बना है और अभी को वापिस जाना पड़ेगा डगआउट में उन्नीस रन बने फुलटॉस गेंद को हवा में खेल बैठे फील्डर वहां पे तैनात है लेकिन ड्रॉप चांस पहुंच भी गए थे वहां पे ले। ये धीमी गति की गेंद थी पढ़ लिया था जान गए थे देव के गेंद में उंगलियां घुमाई लेंथ को पीछे खींचा है थोड़ा रिवर्स एटम के जरिए बढ़िया शॉट और एक फ्लैट मैक्सिमम यहां पे सिक्सर आया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और खराब गेंद एक और फुलटोस तीन गेंदों में तीन सिक्सर का यहां पे तीन गेंदों में तीन, तीन फुलटोस मिला है सामने पुल शॉट खेला है वन बाउंस चौका मिलेगा वहां पे देखना पड़ेगा स्टैंड एंड डिलीवरी ये तो खड़े खड़े यहां पे तो कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टैंड एंड डिलीवर शॉट देखिए शॉट के पीछे वो ताकत देखिए नाम है बल्लेबाज मैक्सिमम आएगा खड़े खड़े सीधा तीर जैसा ये तो बिल्कुल इनके रडार में फुलटोस गेंद अब इनको नहीं से कड़क है बेहतर है लेंथ को पड़ा है मैक्सिमम जड़ा है वाइड लॉन्गन के ऊपर से तीन रन पीछे हवा में है सामने की दिशा में कड़ा के बेहतर है आधा शतक बल्ला अपना हवा में इन साइड ओवर कवर यहां पे मिलेगा वन बाउंस चौका कमाल की बल्लेबाजी है और रन के साथ ही इस पारी को समाप्त करेंगे इस ओवर का पांचवा छक्का यहाँ पे हवा में ज्यादा खेल गए फिलर इंटरेस्टेड और गलती नहीं करेंगे अच्छा कैच वहाँ पे और इस बार दा ग्राउंड शॉड मिड विकेट की दिशा में चौका मिला अच्छा शॉट था ये पहली गेंद की वहां पे पहले वो वो तय कर नहीं पाए कि सीधे हाथ से लिया जाए या फिर रिवर्स कप में कैच लिया जाए वो जब तक फैसला करते गेंद आ गई नीचे ये मौका मिला कड़ाक के ये बेहतर है ये कमाल का शॉट है यहां पे तो किसी को भी संदेह कमाल का शॉट ये बहुत अच्छा खेलते ये शॉट ये जब खेलते हैं ना काफी आकर्षक लगते हैं ये बिल्कुल फुलटोस के ऊपर करारा शॉट फील्डर को दर्शक बनाया अच्छी वहां पे बल्लेबाजी इस बार अच्छा शॉट है लेकिन दुर्भाग्यशाली दुर्भाग्यपूर्ण वहां पे फिल्म शॉट अच्छा है बेहतर है बढ़िया है शॉट कड़क है कप्तान ने आगाज कर दिया है यह भी अच्छा शॉट है यहां पे भी मैक्सिमम बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन भूमि डगआउट में से सेट हो। एक और मैक्सिमम यहां पे दोनों लेफ्ट हैंडर बैटर कड़क है ये शॉट एक सबसे बेहतर इन शॉट नजर आया पैरों के ऊपर गेंद थी बल्ले कड़क है कमाल है बेहतर है वन बाउंस वन फुलटोस सी गेंद लेकिन हवा में ऊंची उठ गई है और फील्डर वहां पे तैनात किए गए थे लगातार बैक टू बैक डॉट बॉल विकेट आया है यहां पे किनारा लगा महीक्रॉस द लाइन कमाल का शॉट बिल्कुल भी वहां पे संदेह शॉट वहां पे भूमिन के बल्ले से निकला है कड़ा किए शॉड आवाज आई थी उससे पता चल गया था इस बार अच्छा शॉट मैक्सिमम यहां पे आया है अभी भी दो क्या एक और जाएगा जी हाँ तीन गेंदों में तीन सिक्सर जड़े गए और इन... क्या बल्लेबाजी है यहां पे भूमिन पटेल ये बल्लेबाजी देख लीजिए यह बल्लेबाजी कड़ा स्टैंड एंड डिलीवर है कमाल का शॉट भूमिन के बल्ले से आया है ये भी अच्छा शॉट है लेकिन वहां पे फिल्डर देव तैनात कप्तान का विकेट टॉस मिला है लंबा, हाँ लॉन्ग स्ट्रेट सीधा विक्टों का बन हिस्सा साधा रिवर्स अटम और मैक्सिमम बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ये कमाल का शॉट खेला गया है तारीफ करनी छोटी गेंद के ऊपर बेहतरीन शॉट यहां पे जड़ा है और यहां पे छे और ये ड्रीम इलेवन की टीम है कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा देव ने जहां से समाप्त किया था वहां सम्मान दिया वहां पे हाफ वॉली गेंद को बिल्कुल जमीन के समान अंतर खेला इस शॉट को पहला रन यहां पे देखा जाए एक लाइन यहां पे काउ कॉर्नर के ऊपर से बेहतरीन ये शॉट मैक्सिमम आया है इस बार इनसाइड आउट शॉट और ओवर मिड ऑफ के ऊपर से ओवर द टॉप ये शॉट खेलना वैसे चाह अच्छी गेंद है और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर फील्डर वहां पे तैनात या वहां पे गुमा जीत चुकी है एक मुकाबला हार चुकी है इस बार अच्छा कैच लिया गया मिड विकेट की दिशा में सौडम जब पुल इन साइड आउट अच्छा ओवर कवर है फील्डर वहां पे तैनात है लेकिन रोकना नामुमकिन हो जाएगा कट किया है हवा में ऊंची निकल गई है लेकिन फिर भी मैक्सिमम देके जाएगी जो एलिवेशन चाहिए था वो मिल इस बार हवा में खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद गई है सर्कल के अंदर कवर की दिशा में और ध्रुव ने से खेला पटेल, बहुत ही तरीके से रोका निश्चित तौर से चौका बचाया है अपनी टीम के लिए कदमों का इस्तेमाल हवा में ऊंची उठ गई ध्रुव वहां पे फील्डर के तौर पे तैनात कोई गलती नहीं करेंगे आसान सा कैच बना उनके लिए और वाफ प्रशंसा करनी पड़ेगी इसी बीच हवा में ऊंचा शॉट खेला गया फील्डर वहां पे तैनात किए गए थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर कोई गलती अच्छी गेंदबाजी लेकिन अच्छा शॉट वहां पे बिल्कुल रडार में आ गई गेंद में हाल इनसाइड आउट हवा में ऊंची उड़ गई एलिवेशन मिला नहीं है फील्डर वहां पे तैनात है गलती बिल्कुल भी नहीं की जाएगी मिसफील्डिंग अममान देखी नहीं जाती लेकिन अच्छी तरीके से रोका वहां पे रन आउट का मौका भी बना है वहां पे और रन आउट के जरिए खड़े खड़े शॉट देखिए कुछ भी वहां पे ज्यादा करने की जरूरत पड़ी नहीं दिलन को लेग स्टम के बाहर के वो ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी करते हैं दूर रखने का प्रयास है हवा में ऊंची उड़ गई है और फील्डर वहां पे तैनात ध्रुव खड़े थे दूसरा कैच इस बार विकेट टू विकेट बॉलिंग टॉप एच लगा विकेट कीपर के तौर पे वहां पे कोई गलती नहीं की गई पर वहां पे राउंड अस्टम सीधा शॉट बढ़िया खेला है फील्डर वहां पे तैनात थे ध्रुव लेकिन अभी तक अच्छे कैच लिए उन्होंने एक अच्छे फील्डर है वो गलती फील्डिंग वहां पे दो रन के लिए पलटवार किया गया है तीसरा रन चाहते हैं वहां पे लेकिन वो रनआउट हो जाएंगे रनआउट के जरिए अलई को वापस डाउन फिफ्टी रन उछाल के साथ कमाल का शॉट बेहतरीन तरीके से नियंत्रण के साथ कमाल रिवर्स एडम कड़क है यश के, के बल्ले से निकलने वाला इंप्रोवाइजेशन वाला कड़क के सुपर इस बार अच्छा शॉट है सामने की दिशा में फील्डर वहां पे हर्स तैनात है वहां पे ऑप्शन के बाहर कट करने का प्रयास प्रिंस के द्वारा किनारा एज लगा था मौका था विकेट का अच्छा है खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर अच्छी बल्लेबाजी कमाल का सॉड यहाँ पे ध्रुव के बल्ले से आया है दे होती है, ऐसी छोटी गेंदे पड़ जाती है और अकबर बाउंस के जरिए चौका थोड़ा आगे ज्यादा गिर गई थी वो उछाल को कंड है पूरा कड़क है ये सॉ देख लीजिए पिछला जो शॉट था ना वो बेहतर था लेकिन ये बेहतरीन है पहला मैक्सिम ये भी बढ़िया शॉट यहां पे पूरी तरीके से थोड़ा कॉम एरर था क्रिकिरोज में उसकी वजह से 40 रन और ये छक्का 46 सिक्स रन कमाल का शॉट है लेकिन फील्डर वहां पे ड्रॉप चांस ये मौका गवाया है पात्र फुल टॉस गेंद थी लेकिन विकेट विकेटकीपर बीट हुए विनिंग शॉट यहाँ पे आया है भाई के जरिए चौका हवा में थी ओवर द टॉप शॉट खेलने का प्रयास लेकिन गैप मिला है स्वीपर कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में गैप था उसे ढूंढ निकाला और चौका कमाल का शॉट सीधे बल्ले से बेहतरीन एक खूबसूरत अंदाज में मैक्सिमम जड़ा एक्शन रिप्ले में जब आप इस शॉट को बाहर गेंद थी बाहरी किनारा लगा है और अच्छी तरीके से स्वीपर कवर की दिशा में चौका बटोरा फुलटोस खराब गेंद उसे छक्के में तब्दील किया है बैड डिलीवरी बिल्कुल खराब गेंद थी प्लेड ऑन इनसाइड एक लग के गेंद सीधी विकटों के ऊपर जाके टकराई वापसी पहली गेंद के ऊपर ऊंचा शॉट उठाया है हवा में ज्यादा है लेकिन ज्यादा उतना मसला होगा नहीं क्योंकि पावर प्ले चल रहा है तो मात्र वो सर ये कड़क है पूरी ताकत के साथ खेला गया सौड अच्छी तरीके से सौड आम जैपुल वहां पे खेला नजरों के नीचे हवा में फिल्डर वहां पे लेकिन देव बनेगे दर्शक अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया गया ऊंचे लंबे अच्छी गेंद थी वहां पे पैरों के ऊपर मेरे ख्याल से टकराई है और फाइनल की दिशा में चौका मिला सीधा शॉट और फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं होगा क्योंकि अच्छा एरिया सेफ एरिया वहां पे चुना है एक ये। सो अभी भी जारी है एक और बढ़िया शॉट सामने की दिशा में एक और चौका बैक टू बैक बाउंड्री सीधे तीर जैसे कड़ाक शॉट हेलीकॉप्टर शॉट फील्डर वहां पे दूर निकाला कोई गलती नहीं की जीतने वहां पे विकेट आया है मानो को कड़ाक शॉट पहली गेंद के ऊपर करारा प्रहार रन का इशारा अंपायर के द्वारा ये भी स्टैंड एंड डिलीवर हर्ष के द्वारा खड़े खड़े शॉट को खेला दूसरा मैक्सिमम इस ओवर का आया है ओके पर गेंद हल्के हाथों से वहां पे सहलाया है फील्डर उसके पीछे भागे लेकिन मात्र गेंद को उठाने के लिए जाएंगे ताकत भी है इनके पास धीमी गति की लो फुल टॉस के इन क्रॉस बैटेड वहां पे शॉट खेला गया और वन बाउंस चौका मिड विकेट की दिशा में पहले हवा में इस बार ऊंची उठ गई है मौका बना है और कैच वहां पे केविन ड्रॉप चांस पहुंच 81 81 और अब 87 87 रन कमाल की बल्लेबाजी यहां पे इस ओवर को फिर भी और महंगा बनाने के इस बार लेक्स्टम के बाहर ट्रैवल कर रही थी इस बार घूमी नहीं गेंद सीधी निकल गई और अतिरिक्त गेंद में इसका समाविष्ट किया गया लेक्स्टम के बाहर और ये काफी करीब से गुजरी थी विकेट के काफी नजदीक से गई थी मौका था खराब गेंद फुलटोस गेंद ये उसे वहां पे जी माफ कीजिएगा चौदह गेंदों में वो साझेदारी बनी है हवा में ऊंची है फिल्डर उसके नीचे लेकिन अक्सर वहां पे तैनात थे इन जमीन के सामान डाउन द ग्राउंड शॉर्ट फिल्डर वहां पे तैनात है और लेकिन चौका मिला चार रन वहां पे प्राप्त किए गए अच्छा इस बार थोड़ा हट के रूम बनाया स्वीपर कवर की दिशा में फिल्डर वहां पे और गलती की फ्लिक किया है पैरों के ऊपर गेंद थी वहां पे गेंद जाएगी फाइन लेग दिशा में चौका मिला मात्र गेंद मिली और वहां पे तैनात आखिरी गेंद के ऊपर राज का विकेट अच्छा शॉट यहाँ पे खेला गया है और बहुत ही अच्छा शॉट वहां पे चौका मिला बिल्कुल जमीन के समान अंतर डाउन द दा ग्राउंड ये शॉट पूरी ताकत के स्टैंड शॉट को खेला है और वो लंबाई भी मिली है ऊंचाई भी मिली वो दूरी भी प्राप्त की है नए बल्लेबाज के रूप में जीत आए जीत आए जीत चले गए किनारा लग गया हवा में ऊंची है कैच का मौका है और फील्डर वहां पे मानव फील्डर वहां पे मानव कड़क शॉट है कलाइयों के साथ फ्लिक किया है सामने की दिशा में मैक्सिमम जड़ा गया है ताकत के ये शॉट हवा में ज्यादा ऊंचा उठ गया है फिल्डर इंटरेस्टेड और अच्छा कैच वहां पे लिया गया अच्छा शॉट है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर फिल्डर वहां पे तैनात है आसान कैच बना खड़े खड़े यहाँ पे शॉट आम जेप हवा में खेला और छह रन मिल गए स्क्वायर लेग का फील्डर दर्शक बनकर मौका था विकेट कीपर के पास कैच हो सकता था विकेट का मौका बना था छठा विकेट गिर सकता था लेकिन इनसाइड आउट खेलने का प्रयास हवा में ऊंची उठ गई अमीत अच्छे फील्डर वो गलती करेंगे नहीं अच्छा जगह बनाई अपने आप के लिए हवा में खेले हैं फील्डर वहां पे तैनात है आसान कैसे इस बार फुल टॉस यहां पे और विकेट आएगा बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में यहां पे आठवां विकेट स्ट्राइक के ऊपर और दीप नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर गेंदबाज के तौर पे ध्रुव रिवर स्विप के जरिए पहली गेंद के बाद चौका बटोरा ड्रीम इलेवन एक और बड़ा शॉट यहाँ पे यहां पे मिलेगा मैक्स खड़े खड़े ये बिल्कुल रडार में इनके पाले में आ गई और बल्लेबाज के पाले में तो मतलब बाउंड हवा में ऊंची उठ गई है मौका विकेट कीपर के लिए आसान सा कैच लिया गया विकेट कीपर के द्वारा शॉट अच्छा है बेहतरीन है बिल्कुल रडार में थी बहुत ही बढ़िया स्लॉक स्वीप हमें नजर आया हाफ वॉलिंग एक और अच्छा शॉट एक और बड़ा शॉट एक और मैक्सिमम बैक टू बैक मैक्सिमम आए ओवर अच्छा बन रहा था प्रिंस का लेकिन उस लेकिन भाग्य का साथ गेंदबाज यश को मिला है डॉट बॉल आ रही थी उसका दबाव बना है और अभी को वापस जाना पड़ेगा डगआउट में 19 रन बने फुल टॉस गेंद को हवा में खेल बैठे फील्डर वहां पे है लेकिन ड्रॉप चांस पहुंच भी गए थे वहां की गेंद थी पढ़ लिया था जान गए थे देव के गेंद में उंगलियां घुमाई लेंथ को पीछे खींचा है थोड़ा रिवर्स एटम के जरिए बढ़िया शॉट और एक फ्लैट मैक्सिमम यहां पे सिक्सर आया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और खराब गेंद एक और फुलटोस तीन गेंदों में तीन सिक्सर का यहां पे, तीन गेंदों में तीन, तीन फुलटोस मिला है सामने पुल शॉट खेला है वन बाउंस चौका मिलेगा वहां पे, देखना पड़ेगा स्टैंड एंड डिलीवर ये तो खड़े खड़े यहां पे तो कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टैंड एंड डिलीवर यह शॉट देखिए शॉट के पीछे वो ताकत देखिए नाम है बल्लेबाज मैक्सिमम आएगा खड़े खड़े सीधा तीर जैसा ये तो बिल्कुल इनके रडार में फुलटोस गेंद अब इनको देना ही कड़ा खे बेहतर है लेंथ को पड़ा है मैक्सिमम जड़ा है वाइड लॉन्गन के ऊपर से तीन रन पीछे हवा में है सामने की दिशा में कड़ा के है बेहतर है आधा शतक बल्ला अपना हवा में इनसाइड आउटसाइड ओवर कवर यहां पे मिलेगा वन बाउंस चौका कमाल की बल्लेबाजी है और रन के साथ ही इस पारी को समाप्त करेंगे इस ओवर का पांचवा छक्का यहां पे हवा में ज्यादा खेल गए फिल्डर इंटरेस्टेड और गलती नहीं करेंगे अच्छा कैच दरमीन वहां पे और इस बार डाउन द दा ग्राउंड शॉट मिड विकेट की दिशा में चौका मिला है, अच्छा शॉट था ये पहली गेंद की पे पहले वो वो तय कर नहीं पाए कि सीधे हाथ से लिया जाए या फिर रिवर्स कप में कैच लिया जाए वो जब तक फैसला करते गेंद आ गई नीचे ये मौका मिला कौड़ा के ये बेहतर है ये कमाल का शॉट है यहां पे तो किसी को भी संदेश कमाल का शॉट ये बहुत अच्छा खेलते हैं ये शॉट ये जब खेलते हैं ना काफी आकर्षक लगते हैं ये बिल्कुल फुलटोस के ऊपर करारा शॉट फील्डर को दर्शक बनाया अच्छी वहां पे बल्लेबाजी और ये लीग मैच का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला सादक पर पालन के बीच में साधक वन द टॉस डिसाइडेड टू फील्डिंग फर्स्ट जॉय और साहिल की जोड़ी अक्सर के हाथ में गेंद फुल टॉस गेंद थी कवर की दिशा में ये कैच हो सकता था लेकिन चौके के साथ शुरुआत यहां पे जॉय ऑफ बहुत ही बढ़िया शॉट वैसे देखा जाए खराब फुल टॉस गेंद थी और दिशा दिखाई मात्र वो गैप ढूंढा कवर और स्वीपर कवर के बीच में फील्डर वहां पे तैनात थे लेकिन उनको बीट किया पहला रन यहां पे खाते में चौका बटोरा पहली गेंद के ऊपर जय ने अपना खाता खोला ऑप्शन के बाहर दोबारा डालिए वाइट का हिस्सा रहा सो वाइट की मदद से पांच रन अच्छी गेंद वहां पे बिल्कुल जड़ में डाली गई संभाल के खेला वहां पे हाफ वॉली गेंद को एक रन चुराया पहली बार साहिल सामना करेंगे इस ओवर में अक्सर का रन अच्छी गेंद फ्लिक किया वहां पे शायद पैरों के ऊपर जाके गेंद टकराई लेक बाइक का सारा अतिरिक्त में चौका ये माना जाएगा और अतिरिक्त का भी खादा खुलता हुआ वाइड के साथ खुला था एक और अतिरिक्त में चौका यहां पे बढ़ता हुआ और दस रन अक्रॉस द लाइन शॉट तेज गति से खेला इन फील्डर वहां रन आउट का मौका बन सकता है और अजिया आउट के जरिए जाना पड़ेगा साहिल को वापस अच्छा पीकर थ्रो वहां पे नजर आया शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर खड़े फील्डर के द्वारा तेज गति से शॉर्ट खेला गया था शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर जय फील्डर के रूप में तैनात थे और बढ़िया पीक ऑपर थ्रो उनके द्वारा साहिल को रन आउट के जरिए जाना पड़ा दुर्भाग्य ये जरूर माना जाएगा उनका शून्य के स्कोर पे वापस जाना पड़ा है शॉट अच्छा खेला था कनेक्शन हुआ था लेकिन फील्डर के हाथ में सीधा गई थी और पहला झटका यहां पे अब दस रन के ऊपर पहला विकेट गिरता हुआ रनआउट के जरिए हर्ष नए बल्लेबाज के रूप में पालन के लिए वन इलेवन पालन दस रन एक विकेट के नुकसान पे टॉस हारने के बाद बैटिंग के ऊपर आमंत्रित किया गया साधक के द्वारा ऑप्शन के बाहर की गेंद थी फ्रंट फुट के ऊपर इनवाइट किया था थोड़ा देखते रहे फिर जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में अच्छी गेंदबाजी दस रन वैसे देखा जाए तो आ चुके हैं अभी तक कदमों का इस्तेमाल इनसाइड आउटसॉड ओवर कवर वन बाउंस चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद की रेंज तक पहुंचे हल्का सा वहां पे अपना स्टेप डाउन दिखाया कदमों का इस्तेमाल किया लेंथ को पीछे खींचा और उसे हाफ फॉलिंग में तब्दील किया चौके की मदद से चौदह रन एक विकेट के नुकसान पे पालन का स्कोर अब देव पटेल गेंदबाज के तौर पे खुद कप्तान अच्छी गेंद थी यॉर्कर गेंद थी मिस फील्डिंग जय के द्वारा अन्यथा यहाँ पे काम तमाम हो सकता था रनआउट के जरिए कि न मिस फील्डिंग हुई वहां पे रन यहाँ पे मिला है और पंद्रह रन खाता खोला हर्ष ने अपना ये अच्छी गेंद थी वहां पे ड्राइव करने का प्रयास था बल्ला जरूर ले गए वहां तक लेकिन अंत में शॉट रोका अपील की गई थी लेकिन वो विश्वास नहीं था अपील में पंद्रह रन धीमी गति से फ्लाइट दी थी और हल्के हाथों से फ्लिक किया ऑन साइड की दिशा में रन चुराया अब सिंगल की मदद से रनों में इजाफा होगा सोलह रन अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर देव के द्वारा हवा में ऊंची है उठ गई लेकिन पर्याप्त दूरी भी मिली है अच्छा शॉट वहां पर नजर आया कमाल का शॉट था ये बिल्कुल हाफ वाली गेंद थी उसको सही तरीके से पढ़ा वहां पे एक अच्छा शॉट नजर आया मैक्सिमम में तब्दील किया और छह रन की सहायता से ट्वेंटी टू बाईस रन अच्छी गेंद वहां पे उछाल मिला पड़ने के बाद वो हल्का सा उछाल था ट्वेंटी टू बाईस रन अभी भी रन संख्या रुकी हुई स्टैंड एंड डिलीवर बेहतरीन सौर हर्ष के बल्ले से निकला हाँ फॉली गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था और लॉन्ग जो एरिया है बाउंड्री का सबसे लंबा कोण होता है मिड विकेट का कौन और उसके ऊपर से गेंद को खेला और 28 रन इस ओवर में भी 14 रन है दो ओवर के बाद 28 रन पालन का स्कोर एक विकेट के नुकसान पे बल्ले का फेस ओपन किया स्वीपर कवर की दिशा में मिसफिल की वजह से जी नहीं एक ही रन लिया गया वहां पे यस गेंदबाज के तौर पे गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे आए हैं यस ट्वेंटी नाइन रन अच्छी यॉर्कर कर थी संभाल के खेला वहाँ पे कवर की दिशा में एक रन रण अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ लिया गया और सिंगल की मदद से स्कोर कार्ड में इजाफा और रन संख्या जा पहुँची है तीस रन फ्लिक करने का प्रयास था और हाफ वॉली थी थोड़ा सफल किया था और मेरे ख्याल से शायद वहां पे महीम सा छोटा किनारा लग गया बल्ले का अच्छी गेंदबाजी विकेट टू विकेट बॉलिंग का प्रदर्शन थर्टी वन इकतीस रन राउंड अष्टम गेंदबाजी बिल्कुल रडार में सीधी विकेट विकेट डालने गए इनके पाले में आ गई बाउंड्री के हवाले में गेंद चली गई छे रन एक और बड़ा शॉट यहां पे मिड विकेट के ऊपर से और छह रन की मदद से थर्टी सेवन सड़तीस रन रन संख्या पहुंचती हुई अब महज मात्र तीसरा ओवर है प्रगति पर ये यह भी ओवर महंगा बन रहा है पहले दो ओवर में जहां पे अट्ठाईस रन बने थे शोर में अभी तक नौ रन तो आ चुके हैं तो वो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पे एक बड़े टारगेट के लिए नींव रखी जा रही है जो शुरुआत में जो प्लान बनाया गया था वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है ये अच्छी गेंद थी लेंथ को पीछे खींचा हल्का सा चेंज ऑफ पेस भी किया और पढ़ने के बाद थोड़ा घुमाव दिखा था थर्टी सेवन सड़तीस रन बैक टू बैक डॉट बॉल यहां पे आई है और, और समाप्त किया गया है ओवर के बाद सड़तीस रन एक विकेट के नुकसान में नौ रन आए इस यास के पिछले ओवर में जीता है अब गेंदबाजी का आभार संभालेंगे चौथा ओवर आएंगे कॉमेंट्री बॉक्स एंड से जीत फुलटोस थी हवा में ऊंची उठ गई है फील्डर वहां पे देव तैनात थे कोई गलती नहीं की गई उनके द्वारा यहां पे जीत आए अपने सात विकेट लेके आए हैं। वापस जाना पड़ेगा जय को डग में वैसे गेंद उतनी ठीक नहीं, नहीं थी फुलटोस थी लेकिन भाग्या का साथ यहाँ पे मिला है गेंदबाज को और जय के खाते में बारह रन और वापस जाना पड़ेगा डगआउट में उनको पहला यहाँ पे दूसरा विकेट सड़तीस रनों के बाद दूसरा विकेट गिरता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में अच्छा पहली गेंद के ऊपर फिल्डर को वहां पे दर्शक बना के रख दिया केविन वहां पे खड़े थे उनके ऊपर से गेंद निकल गई पहली गेंद के ऊपर आगाज किया है बेहतरीन अंदाज है खाता खोल लेगा यश पटेल का पहली गेंद पे आए और अपना जो इंटेंशन है उन्होंने क्लियर कर दिया दूसरी गेंद के ऊपर उंगलियां घुमाई लेकिन ज्यादा बाहर चली गई वाइड का इशारा जीत पटेल वैसे वो लेग ब्रेक अंदाज में गेंद डिलीवर करना पसंद करते हैं लेकिन कई कबार ज़्यादा बाहर निकल जाती है 44 रन छोटी पटकी हुई गेंद डालने के प्रयास में दिशा से भटके बैक टू बैक वाइड यहाँ पे 45 रन इस बार हटके खेलने का प्रयास एक और वाइड बैक टू बैक तीन वाइड ब्रेक के अंदाज में डालने का प्रयास लगातार कर रहे उसकी वजह से वो डायरेक्शन गलत हो रहा है फिर से यहां पे बाहर निकल गई पढ़ने के बाद एक और वाइड आई है लगातार चौथा ये वाइड है किनारा लगा है लेकिन अब वहां पे गली के पोजिशन में कोई फील्डर नहीं है गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए खेलना कहीं और चाहते थे कवर की दिशा में लेकिन गेंद गई है वो गली थर्ड मैन की दिशा में लेकिन चौका फिर भी मिला वहां पे और इस चौके की मदद से पचास के पार स्कोर फिफ्टी वन इक्यावन रन अच्छी बल्लेबाजी यहां पे यह अच्छी कर गेंद थी खोद के निकाला थोड़ा हटके रूम बनाया अपने आप के लिए और इस सिंगल की सहायता से फिफ्टी टू बावन रन थोड़ा लंबा ओवर ये गुजरा क्योंकि चार वाइड ऑलरेडी आ चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर अब आए हैं हर्ष अच्छी पारी खेल रहे फुलटोस थी लेकिन आसान सा कॉटन बोल्ड कुछ भी वहां पे समझ नहीं आया फुल गेंद थी उंगलियां घुमाई थी जल्दी खेल गए शॉट अपना जल्दी अटेम्प कर गए वहां पे हर्ष उसकी वजह से वो टॉप एज लग गया आसान सा कोट एंड बॉल वहां पे अपने फॉलो थ्रू में को एक आसान कैच लिया गया और वीकेंड नंबर यहाँ पे तीसरा बाउन के ऊपर तीसरा विकेट गिरता हुआ पालन का इस बार हल्के हाथों से बल्ले का फेस ओपन करके खेला है पहला रन यहां पे विकेंड आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में जिन्होंने पहली गेंद के बरन चुराया ओवर की समाप्ति और इस सिंगल की मदद से 53 थ्री तेपन रन चार ओवर के बाद तीन विकेट के नुकसान पे चार ओवर के बाद अब एंड यहां पे चेंज किया जाएगा और फार्म एंड से अब गेंदबाजी की जाएगी तेपन रन यस yes, अब गेंदबाज के तौर पे अच्छी गेंद थी पढ़ने के बाद थोड़ी अंदर की ओर आई थी और फील्डर वहां पे तैनात है अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट दो रन वहां पे ले लिए बढ़िया तालमेल वहां पे दोनों के बीच में और दबाव बनाया वैसे देखा जाए फील्डर के ऊपर दो रन की सहायता से फिफ्टी फाइव रन पांचवा ओवर है प्रगति ओवर फार्म एंड से गेंदबाजी की शुरुआत की गई है अब आने वाले चार ओवर उसी एंड से गेंदबाजी करेंगे अच्छी गेंद थी बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में डाली गई यॉर्कर थी वाइड यॉर्कर 55 पचपन रन अभी भी स्कोर कार्ड में रन संख्या रुकी हुई फुल टॉस थी तेज गति से शॉट खेला गया स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर तैनात जब तक उठा दे वापस दे दे गेंद आसानी से एक रन मिला और इस सिंगल की मदद से 56 56 छप्पन रन

वहां पे विकेट कीपर के लिए एक अच्छा कैच वहां टॉप एज लग गया उछाल वाली गेंद थी पड़ने के बाद गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ा हार्डलैंड गेंद थी और संभाल नहीं पाए उसे जैप करने के प्रयास में एक विकेट अपना गवा बैठे यहां पे और यहां पे विकेट आया है यश बने हैं यश का शिकार एक और विकेट 56 छप्पन के ऊपर चौथा विकेट गिरा है चौथा विकेट गिरता हुआ छप्पन इस बार्म के बाहर गेंद थी और वाइड का इशारा अंपायर जय का इशारा गौरांग नए बल्लेबाज के रूप में कमाल की गेंद वहां पे जड़ में डाली गई फैमिली ओवर की समाप्ति सत्तावन रन पांच ओवर की समाप्ति के बाद सत्तावन रन चार विकेट के नुकसान पे यहां पे वाणी इलेवन पालन जहाँ पे टॉस वैसे साधक पर ने जीता था आमंत्रित किया उनको बल्लेबाजी करने के लिए पांच ओवर में अभी तक देखा जाए तो रन रेट अच्छा चल रहा है अच्छी गति के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है फुल टॉस के यहाँ पे और ऑन साइड के ऊपर फील्डर तैनात है डीप में एक रन आसानी से मिल जाएगा गौरांग स्ट्राइक के ऊपर फिफ्टी एट अट्ठावन रन फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन लॉन्ग लेग अब डीप में खड़ा है स्क्वायर लेग डीप में एक फील्डर मिड विकेट की दिशा में एक वाइड लॉन्ग ऑन बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी लॉन्ग लेग लगाया गया तो वहां पे फॉलो किया बल्लेबाज गौरांग को पैरों के ऊपर गेंद थी वहां पे स्पॉट को पिक करने का प्रयास कि वो डॉट बॉल में तब्दील हो गया अच्छी गेंदबाजी यहां पर जीत के द्वारा इस बात सोडाम जब पोल नजरों के नीचे जमीन के समान अंतर स्ट्रोक अच्छा थ्रो वहां पर जय के द्वारा एक ही रन मात्र लेने का मौका दिया दोनों बल्लेबाजों को और फिफ्टी नाइन रन इस एक रन की सहायता से शॉर्ट अच्छा है वैसे देखा जाए तो खेलना सीधा चाहते थे लेकिन गेंद का दिशा में गई देव वहां पे फील्डर के तौर पे मौजूद है एक ही रन का मौका मिला है अच्छी गेंदबाजी जीत के द्वारा ये कनेक्शन अच्छा हुआ है गैप मिला है लॉन्ग लेग स्क्वेल लेग के बीच में चौका का आए जो चाहते थे वही हुआ है यहाँ पे इस दिशा में कई प्रयास कर रहे थे लेकिन इस बार चौका मिला है तेज गति से वहां पर बल्ला चलाया था गौरांग ने कनेक्शन थोड़ा मिस टाइम हुआ लेकिन फिर भी गैप अच्छी तरीके से मिल गया चौके की मदद से 64 फोर चौसठ रन इस बार फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास लेकिन यहां पे गेंद में थोड़ा परिवर्तन किया था लेंथ को पीछे खींचा था और हल्का परिवर्तन गति में था एक रन के साथ ओवर की समाप्ति 65 फाइव पैंसठ रन ओवर की समाप्ति के बाद चार विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंदबाजी आए हैं गेंदबाजी के ऊपर और गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे आए हैं और वैसे अमूमा पावर प्ले में या तो पहले हाफ में गेंदबाजी करना पसंद करते हैं लेकिन आज थोड़ी अलग सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे है कड़क है बेहतर है स्टैंड एंड डिलीवर है कमाल का ये शॉट निकला यहाँ पे बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच पढ़ लिया था यहाँ पे गौरांग जान गए थे कि देव यहां पे उंगलियां घुमाएंगे चेंज ऑफ पेस करेंगे इसकी वजह से इंतजार करते रहे फिर अंत में अपना बल्ला निकाला वो तेज गति से निकाला और एक अच्छा मैक्सिमम ऊंचाई भी मिली और लंबाई भी मिली सीधा टेंट के ऊपर जाके गेंद सेवेंटी वन बड़ा शॉट उठाना चाहते थे लेकिन इंतजार करना पड़ा रुक के आई थोड़ा गेंद पल्ला जल्दी चल गया था लेकिन एक अच्छा यहाँ पे छोटा लिटल केमियो खेल रहे अच्छा नॉक अभी तक या अच्छी वापसी देव के द्वारा बिल्कुल जड़ में डाली रन वहाँ पे एक मिला है लेक बाई के जरिए सेवेंटी टू बहत्तर रन लो फुलटॉस गेंद कॉर्नर की दिशा में अक्सर को बीट किया है 76, रन, अच्छा है ये, लो फुल टॉस गेंद थी उसे क्रॉस बैटेड वो लॉक स्वीप के जरिए खेला और एक अच्छा शॉट कॉर्नर मिड विकेट के बीच में चौका बटोरा इस चौके की मदद से 76 सिक्स चौहत्तर रन चार विकेट के नुकसान पे सात ओवर की समाप्ति के बाद लो फुल टॉस गेंद उसके ऊपर अच्छा शॉट बेहतरीन शॉट इस बार पूरे छह रन मिले हैं अच्छा शॉट यह गौरांग के द्वारा अच्छी पारी गौरांग के द्वारा हो रही है गेंदबाज अक्सर आए लेकिन उनके अक्सरों को अच्छी तरीके से पढ़ा है गौरांग ने एटी टू बयासी रन अच्छी गेंद यॉर्कर वाइड यॉर्कर ये कठिन सवाल पूछा गया अक्सर के द्वारा छह रन आने के बाद एक अच्छा कम बैक मानूंगा गेंदबाज की ओर से बयासी एटी टू रन इस बार अच्छा शॉट है इनसाइड आउट कवर की दिशा में ओवर कवर ओवर द टॉप बेहतरीन शॉट वाइड यॉर्कर यहां पे भी, भी तलाश कर रहे थे लेकिन इस बार जान गए थे वो बैकफुट पे पहले से ही चले गए थे वहां से क्रिस की गहराई का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बटोर लिया चौका अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हो रही है और इस साझेदारी की वजह से एक अच्छा टारगेट मिल सकता है फिर से वहीं शॉट खेलने का प्रयास लेकिन इस बार पिछली गेंद के ऊपर थोड़ा रूम था यहाँ पे शरीर के करीब से मतलब स्टम्प के नजदीक से गेंद डाली थी उसकी वजह से वो रूम कट गया फिर से वही प्रयास ऑपस्टम के बाहर सफल करके वाइड का इशारा थोड़े नाखुश जरूर गेंदबाज वहां पे फैसले से लेकिन वाइड करार दी गई है इकतीस रनों की साझेदारी हो चुकी है अब तक ये अच्छी गेंद लगातार वाइड और करके के जरिए फंसा के रखा है मैक्सिमम मैक्सिमम यहां पे बहुत ही बढ़िया शॉट नजर आया खराब गेंद थी फुलटोस डाल बैठे इनके रडार में आ गई गौरांग ने बहुत ही बढ़िया फिनिश किया इस पारी को और अब अंत में आठ ओवर के बाद नाइनटी थ्री तिरानवे रन बने अट्ठाईस रनों की नाबाद पारी गौरांग ने खेली सोलह गेंदों का मात्र सामना किया और अब चौरानवे रन बनाने पड़ेंगे यहां पे जय पाटीदार साधक पन्न वैसे देखा जाए टॉस जीता फील्डिंग का फैसला किया आमंत्रित किया पालन को क्या पहले बैटिंग कीजिए और 93 रन बनाए गए हैं यहाँ पे पालन के द्वारा अब सामने सादकपुर को चौरानवे रन बनाने पड़ेंगे 48 गेंदों में तो ये आखिरी लीग मुकाबला है देखना पड़ेगा ये आखिरी आखिरी लीग में कौन सी टीम विजेता बन के आगे आएगी ये सवाल का जवाब है वो ढूंढेंगे कुछ ही देर में ये जवाब हम वहां पे शायद पैरों के ऊपर जाके गेंद टकराई लेक बाई का इशारा अतिरिक्त में चौका ये माना जाएगा और का। अक्रॉस द लाइन शॉट तेज गजी खेला है, रनआउट का मौका बन सकता है कदमों का इस्तेमाल इन साइड आउट ओवर कवर वन बाउंस चौका एक्स्ट्रा कवर लेकिन पर्याप्त दूरी भी मिली है अच्छा शॉट वहां पर नजर आया कमाल का शॉट था ये बिल्कुल हाफ वॉली गेंद थी ये स्टैंड एंड डिलीवर बेहतरीन शॉट हर्ष के बल्ले से निकला है हाफ वॉली गेंद को बहुत ही बढ़िया बिल्कुल रडार में सीधी विकेट विकेट डालने गए इनके पाले में जय जिन्होंने गेंदबाजी का भार संभाला विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम फार्म एंड चौरानवे रनों के जवाब में यहां पे सलामी जोड़ी उतरी है जॉय और कोस के रूप में ऑप्शम के बाहर रूम था जगह पे से खड़े खड़े वो बल्ला वहां पे धकेला जरूर उन्होंने थोड़ा सफल करने की जरूरत थी वहां पे पावर प्ले पहले दोवर रहेगा छोटी गेंद पटकी हुई गेंद करारा पुल शॉट हवा में फिल्डर उसके नीचे आसान कैच लिया गया पहला झट्टा स्कूनिया के स्कोर पे यहां पे जीरो के ऊपर पहला विकेट गिरता हुआ तो एक छोटी गेंद थी वेल डायरेक्टेड बाउंस जरूर कहा जाएगा डायरेक्शन थोड़ा लेग स्टम के बाहर जा रहा था लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी लेकिन जैसे बल्ला चला था ना बिल्कुल हवा में चला था उसी वजह से ज़्यादा गेंद हवा में उठ गई और निर्भय वहाँ पे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर तैनात थे उन्होंने अच्छा कैच लिया पहला झटका शून्य के स्कोर पे नए बल्लेबाज खुद कप्तान देव वन डाउन पोजीशन के ऊपर पहली गेंद को कलाइयों के सारे बल्ले का फेस ओपन करके मोड़ा है थर्ड मैन की दिशा में चौका बटोरा है नजाकत वाला चौका ये प्लेसमेंट और टाइमिंग वाला चौका और खाता खोलने वाला ये चौका चार रन के साथ यहाँ पे चौरानवे रनों की मंजिल के रास्ते के ऊपर निकल चुकी है साधक पर ऑन द वे टू चेजिंग डाउन नाइनटी फोर रन लेग स्टम के बाहर इस बार काफी लंबा वाइड इस बार संभाल के खेला हाफ वॉली गेन को जेंटली पुश वहां पे इंटेंशनली प्ले विथ सॉफ्ट हैंड क्योंकि एक ही रन लेना चाहते थे सिंगल की मदद से छह रन उछाल मिला था कूस को कट करने का प्रयास था उनके द्वारा लेकिन वो डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति छह रन पहले ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पे कड़क बेहतर कमाल का शॉट देव ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज है इनकी रेंज हिटिंग थोड़ी लंबी है और ऑप्शन के बाहर से गेंद को ये खींच के लपेट के वो घसीटना जानते मिड विकेट के ऊपर से अब एक्शन रिप्ले में देख पाएंगे वहां पे बढ़िया शॉट नजर आएगा कि जो लेंथ को वहां पे उन्होंने पड़ा है ना वो कमाल था ये देखिए नजाकत ये प्लेसमेंट देखिए ये सेंसिबिलिटी है ये ये इनके अंदर वो क्रिकेट का वो सेंस है वो जानते बड़ा शॉट आ चुका है स्ट्राइक रोटेशन अच्छी एक पॉलिसी मानी जाती है इस बार तेज डाली थी वैसे इंडेक्स फिंगर घुमाते हैं, स्पिन डालते हैं वहां पे, ऑफ स्पिन के अंदाज में डालते हैं, लेकिन कई कबार वो सीधी डाल देते हैं अपर कार्ड हवा में ऊंची उठ गई जहां से गेंद उठी वहां से खेल दिया फील्डर वहां पे तैनात है जब तक फील्डिंग करेंगे दो रन तो आसानी से उसके खाते में जोड़े जाएंगे और टीम के खाते में भी दो रन जुड़ेंगे पंद्रह रन नजर आएंगे स्कोर कार्ड में रन संख्या एक विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद अच्छी वापसी यहां पे साहिल के द्वारा आखिरी गेंद बची है पावर प्ले की कमाल का शॉट बढ़िया शॉट पावर प्ले को अच्छी तरीके से समाप्त किया है चौके के साथ ओवर को समाप्त किया 19 रन दो ओवर की समाप्ति के बाद चौरानवे रनों के जवाब में 75 रन चाहिए आने वाली 36 गेंदों के ऊपर गेंदबाजी बिल्कुल जड़ में डॉट बॉल के साथ शुरुआत यहां पे स्टैंड डिलीवर कमाल का शॉट खड़े खड़े यह बिल्कुल एक्शन रिप्ले था पिछले जो ओवर में इन्होंने जो एक शॉट जड़ा था ना इसी दिशा में इसी गेंद के ऊपर उसका बिल्कुल रिहर्सल उसका कट कॉपी और पेस्ट कर दिया आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में ये लंबाई भी मिली ऊंचाई भी मिली लेंथ जहां से पड़ा गेंद वहां से उसको उठा लिया अच्छा शॉट है ये ये वेलकम मैक्सिमम है ये आत्मविश्वास वाला शॉट है 25 रन हल्के हाथों से इस बार थोड़ी गेंद में गति कम की और वो उछाल का अभाव भी लगा वैसे उछाल पर्याप्त था लेकिन देव की हाइट के मुताबिक वो उछाल कम था 26 रन हवा में ऊंची उठ गई टॉप एच विकेट के पर इंटरेस्टेड आसान कैच बना वहां पे जाना पड़ेगा कुछ को वापिस डगाउट के रास्ते में झटका यहां पे दूसरा 26 के ऊपर दूसरा विकेट गिरता हुआ और विकेट कीपर ने एक आसान कैच लिया कुस के खाते में बने हैं छः रन छः गेंदों का छः रन बनाए उन्होंने और पांच गेंदों का सामना किया छब्बीस रन दूसरे दूसरा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ दो विकेट यहाँ पे गिर चुके हैं तो चौरानवे रनों के जवाब में यहाँ पे साझेदारी बनाने की जरूरत थी लेकिन वो जो मनसा बना के आए थे पर उससे थोड़ा यहाँ पे रुकावट खड़ी की है गेंदबाज ने और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में यस आए नए बल्लेबाज के रूप में करारा शॉट है बेहतर ये आगाज है यस का ये जवाब है और खाता खोलने का यह अंदाज है छह रन की मदद और बत्तीस रन रन संख्या खड़े खड़े कुछ भी वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ी मात्र उस लेंथ को वहां से पिक करने की दरकार थी ताकत के साथ वो ही उन्होंने किया के बाहर वाइड का ही सारा वाइड का दोबारा यहां पे इशारा किया गया दो बैक टू बैक वाइड और चौंतीस रन यॉर्कर जड़ में विकेट टू विकेट बॉलिंग अच्छी गेंदबाजी ओवर की समाप्ति तीन ओवर के बाद चौंतीस रन दो विकेट के नुकसान हुए जय पाटीदार साधकपुर हल्के हाथों से इस बार प्लेसमेंट किया है फील्डर है स्वीपर कवर की दिशा में और इस सिंगल की सहायता से 35 रन माफ कीजिएगा 36 रन और अच्छी गेंद वहां पे वल्ले के करीब से गुजरी थी ये वैसे देखा जाए ना इनसाइड आउट वाली ये गेंद थी लेकिन उसे उस लॉक करने का प्रयास किया गया क्योंकि स्टांस थोड़ा एक्रॉस चला गया था छत्तीस रन फिर से वही मसला फिर से वही प्रयास फ्रंट फुट बिल्कुल क्लियर कर देते हैं स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है वाइड यॉर्कर के ऊपर मतलब इनसाइड आउट सॉट खेलने का जो वो गेंद है ना उसको आप स्लॉक करने का प्रयास करते हैं परिणाम शून्य मिलता है इसकी वजह से इस बार लेंथ को पीछे खींचा गलती कर गए आगे गेंद डाल रहे थे डॉट बॉल आ रही थी वहीं तो चाहते थे देव के ऊपर आप डालो तो मेरे रडार में आ जाएगी और छे रन की मदद से डिपोजिट किया उसे सामने फार्म में और छे रन की मदद से फोर्टी टू बयालीस रन अच्छा शॉट अच्छा लेंथ को पड़ा और मैक्सिमम जड़ा हवा में ऊंची है और फील्डर उसके नीचे कैच वहां पे लिया गया आसान सा कैच देव का विकेट एक बड़ा विकेट कप्तान को चलता कर दिया है यहाँ पे साहिल ने और फोर्टी टू बयालीस के ऊपर तीसरा विकेट चौरानवे रनों के जवाब में फोर्टी टू रन बयालीस रन तीन विकेट के नुकसान पे हर है गेंदबाज के तौर पे लेफ्ट आर्म चाइनामैन हर्ष पटेल चाइनामैन वाली गेंद बिल्कुल जो कुलदीप यादव डालते हैं बिल्कुल उसी प्रकार की गेंद थी हल्की सी फ्लाइट प्रदान की थी वो थर्ड फिंगर का इस्तेमाल कलाइयों के सहारे फ्लाइट दी गई थी और बल्लेबाज की रडार से दूर रखा गया ताकि इन साइड आउट शॉट का मौका बने और स्लिप या तो कीपर के पास वो आसान कैच बन जाए ये प्लान में फंसाया ये जाल में फंसाया हर्ष ने अपने चौथा यहां पे झटका चौथा विकेट गिरा जय आए नए बल्लेबाज विकेट कीपर बैट्समैन इस बार अच्छी गेंद वहां पे अपेक्षा कर रहे थे कि लेफ्ट चाइना मैन है तो वो बिल्कुल शरीर की ओर आएगी गेंद लेकिन ये तो सीधी थोड़ी निकल गई कड़ा है डिलीवर ये थोड़ी पीछे डाल बैठे और ये ना ये लेफ्ट चाइना में के साथ ये होता है अगर इनका दिन होता है ना अगर लेंथ अच्छी है पकड़ लेना तो भले से भले बल्लेबाज को ये मुश्किल में डाल देते लेकिन अगर थोड़ी सी भी दिक्कत रिलीज करने में हुई ना तो ये छोटी गेंद बन जाती है या तो फिर रडार में आ जाती है खराब गेंद फुल टॉस गेंद एक और मैक्सिमम पिछला लॉन्गन के ऊपर से इस बार कॉर्नर के ऊपर से परिणाम दोनों बार मैक्सिमम मिला है ये लेफ्ट चाइना में ये दो तारी तलवार है ये आपको विकेट भी दिलाए यदि अगर ठिकाने पर नहीं गिरी तो इनकी गेंदे ठिकाने भी लगा देते हैं बल्लेबाज ये दो गेंदों के ऊपर यही हुआ है ऑप्शन के बाहर वाइड का इस सारा अपील है वहां पे लेकिन वाइड का इस सारा कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे थे लेकिन अंपायर के दिमाग में कुछ और चल रहा था उनको मालूम था कि गेंद बाहर है वाइड है उत्साह भी था विश्वास भी था लेकिन उत्साह और विश्वास अंपायर की वो कसौटी पे खड़े नहीं उतरे इस बार एक और मैक्सिमम तीसरा छक्का जेपी के पास वो ताकत है इनके पास वो क्षमता है कि ऑप्शन के बाहर डालेंगे तो वहां से भी वही नसीहत प्रदान करेंगे जो पिछली दोनों बार की थी छह रन की मदद से बासठ रन और यहां से चार विकेट गिरी है और बत्तीस रन चाहिए अठारह गेंदों में अठारह गेंदों में बत्तीस रन चाहिए कड़क है बेहतर है अक्सर भी अब तो यहाँ पे अपने नाम के सामने मैक्सिमम जोड़ चुके हैं और जेपी का ये कमाल है सामने जय खेल रहे तो उनको भी देख के अक्सर ने कहा कि चलो हम भी थोड़ा मजा लूट लेते हैं बेहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं सिक्सटी एट रन छब्बीस रन चाहिए सत्रह गेंदों में नोबल का इशारा सारा वेस्ट हाइट के ऊपर थी लेकिन नो बॉल के ऊपर रनआउट होता है ये यहाँ पे मौका बन सकता था मिसकम्युनिकेशन पूरा तालमेल का अभाव नो बॉल के ऊपर फ्री हिट मिलेगी आने वाली अगली गेंद सिक्सटी नाइन उनहत्तर रन एक और नो बॉल विकेट कीपर बीट हुए चौका मिल जाएगा फ्री हिट भी जारी रहेगी ये तो मुफ्त के रन आ रहे यहां पे तो खैरात बाटी जा रही है दोनों हाथों से मौके को यहां पे बनाया जा रहा है ये जो है ना मैच में टर्निंग पॉइंट ये पूरी तरीके से बैकफुट पे आपको धकेल देगा इस प्रकार की गेंदबाजी आप नहीं कर सकते दो बीमर गेंदे मतलब आप गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एज पर क्रिकेटिंग रूल्स एक ही बीमार अलाउड है दूसरा अलाउड नहीं है फ्री कंटिन्यू है इस बार अक्सर नाखुश है जो बड़ा शॉट चाहते थे वो उनके द्वारा आया नहीं है वीकेंड पिछली मरतबा भी मेरे ख्याल से वीकेंड ही रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे जब बीमर का मसला हुआ था लो फुलटॉस्क ऑप्सम के बाहर धीमी गति से डिलीवर किया था और वहां जेपी वो तेज गति से खेलना उनको पसंद है इस बार बढ़िया तरीके से शॉट को खेला है और एक अच्छा शॉट वहां पे डीप पे नजर आया अच्छी गेंदी वहां पे बीट हुए चेंज ऑफ पेस में फंसाया और सेवेंटी सिक्स ये महंगा ओवर बन रहा है छौहत्तर रन कड़क कमाल अक्सर के बल्ले से सुनहरा यहाँ पे एक इतिहास लिखा जाएगा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे अक्सर के द्वारा सही मौके पे ऊपर ये पारी आई है बारह रन चाहिए जीतने के लिए बारह गेंदों में एट्टी टू बयासी रन बने हैं टू बयासी रन अभी भी बारह रनों की जरूरत है ग्यारह गेंदे बची है किनारा किनारा यहां पे जेपी को जाना पड़ेगा कहानी में ट्विस्ट आया है यही तलाश थी यहाँ पे पालन यही चाहती थी कि एक कदा विकेट गिरे कुछ कहानी में बदलाव आए लड़ने लाए कुछ परिस्थितियां कोई गेंदबाज खड़ी करे वो काम हर्ष ने किया है लेफ्ट आर्म चाइना मैन बीन वर्क फॉर पालन एक और विकेट गिरा है पांचवा झटका पांचवा विकेट बयासी के ऊपर दस गेंदों में बारह रन चाहिए नए बल्लेबाज के रूप में जीत दस गेंदे बचिए बारह रन चाहिए इस बार बैकफुट पे गए उतनी जगह थी नहीं शॉट आप जैब अक्सर स्ट्राइक के ऊपर जो चाहते थे उनके कप्तान कि अक्सर स्ट्राइक के ऊपर आए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे छह गेंदों में तेरह रन के ऊपर खेल रहे दो मैक्सिमम जड़ चुके हैं उनका वहां पे रहना काफी जरूरी होगा अगर इस मैच को जीत के साथ समाप्त करना है साधक पर को अक्सर का रहना जरूरी है शॉर्ट अच्छा है फिल्डर वहां पे तैनात जस्ट फॉर फ्रॉम फिल्डर थोड़ा आगे गिरी एक रन चुराया अच्छी गेंदबाजी ओवर में पहली चार गेंदों पे अभी तक मात्र दो ही रन आए हैं और दस रन चाहिए अभी भी आठ गेंदों में सात गेंदों में दस रन चाहिए कमाल की गेंदबाजी है भाई अच्छी कप्तानी में मानूंगा जहां पे पहले ओवर में बीस रन आए थे हर्ष के उनके साथ गए वापस कप्तान उनको भरोसा था इनके ऊपर छोटी खराब गेंद भरोसे को थोड़ी देर के लिए तोड़ा है क्योंकि अच्छा ओवर गुजर रहा था एक अच्छी गेंद की जरूरत थी लेकिन यहां पे एक बड़े शॉट की जरूरत थी वो आया जीत के बल्ले से अब चार रन चाहिए आखिरी छह गेंदे है चार रन चाहिए एक गेंद वो गलती कर गए इनसाइड आउट शॉर्ट शॉट अच्छा है फील्डर वहां पे कहानी में फिर से बदलाव कहानी में यहां पे चेंज आएगा पांच गेंदों में चार रन चाहिए अक्सर को वापस जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी हवा में खेलने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी क्योंकि छह गेंदे थी चार रन चाहिए थे छह गेंदों में चौदह रन नहीं चाहिए थे ये गलती कर गए अक्सर मेरे ख्याल से यश ने एक बढ़िया कैच लिया वहां पर डीप में अपनी नजरें बनाई रखी वहां पे उन्होंने पांच गेंदों में चार रन चाहिए नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में इनसाइड आउट लेकिन हवा में स्वीपर कवर की दिशा में गेंद गई है एक रन चुराया है तीन रन चाहिए चार गेंदे बची है तीन रन चाहिए अच्छी गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में विकेंड के द्वारा बॉल चाहिए यहां पे दो लेकिन सामने तीन रन बचाने हैं अच्छी गेंद थी ऑप्शन के बाहर बढ़िया तरीके से डिलीवर की गई वाइड यॉर्कर कर यहां पे निकाली है यहां पे तीन रन चाहिए तीन गेंदे बची है तीन रन चाहिए फ्लिक किया है पैरों के ऊपर गेंद थी डीप में फील्डर दूसरे के लिए पलटवार लेकिन खराब फील्डिंग रन आउट की अपील मना किया मना किया वहां पे रन आउट का सवाल पूछा था लेकिन फील्डर के ऊपर दबाव बनाया अब यहां से स्कोर लेवल हो चुका है एक रन चाहिए स्कोर लेवल हो चुका है क्लोज फील्डिंग कट किया है बैकवर्ड इस शॉट के साथ मुकाबला जीता सादक पौर की टीम ने यहाँ पे अपना परचम लहराया है आखिरी मुकाबले में पालन को यहाँ पे परास्त किया है और इस मुकाबले को चार विकेट से जीता गया है जय पाटीदार साधक पौर के द्वारा और जीत पटेल मैन ऑफ द मैच तो यहाँ से अब देखा जाए तो जिसकी जरूरत थी जिसको सभी को इंतज़ार था कि पांच टीमों ने जहाँ पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है कौन सी टीमें एलिमिनेट हो चुकी है कौन सी तीन टीमें अभी तक इस टूर्नामेंट में बनी हुई है ड्रीम इलेवन सभी को मालूम है अनबीटन टीम है मतलब वो तो फाइनल में पहुँच गई है सेमीफाइनल के लिए दो टीमें यहाँ पर खेलेगी दूसरे और तीसरे नंबर वाली तो दूसरे पायदान के ऊपर साईराज इलेवन कल्याणी चार पॉइंट है उनके लेकिन रेट के लिहाज से दूसरे पायदान पे और जय पाटीदार इलेवन सादकपुर जिन्होंने अभी अभी पालन को हराया ये दोनों टीमों के लिए मस्ट विन कंडीशन थी लेकिन इस इंपेरेटिव मुकाबले में सादकपुर की टीम ने यहां पे अपना रुतबा साबित किया है और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है तो जय पाटीदार इलेवन और सायराज इलेवन कलियारी के बीच में सेमीफाइनल टॉस के लिए कप्तान आएंगे दोनों कप्तान आएंगे टॉस वहां पे शायद पैरों के ऊपर जाके गेंद टकराई लेग बाइक का इशारा अतिरिक्त में चौका ये माना जाएगा और अतिरिक्त का लाइन शॉट तेज खेला खेलावे इन फील्डर वहां पे रनआउट का मौका बन सकता है कदमों का इस्तेमाल इन साइड आउट शॉट ओवर कवर वन बाउंस चौका एक्स्ट्रा कवर लेकिन पर्याप्त दूरी भी मिली है अच्छा शॉट वहां पर नजर आया कमाल का शॉट था ये बिल्कुल हाफ वाली गेंद थी स्टैंड एंड डिलीवर बेहतरीन शॉट हर्ष के बल्ले से निकला है हाफ वाली गेंद को बहुत ही बढ़िया बिल्कुल रडार में सीधी विकेट विकेट डालने गए इनके पाले में आ गई बाउंड्री के हवाले में गेंद चली गई छह रन एक और बड़ा शॉट यहाँ पे मिड विकेट के ऊपर से जीत टॉस थी हवा में ऊंची उठ गई है फिल्डर वहां पे देवते इनके ऊपर फिल्डर को वहां पे दर्शक बना के रख दिया केविन वहां पे खड़े थे उनके ऊपर से गेंद निकल गई पहली गेंद छोटी पटकी हुई गेंद डालने के प्रयास में दिशा से पटके बैक टू बैक वाइड यहां पे फिर से यहाँ पे बाहर निकल गई पढ़ने के बाद एक और किनारा लगा है लेकिन अब वहां पे गली के पोजिशन में कोई फील्डर नहीं है गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए खेलना कहीं अच्छी पारी खेल रहे फुलटोस थी लेकिन आसान सा कॉटन बोल्ड कुछ भी वहां पे विकेट कीपर के लिए एक अच्छा कैच वहां पे टॉप ये कनेक्शन अच्छा हुआ है गैप मिला है लॉन्ग लेग के बीच में चौक का वोटोरा जो कड़क है बेहतर है स्टैंड एंड डिलीवर है कमाल का यह शॉट निकला यहां पे बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लो फुलटॉस के कॉर्नर की दिशा में अक्सर को बीट किया है लो फुलटोस गेन उसके ऊपर अच्छा शॉट बेहतरीन शॉट इस बार पूरे छह रन मिले इस बार अच्छा शॉट है इनसाइड आउट कवर की दिशा में ओवर कवर ओवर द टॉप बेहतरीन शॉट मैक्सिमम मैक्सिमम यहां पे बहुत ही बढ़िया पावर प्ले पहले दोवर रहेगा छोटी गेंद पटकी हुई गेंद करारा पुल शॉट हवा में फिल्डर उसके पहली गेंद को कलाइयों के सारे बल्ले का फेस ओपन करके मोड़ा है थर्ड मैन की दिशा में चौका बट कड़क बेहतर कमाल का शॉट देव ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज है इनकी कमाल का शॉट बढ़िया शॉट पावर प्ले को अच्छी तरीके से समाप्त किया है चौके के साथ ओवर को समाप्त कमाल का शॉट खड़े खड़े ये बिल्कुल एक्शन रिप्ले था पिछले जो ओवर में इन्होंने जो हवा में ऊंची उठ गई टॉप एज, विकेट के पर इंटरेस्टेड आसान कैच बना वहां पे जाना पड़ेगा बेहतर शॉट है ये आगाज है यश का ये जवाब है और खाता खोलने का ये अंदाज है छह रन इस बार लेंथ को पीछे खींचा गलती कर गए आगे गेंद डाल रहे थे डॉट बॉल आ रही थी वहीं तो चाहते थे देव हवा में ऊंची है और फिल्डर उसके नीचे ये परफेक्ट चाइनामेन वाली गेंद वो बिल्कुल जो कुलदीप यादव डालते अपील है वहां पे लेकिन वाइट का हिस्सा कड़क कमाल अक्सर के बल्ले से सुनहरा यहां है किनारा किनारा यहां पे जेपी को जाना पड़ेगा कहानी में छोटी खराब गेंद भरोसे को थोड़ी देर के लिए तोड़ा है क्योंकि अच्छा ओवर गुजर इनसाइड आउट शॉट शॉट अच्छा है फील्डर वहां पे कहानी में फिर से बदलाव डीप में फील्डर दूसरे के लिए पलटवार लेकिन खराब फील्डिंग रन आउट की अपील मना किया क्लोज फील्डिंग कट किया है बैकवर्ड पॉइंट गिरिस्तम है चौका वहां पे प्लीज़ थोड़ी जल्दबाजी करके फील्डिंग की सजावट कर दी जाए सलामी जोड़ी आ जाए कल्याणारी के लिए समय का प्रावधान ध्यान में रखना है सेमीफाइनल मुकाबला ये होगा उसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाना है और वो सही रोशनी में इस टूर्नामेंट को समाप्त करना है कल्यारी इलेवन सलामी जोड़ी आ जाए प्लीज जय पाटीदार इलेवन सादकपुर और कल्यारी साईराज इलेवन कल्यारी के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला ये फाइनल में ड्रीम इलेवन की टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है ये जो दो टीमें यहां पे जीतेगी वो सीधा फाइनल में टकराएगी ड्रीम इलेवन के सामने पाटीदार यंगस्टर कप अंडर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थी, ट्वेंटी थ्री सीजन नंबर यह तीसरा संस्करण ये तृतीय जिसका ये सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट को बेहतरीन तरीके से आयोजित किया गया है यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए यहाँ पे योगदान दिए गए हैं वानीवेन मिराज भाई पटेल वलसाड़ उनकी ओर से पच्चीस और जैमसन मैनेजमेंट ग्रुप उनकी ओर से पाँच का योगदान मिला इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए उसके अलावा जो ट्रॉफी के स्पॉन्सर है अशोक भाई पटेल पर बॉल के स्पॉन्सर मित पटेल कलियारी मोमेंट्स क्लिक फोटोग्राफी कुल मिला के पांच टीमों ने हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट में और पहले जो तीन टीमें पॉइंट टेबल में ओवल स्थान के ऊपर रही वो क्वालिफाई हुई है यहाँ पे सुपर नॉकआउट मुकाबले के लिए जो सेमीफाइनल मुकाबला होगा पहला दूसरे और तीसरे नंबर की टीम के बीच में साधकपुर और कल्यारी के बीच में और ड्रीम इलेवन की टीम जो फाइनल में पहुंच चुकी है राज इलेवन कल्याणारी जिनके ऑनर संजय भाई पटेल वानी इलेवन पालन जिनके फ्रेंचाइज ऑनर है मुकेश भाई पटेल सोनवाड़ा इंडियंस के जो फ्रेंचाइज ऑनर अशोक भाई पटेल फ्रॉम सोनवाड़ा यूएसए ड्रीम इलेवन के फ्रेंचाइज ऑनर मुकेश भाई पटेल सूर सागर और जय पाटीदार इलेवन साधक पर अशोक भाई पटेल ऑल सेट टू प्ले लेट्स प्ले इस बार ऑप्शन के बाहर वाइड की मांग की गई है मना किया हर्ष और शिव की जोड़ी अक्सर जिन्होंने गेंदबाजी का पार संभाला हुआ है कमेंट्री बॉक्स एंड से हवा में टॉस को खेल दिया केविन और ले कैद जीतने छोड़ा लेकिन केविन ने पकड़ा एक ने कही दूसरे ने मानी संत कबीर कहे दोनों ज्ञानी अच्छा वहां बेरीले रिले कैच शून्य के स्कोर पे यहां पे पहला झटका पहला विकेट टॉस गेंद थी वैसे आसान गेंद मानी जाती है लेकिन वो एक भाग्य और दुर्भाग्य दो चीजें होती है बल्लेबाज का दुर्भाग्य यहां पे गेंदबाज का भाग्य काम कर रहा है एक के लिए खुशी को दी दूसरे के लिए गम का मौका लेकिन फिर भी शून्य के स्कोर पे पहला झटका तो लगा है नुकसान दिया गया है अर्ली ब्रेक थ्रू यहां पर मिला है साधक पर टॉस जीत के फील्डिंग का सही फैसला मानव नए बल्लेबाज के रूप में वेरी इंप्रेसिव इमरजिंग क्रिकेटर फॉर पार्टीदार समाज कम्स आउट टू द मिडल हल्के हाथों से बल्ले का फेस ओपन किया वहां पे टाइमिंग और प्लेसमेंट दिखाई दी पहला रन शून्य के स्कोर से बाहर निकलने का दबाव वो तो भारतीय कोच राहुल द्रविड हमेशा कहते हैं कि शून्य के स्कोर से पहले निकलो वो दबाव आपको थोड़ा अंदर अंदर से खा जाता है ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लेकिन फील्डर दोनों स्थान के ऊपर तैनात कवर एक्स्ट्रा कवर अच्छी गेंदबाजी अक्सर के द्वारा रिवर सेट है मानव का ये फेवरेट शॉट है इनको इस गेंद के ऊपर इस शॉट के ऊपर परिणाम मिलता है ये युवा प्रतिभा है ये उभरते हुए क्रिकेटर है ये रिस्क तो उठाते हैं क्योंकि इनको पता है रिस्क है तो परिणाम फिक्स है अच्छा शॉट बहुत ही बढ़िया सफल किया ऑप्शन के बाहर जगह बनाई अपने आप के लिए वो रूम बनाया मानव को ये गेंद आप नहीं दे सकते इनके पास वो ताकत है वो ऑप्शन के बाहर भी सफल करके वो फाइन लेग लॉन्ग लेग को क्लियर कर सकते हैं बेहतरीन शॉट नजर आया है छ रन की मदद से सत्रह रन बने हैं पहले ओवर में विकेट आया था लेकिन फिर भी ये ओवर महंगा बना है थोड़े नाखुश जरूर हो गए कप्तान कि आपको विकेट मिला था अच्छी शुरुआत की थी लेकिन शुरुआत को अच्छे ओवर में तब्दील नहीं कर पाए कट किया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर रन चुराएंगे फील्डर काफी दूर खड़ा था दोनों बल्लेबाजों को मालूम है कि फील्डर जो खड़ा है सर्कल की एज पे है तो रन तो मिल जाएगा अठारह रन इस बार अब बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में गैप मिला और चौका भी मिला कमाल की बल्लेबाजी अच्छी बल्लेबाजी यहां पे मानव के द्वारा सिंगल दिया था स्ट्राइक के ऊपर मानव का लाया गया और देव पटेल के सामने भी वही उन्होंने करामात कर दिखाई वो चौके वाली वो गैप में गेंद को डाला रिवर्स स्विप के जरिए इम्प्रोवाइजेशन इनको पसंद है ये इनके ऊपर इनको महारत हासिल है ट्वेंटी टू बाईस रन रन तो यहां पे बनाने पड़ेंगे टारगेट तो बड़ा रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये नॉकआउट है सुपर नॉकआउट है रिवर्स है कमाल है ये मानव का बल्ला है सेमीफाइनल मुकाबला हो चाहे लीग का मुकाबला ये अपने अंदाज में खेलेंगे अपने ही वो स्टांस के ऊपर वो बल्लेबाजी करेंगे ये इनको है ना अंदाज पसंद है रिवर्स इनका फेवरेट शॉट है अगर ये शॉट इनके लगना शुरू हो गए ना तो ये लंबी पारी खेल सकते हैं शुरुआत अच्छी मिली है बेहतरीन तरीके से अपनी पारी को आगे बनाना पड़ेगा मतलब एक प्राइस टैग लगाना पड़ेगा अपने नाम के आगे 28 रन बने हैं 25 रन खुद मानव के मूविंग टारगेट और गलती कर दी हवा में लेकिन नो में गेंद गिरी जीत ने प्रयास किया दो रन मिले केविन ने थोड़ी फंबल की अन्यथा रन आउट हो सकते थे ये खतरे से खाली नहीं था यह शॉट लेकिन ये रिस्क उठाना पसंद है ये ना युवा प्रतिभा है ये उभरते हुए क्रिकेटर है ये बिल्कुल भी शांति नहीं जानते इनको तो हर गेंद के ऊपर वो परिणाम चाहिए इस बार सम्मान दिया और एक रन वहां पे मिला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में थर्टी वन इकतीस रन एक गेंद आखिरी बची है पावर प्ले की इकतीस रन तो बन गए है संभाल के खिलाफ वहां पे हल्का सा दे, थोड़ी देर हवा में रही थी इन एयर फॉर अ वाइल और रन आ गए हैं सिंगल आ चुका है बत्तीस रन बन चुके हैं अच्छी शुरुआत पावर प्ले में सेमीफाइनल मुकाबले में बत्तीस रन बना दिए सोलह की औसत से पहले ओवर में सत्रह के ओवर में पंद्रह कुल मिला के बत्तीस रन दो ओवर के बाद यह साई गेंदबाज के तौर पे डाउन द लेग वाइड के साथ शुरुआत दोबारा डाली इस गेंद को कट किया है बेहतरीन तरीके से स्वीपर कवर के ऊपर फील्डर तैनात है लेकिन सर्कल की एज पे मतलब एक रन लेने का पर्याप्त मौका रिवर्स है टाइम कमाल है बेहतरीन है लाजवाब है फील्डर होते तो भी दर्शक बन जाते क्योंकि ये पर्याप्त ऊंची पर्याप्त दूरी मिली है वहां पे ऊंचाई भी लंबाई भी मैक्सिमम के लिए जो चाहिए सब कुछ सही घटा मानव का बल्ला चल रहा है सेमीफाइनल मुकाबले में मानव मैक्सवेल बने हुए है क्योंकि तो ये रिवर्स भी इतना खेलते है कि मैक्सवेल की याद दिलाई देते फिर से वही प्रयास लेकिन आ, इस बार जी नहीं वाइट की अपेक्षा आप कर रहे थे आपका स्टांस बदला था आप राइट ही हो जाएंगे, लेकिन अंपायर की नजरें पहनी है आप रिवर्स स्विप खेले थे स्विच हिट नहीं खेले थे ये थोड़ा स्टांस ये बदलता है स्विच हिट में बदलता है चालीस रन फिर से वही प्रयास अब तो इनको हर गेंद के ऊपर आत्मविश्वास आ गया है सीधे वो नहीं खेलेंगे उल्टा ही खेलेंगे क्योंकि ये युवा प्रतिभा है ये आग से खेलना पसंद है इनको जोश के साथ खेलते हैं ये जुनून के साथ खेलते हैं और एक रन के साथ फोर्टी वन इकतालीस रन अच्छा शॉट है हवा में थोड़ी देर लेकिन अच्छी सोच यहाँ पे मैं मानूंगा सिंगल के साथ वो मानव को स्ट्राइक पे रखने का जो प्लान बनाया है ना वो शिव ने वो जो सपोर्ट किया है ना एक सपोर्टिव रोल उनके द्वारा अदा किया गया है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई गई उन्हें उनके द्वारा ये भूमिका बयालीस रन आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की ये देख लीजिए ये तो इन्होंने एग्जीबिशन यहाँ पे लगा दिया है रिवर स्विप की यहाँ पे प्रदर्शनी देखी जा रही है मानव है सामने बल्लेबाज चौके की मदद से छियालीस रन मानव पहुंचे थर्टी नाइन उनचालीस के ऊपर टॉस गेंद रन चुराएंगे इनकी यही भूमिका है इनको यही रोल दिया गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मानव को स्ट्राइक देना है अभी तक यही काम किया है शिव ने और अपने काम से वो संतुष्ट भी है और जिस प्रकार से रन आ रहे हैं टीम का खेमा काफी खुश है धीमी गति की गेंद लेकिन डायरेक्शन गलत वाइड का इशारा जीत जो लेग ब्रेक गेंदबाजी भी कर लेते हैं अच्छी गेंदी है इस बार सम्मान दिया ये ना ये सेंसिबिलिटी होनी चाहिए क्रिकेटर में आप एक अच्छे क्रिकेटर है आपके पास रिवर्स स्वीप भी है लैप भी है आप रिवर्स कूप भी कर सकते हैं ताकत के साथ स्टॉक भी कर सकते हैं लेकिन अच्छी गेंद को सम्मान देने का भी वो आप में क्षमता होनी चाहिए ये वहीं अच्छे क्रिकेटर बनते हैं लेग ब्रेक इनसाइड आउट हवा में फील्डर इंटरेस्टेड लेकिन जारी रहेगी ये पारी दूसरा विकेट आने की कगार पे था लेकिन इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा लेजी एलिगेंट एफर्ट नजर आया मुझे फील्डिंग में ये कैच हो सकता था इस बार भी टॉप एज फील्डर है वहां पे लेकिन उसके ऊपर से मिलेगा चौका रिवर्स शिप का ये शॉट इनको परिणाम दे रहा है ये इनका शॉट इन्होंने ट्रेडमार्क बनाया है सिग्नेचर इस शॉट को बनाया है चौके की मदद से चौवन रन और चौवालिस के ऊपर मानव चौवालीस रन के ऊपर खेल रहे थे शतक आधा बना है अर्ध शतक यह पारी अच्छे इस सेमीफाइनल मुकाबले में बढ़िया पारी खेली तीसरा बल्लेबाज टूर्नामेंट का जिनके नाम आधा शतक आया इससे पहले ड्रीम इलेवन का देव पटेल सोनवाड़ा इंडियंस का कप्तान भूमिन पटेल और अब यहां पे मानव पटेल बेहतरीन पारी शतक भले आधा है लेकिन महत्व बहुत ज्यादा है पता है खुद को भी उनकी टीम को भी और इस छे की मदद से साठ रन साठ रन बनाए गए अच्छी पारी यहां पे मानव के द्वारा कमाल की पारी वहाँ पे स्टॉक करने का प्रयास वाइड का इशारा जी नहीं लगी थी वहाँ पे पैरों के ऊपर गेंद टकराई थी रिवर्स वहाँ पे डिसीजन किया गया और ओवर को यहाँ पे समाप्त किया गया साठ रन चार ओवर के बाद साठ रन एक विकेट के नुकसान पे एंड यहाँ से बदला जाएगा जो कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी हो रही थी अब वो फार्म एंड से गेंदबाजी की जाएगी पहले चार ओवर अभी तक देखा जाए तो अपने नाम किए गए हैं कल्याण इलेवन ने पहले हाफ को अपने नाम किया है थोड़ी जल्दबाजी कीजिएगा प्लीज समय का प्रावधान ध्यान में रख के सेमीफाइनल मुकाबला सही निर्धारित समय के ऊपर समाप्त करना है इस बार वो प्लेसमेंट और टाइमिंग गैप ढूंढा वहां पे गली के दिशा में एक रन के साथ स्ट्राइक के ऊपर मानव और सिक्सटी वन इकसठ रन सिक्सटी वन इकसठ रन पांचवा ओवर है आगे चार ओवर वो अब बाकी के फार्म एंड से गेंदबाजी की जाएगी हवा में ऊंची उठ गई है फील्डर इंटरेस्टेड है और कैच छोड़ा ये मानव का कैच था प्रयास किया गया भले लेकिन देखना पड़ेगा कि वहां पे बाकी के रन ले लिए तीन रन तो वहां पे मुकम्मल कर लिए गए लेकिन ये जो कैच छोड़ा है ना ये दर्द देगा ये आपको पीछे जाके फिर इसका पछतावा होगा क्योंकि ये मानव का कैच था जो आधा शतक जड़ चुके हैं यह सेमीफाइनल का मुकाबला है इस बार कट करने का प्रयास उछाल के साथ खेला धीमी गति की गेंद से बीट किया ये ओवर थोड़ा अच्छा गुजर रहा है कट किया है ऑफ साइड की रिश्सा में स्वीपर कवर पे फिल्डर केविन वहां पे तैनात डीप में रन एक तो मिल जाएगा सिंगल की सहायता से 65 रिवर्स एटम वो छोरा चाहे ये छोर हो किसी भी एंड से गेंदबाजी करो उस एंड से अगर गेंदबाजी करते हैं तो वही परिणाम यहां पे भी वही परिणाम ये जो है ना मानव का बल्ला है ये मानव का फॉर्म है ये एक ऐसा बल्लेबाज है जिनको ये शॉट बहुत पसंद है हवा का रुख इनको असर नहीं करता क्योंकि ये शॉट के पीछे इनके पास ताकत पूरी है और इस छह रन के साथ सेवेंटी वन इकहत्तर रन बाहरी किनारा लगा लगाए वाइडी कर थी और इस की वजह से वहां पे मिले दो रन जहां पे एक ही रन होना चाहिए दो रन वहां पे एक ही रन होना चाहिए वहां पे पैरों से रोकने का प्रयास किया था सेवेंटी थ्री पांच ओवर के बाद तहत्तर रन अच्छा शॉट यहाँ पे इंतजार करते रहे बैक फुट पे गए वेल बाउंस वहां पे डाला लेकिन वो गति कम आई पीछे यहाँ पे मैक्सिमम जड़ दिया अब तो यहाँ पे रन आ नहीं रहे रन तो बह रहे हैं 84 फोर चौरासी रन यहाँ पे बड़ा टारगेट मिलेगा बड़ा टारगेट मिलेगा ये ओवर भी महंगा बन रहा है किनारा लेकिन जय ने गलती की जेपी विकेट कीपर के तौर पे वो वॉलीबॉल जैसा अंदाज नजर आया वो गेंद को धकेल दिया कैच लेना था ये हो सकता था आसान मौका था आप सेफ विकेट कीपर है लेकिन गलती कर गए विकेट का मौका ये दूसरा कैच छूटा है मानव का वैसे भी वो बहादुर होता है ना उनको भाग्य का साथ तो मिलता है इस बार शॉट बड़ा खेलने का प्रयास और चौका मिला अभी तक जो साइड रोल के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे उन्होंने भी थोड़ा एक कदम आगे चलने का प्रयास किया है शतरंज में प्यादे चलते हैं ना वो कई कबार वो भी मात दे जाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार का यहाँ पे रोल अदा किया है नवासी रन छे ओवर के बाद एटी नाइन नवासी रन एक विकेट के नुकसान पे अच्छा शॉट ताकत के साथ बैकफुट पे जाके बल्ले के बीचों बीच वो मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन लगा ताकत का प्रदर्शन एग्जीबिशन ऑफ पावर मानव के द्वारा वहां पे देव आए लेकिन मानव ने देव को भी नहीं बख्शा और इस छह रन की सहायता से पंचानवे और मानव इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्कोर 78 इस बार इससे पहले 63 था देव का जो ड्रीम इलेवन का वो कप्तान जिन्होंने तैंसठ रनों की नाबाद पारी खेली थी लेकिन वो सबसे आगे निकल चुके हैं अब तो मानव एक इम्पैक्ट यहाँ पे छोड़ा है एक उभरता हुआ सीता जिन्होंने अपनी चमक यहाँ पे छोड़ी है फ्राइडे को सुपर ब्लॉकबस्टर में तब्दील किया है इन्होंने इस बार फ्लिक किया पैरों के ऊपर अपनी जो नजरें थी वो बनाए रखी मात्र रूम बनाए अपने आप के लिए फॉलो करने का प्रयास लेकिन मैं मानूंगा कि एक अच्छा सपोर्टिव रोल सामने वो साझेदारी बनाते रहे मानव को स्ट्राइक देते रहे ये बिल्कुल अलग तरीके से पहले जब क्रिकेट होता ना विंटेज क्रिकेट वहाँ पे खेलते थे वो कहते थे कोचिस कि आप लाइन को कवर करिए लाइन को कवर करिए लेकिन अभी मौजूदा टेनिस क्रिकेट में ये सब बातें भूल गए मात्र लाइन के दूर जाइए बस लेंथ को पिक कीजिए यही तो ट्रांसफॉर्मेशन आया है क्रिकेट में पहले ट्रेडिशनल होता था लाइन को कवर करें लेकिन अब क्या है लाइन को छोड़िए बस लेंथ को पकड़िए ये मौजूदा टेनिस क्रिकेट है ना वो बहुत आगे निकल चुका है हवा में है कमाल है बेहतर है लाजवाब है ये बड़ा मैक्सिमम अभी भी ये सो है ना थका नहीं है ये खिलाड़ी अभी भी झुका नहीं है ये रुकेगा ना ये शो चालू रहेगा ये फ्राइडे के दिन ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है आज क्या बल्लेबाजी है मानव के द्वारा व्यक्तिगत एटीफाइव पंचासी के ऊपर मात्र 27 गेंदे खेले हैं, एक ओवर बचा है 103 रन बचे हैं, सात विकेट सात ओवर के बाद 103 रन एक विकेट के नुकसान पे मेरे ख्याल से शतक बनाने का मौका है और इस साल अगर देखा जाए ना तो शायद पाटीदार समाज की ओर से पहला बल्लेबाज बनेगा और इस साल का तीसरा बन सकता है मेहुल रबारी जिन्होंने शतक बनाया था ओवरऑल क्रिकेट की मैं बात कर रहा था दो शतक आए हैं देखा जाए तो इस साल एक मेहुल रबारी ने बनाया था समरोली ग्राउंड के ऊपर एक बनाया था मयूर राठौड़ ने वो धर्मपुर जिमखाना ग्राउंड के ऊपर लेकिन पाटीदार समाज के लिए पहला ऐसा बल्लेबाज बन सकता है कि जो शतक बनाएगा शॉट अच्छा है यहाँ पे लेकिन डाउन द ग्राउंड बिल्कुल जमीन के समान अंतर फील्डर डीप में तैनात तो दूसरे के लिए जाएंगे और जाना भी चाहिए रन आउट करने का प्रयास अच्छी सोच है ये सेक्रीफाइस किया अपनी विकेट को लेकिन जो भूमिका इन्होंने निभाई है ना जो तालमेल के साथ इन्होंने स्कोर को पहुंचाने में अपनी जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दी है ना वो वाकई काबिल तारीफ है वो एक कहते हैं ना एक सपोर्टिव रोल होता है वो बढ़िया तरीके से निभाया और रन आउट के जरिए यहां पे दूसरा विकेट लेकिन अच्छी बात के स्ट्राइक के ऊपर मानव आ गए एक सौ पांच रन एक सौ पांच रन आखिरी ओवर प्रगति पर है चार गेंदे है खुद कप्तान आए राज राज आए बीच मैदान में अच्छी गेंदू से अपने आप से बल्ला जल्दी चल गया था ये कई कबार जो ताकत है ना आपकी कमजोरी भी बन जाती है सामने गेंदबाज डेथोर में तो यही ऑप्शन होता है आपको बस से बल्ला घुमाना है आर या पार की लड़ाई चलती है डेथोर में तो कड़ा के शॉट देखिए ऊंचाई का छक्का है लंबाई का भी छक्का है ये मानव का शॉट है इसके ऊपर संदेह नहीं किया जाता छह रन की मदद से एक रन और मानव पहुंचे नाइन्टी टू बानवे के ऊपर दो गेंदे बची है दो गेंदे अब यहां से 111 रन बने हैं दो विकेट मात्र गवाई है मानव खेल रहे हैं नाइन्टी टू बानवे के ऊपर ये बहुत ही बढ़िया यहां में बल्लेबाजी इससे पहले आखिरी बार 90 के ऊपर जिमी दरबार पहुंचे थे इस साल जो वास्ता में गांधी मैदान के ऊपर उन्होंने खेली थी पारी इस बार अच्छा शॉट है डीप में फिल्डर है रन दूसरे के लिए जाना चाहेंगे जी नहीं रुकना पड़ेगा नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रहना पड़ेगा 93 के ऊपर यदि अगर एक्स्ट्रा डिलीवरी आई तो कुछ परिणाम आ सकता है अन्यथा संतुष्ट होना पड़ेगा यशस्वी जायसवाल की तरह मैक्सिमम आया है राज ने भी आखिरी गेंद के ऊपर अपना परचम लहराया एक गेंद मात्र लगी उनको छह रन बनाने के लिए और फिनिश किया 112 सौ बारह रन तो टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर इससे पहले ड्रीम इलेवन ने एक बनाए थे एक सौ अठारह रन यहाँ पे टूर्नामेंट का हाई एस्ट किसी टीम का स्कोर बना है एक सौ उन्नीस रनों की चुनौती सेमीफाइनल में दी गई है सादक पौर की टीम को टॉस जीता था और जब पूछा गया था राज पटेल को से अब देखा जाए तो बनाए गए 119 रन बनाएगा कल्याण टॉस जीतते तो आप क्या करते तो बैटिंग ही करता तो मतलब मन मुराद दोनों कप्तान की पूरी हुई लेकिन साधक ने शायद ही सोचा होगा कि इतना बड़ा टारगेट मिल जाएगा लेकिन अब टारगेट तो बन गया है उसे अचीव करना पड़ेगा फाइनल में अगर ड्रीम इलेवन के सामने खेलना है तो ये जो रनों का पहाड़ खड़ा किया है ना माउंट एवरेस्ट वो चढ़ना पड़ेगा हाईएस्ट टोटल बन चुका है टूर्नामेंट का इससे पहले अगर देखा जाए तो कल्याणी ने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया 112 रन बनाए थे उन्होंने पाटीदार साधकपुर के सामने ही फिर से उसी टीम को टारगेट किया और 118 रन बना दिए इस बार मात्र ऐसा बल्लेबाज जीरो ने पूरे मैच में हाईलाइट जैसी दिखा दी आप इनकी पारी देखोगे ना तो वो हाईलाइट से कम नहीं होगी मेरे ख्याल से आनंद भाई स्माइल चैनल के जो ऑनर है ना वो हाईलाइट इनकी बनाएगी नहीं पूरी पारी रख रख देंगे क्योंकि 93 थ्री तिरानवे रन बनाए इकतीस गेंदों में नॉ मैक्सिमम और छह चौके उन्होंने जड़े हैं स्ट्राइक रेट 300 का काफी लंबे अरसे बाद एक बेहतरीन पारी देखने को मिली है हवा में टॉस को खेल दिया केविन और वहा कैद रिवर सेट है मानव का ये फेवरेट शॉट है इनको इस गेंद के ऊपर इस शॉट के ऊपर परिणाम मिलता है इस बार बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में गैप मिला और चौका भी मिला कमाल की बल्लेबाजी अच्छा नॉकआउट है रिवर्स है कमाल है यह मानव का बल्ला है सेमीफाइनल मुकाबला रिवर्स है, कमाल है। बेहतरीन है लाजवाब है फील्डर होते तो भी दर्शक बन जाते क्योंकि यह पर्याप्त ऊंची पर्याप्त दूर यह देख लीजिए यह तो इन्होंने एग्जीबिशन यहां पे लगा दिया है रिवर स्विप की यहां पे प्रदर्शनी देखी जा, फुल्टोस रन चुराएंगे इनकी यही भूमिका है इनको यही रोल दिया गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस बार भी टॉप एज फील्डर है वहां पे लेकिन उसके ऊपर से मिलेगा चालीस रन के ऊपर खेल रहे थे शतक आधा बना है अर्ध पारी अच्छे इस सेमी हवा में ऊंची उठ गई है फील्डर इंटरेस्टेड है और कैच छोड़ा ये मानव का कैच रिवर्स एटम वो छोड़ा चाहे ये छोड़ो किसी भी एंड से गेंदबाजी करो उस एंड से अच्छा शॉट यहां पे इंतजार करते रहे बैक फुट पे गए किनारा लेकिन जई ने गलती की जेपी विकेट कीपर के तो देवार जय देर जय की जोड़ी रुद्रा जिनके हाथ में गेंद थमाई गई है कप्तान के द्वारा स्टैंड एंड डिलीवर, पे मीत और आसान के देव को जाना पड़ेगा कप्तान को चलता कर दिया वापस। शून्य के स्कोर पे पहला विकेट गिरा है एक रनों की चुनौती में रुकावट पैदा कर दी है पहले से पहले ही ओवर से ब्रेक थ्रू दिलाया आसान नहीं होगा इतना बड़ा टारगेट माउंट एवरेस्ट चढ़ना है ना तो थोड़ा आपको हिम्मत रखनी पड़ती है लेकिन यहां पे तो हिम्मत दिखाई है गेंदबाज ने यह वही रुद्रा ये गेंदबाज है जिनके नाम पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड है या आये नए बल्लेबाज के रूप में काफी जल्दी आना पड़ा है इनको इस बार वो फ्लिक करने का प्रयास क्लीन फुल टॉस थी लो फुल टॉस लेकिन वो विकटो का एक्सपोज कर गए वो क्रॉस बैटेड फ्रंट फुट थोड़ा आगे निकाला वो मिड विकेट की दिशा में उस स्टांस था उनका लेकिन गेंद सीधी विकटो के ऊपर जाके टकराई जड़ में वहां पे जाके गेंद समाप्त हुई शून्य के स्कोर पे दूसरा झटका दूसरा विकेट यहां पे गिरा है शून्य के स्कोर पे रुद्रा के खाते में एक और विकेट आया है शुरुआत से परेशानियां बढ़ रही है यहां पे। जीता है नए बल्लेबाज के रूप में अब टॉप एज मौका बन सकता है विकेट आएगा जी हां एक और विकेट लगातार दो गेंदों में दो विकेट यहां पे निकाले गए हैट्रिक का मौका स्कोर बढ़ नहीं रहा है विकेट का कॉलम लगातार बढ़ रहा है फुटबॉल का स्कोर नजर आएगा जीरो थ्री शून्य के स्कोर पे तीसरा विकेट अनबिलीवेबल ये सोचा नहीं होगा किसी ने भी साधक पर ने भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से पहले ओवर में रुद्र गेंदबाजी करेंगे पहले टॉप ऑर्डर को स्कोरर को बिना परेशान किए धराशाई कर दिया टॉप ऑर्डर को यहां से वापस भेजा है तीन बल्लेबाजों को कूसा है हैट्रिक गेंद का सामना करना पड़ेगा पहले तो वही दिक्कत है बड़ी रन के बारे में बाद में सोचेंगे पहले हैट्रिक गेंद बचानी पड़ेगी फ्लिक किया है चौका मिला है कु ने खाता खोला है टीम का खाता खोला है चार रन और तीन विकेट के नुकसान पे किफायती सफल कमाल का ओवर गुजरा ये रुद्र के द्वारा पहला ओवर चार रन तीन विकेट के नुकसान पे सिवाए गेंदबाजी का भार संभालेंगे कट किया है तेज गति से थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पे स्वीपर कवर के ऊपर एक रन मिला है और पांच रन इस सिंगल की मदद से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अभी तक कल्यारी के द्वारा हवा में विकेट का मौका है रुद्र खुद विकेट कीपर रुद्र होते हैं ना तो वहाँ विकेट होता है विकेट कीपर के रूप में आ गए तो उनके लिए कैच आ गया चौथा झटका परेशानियाँ ये परेशानियां बहुत बढ़ रही है हालात बद से बदतर हो रहे हैं सादकपुर के पांच रन बने हैं, विकेट गिर गए हैं चार केविन आए नए बल्लेबाज के रूप में अच्छी गेंदबाजी शिव के द्वारा पांच रन अच्छी गेंदबाजी यहां पे। इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा स्क्वायर लेग के ऊपर मीत तैनात है की वजह से चौका गया वैसे अमूमन ज्यादा मिसफील करते नहीं लेकिन इस बार उनको भी पता है बहुत सारे रन है डिपॉजिट में एक आधा चौका चला जाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं चार रन की सहायता से नॉ रन कट करने का प्रयास अंडर एज लगा वहां पे और ओवर की समाप्ति नौ रन दो ओवर के बाद नौ रन बने चार विकेट के नुकसान पे इस बार डीप में वहाँ पे फिल्डर तैनात है और दो रन वहाँ पे मुकम्मल किए जाएंगे हवा में ऊंची उठ गई है क्या पांचवा विकेट आएगा जी हाँ आएगा आधी टीम को जाना पड़ेगा डग में सफर आधा भी नहीं हुआ है और यहां पे तो आधी टीम जा चुकी है और तेरह रनों के ऊपर पांचवा विकेट गिरता हुआ एक तो रन पहले से ज्यादा बना लिए गए उसके सामने तेरह के ऊपर पांच विकेट मतलब वो गरीबी में आटा गीला हो गया पहले से रन बहुत है उसके जवाब में दिक्कत है बहुत सारी बढ़ रही है हालात काफ़ी खराब है यॉर्कर गेंद बहुत अच्छी गेंदबाजी इस बार बाहरी किनारा फिल्डर गले की स्थान पे और रन एक भले मिलेगा शिवम ने खाता खोला एक रन के साथ और यहां से तीन ओवर समाप्त हुए चौदह रन मात्र बने हैं और स्कोर कार्ड में तीन आपको ऐसे बल्लेबाज नजर आएंगे जो खाता भी नहीं खोल पाए 119 रनों के जवाब में यदि अगर आपका टॉप ऑर्डर धराशाई होता है शून्य के स्कोर पे तो उसे साफ तौर से जाहिर होता है कि सामने कल्याणी किस प्रकार का क्वालिटी क्रिकेट खेल रही है वो बड़े स्कोर का दबाव पहले से खड़ा कर दिया उसके सामने वो बाकी का काम गेंदबाजों ने बिगाड़ दिया मतलब यहां से साधकपोर के लिए कुछ भी सही नहीं गुजर रहा है किनारा वहां एक अच्छा कैच हो सकता था राज विकेट कीपर के तौर पे एक बेहतरीन डाइविंग एफर्ट लगाया नंबर पूरे मिलेंगे कमिटमेंट के नंबर पूरे है बहुत ही बढ़िया प्रयास किया गया था इस बार अच्छी गेंदबाजी अपर कट खेलने का प्रयास हवा में और ड्रॉप चांस रनआउट का मौका जी नहीं पहुंच गए वहां पर ये मौका बना था केविन का कैच छूटा है यहां पे लेकिन मेरे ख्याल से कप्तान कुछ नाखुश हो गए नहीं उनको तो पता है कि कमांडिंग पोजीशन में है इनसाइड आउट खेलने का प्रयास सीधे बल्ले से लेकिन ओवर कवर फील्डर तैनात डीप में एक रन तो आ जाएगा और एक दो एक दो रन से तो मात्र स्कोर बढ़ेगा उम्मीदें नहीं बढ़ेगी थोड़ा उम्मीद से विपरीत काम यहां पे हो रहा है सादकपुर के लिए सॉट अच्छा है ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे थप्पड़ जड़ दिया उछाल वाली गेंद के ऊपर तेज गति से केविन ने बल्ला चलाया और जीवनदान मिला उसके बाद उन्होंने मैक्सिमम जड़ा है और ये छह रन थोड़ा आत्मविश्वास दिलाएंगे अपने आप के लिए तो कुछ रन यहाँ पे जरूर इकट्ठा करेंगे और अब यहाँ पे स्कोर कार्ड में ट्वेंटी थ्री तेईस रन चार ओवर के बाद ट्वेंटी थ्री तेईस रन पांच विकेट के नुकसान पे एक सौ उन्नीस रनों के जवाब में मात्र तेईस रन बने थोड़ा एंड चेंज करने में जल्दबाजी दिखाइएगा प्लीज जल्द से जल्द एंड चेंज कर दीजिएगा क्योंकि फाइनल मुकाबला इसके बाद होना है तेईस रन बने हैं चार ओवर के बाद एक और यहां पे विकेट आया है शिवम को जाना पड़ेगा बड़ा शॉट उठाना चाहते थे लेकिन राज को ढूंढ निकाला वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर छठा झटका छठा विकेट यहां पे गिरा है शॉट यहाँ पे नजर आया और फील्डर वहां पे मानव काफी तेज गति से आए थे गेंद के ऊपर पीक ऊपर थोड़ा अच्छा इनका छह विकटे गवा चुके हैं यहाँ पे और अच्छी गेंदबाजी रुद्रा के द्वारा यहाँ पे के बाहर बीट किया और रुद्र एक अच्छा स्पेल उनके द्वारा यहां पे समाप्त किया गया पहले ओवर में भी उन्होंने तीन विकेट निकाले थे यहां पे भी उन्होंने एक विकेट निकाला तो बेहतरीन प्रदर्शन यहां पे सेमीफाइनल मुकाबले में और 29 रन पांच ओवर के बाद छह विकेट के नुकसान पे यहाँ पे तीस रन केविन पटेल का विकेट आया है और वापस जाना पड़ेगा वहां पे केविन पटेल के खाते में चौदह रन सातवां विकेट यहां पे गिरा है अच्छा शॉट यहाँ पे मैक्सिमम जड़ा गया है जेपी आए नए बल्लेबाज के रूप में पहली गेंद के ऊपर बहुत ही अच्छा शॉट इस बार अच्छा शॉट फील्डर वहां पे तैनात थे और आठवां विकेट यहां पे गिरता हुआ छत्तीस रनों के ऊपर आठवां विकेट गिरा है छत्तीस रन एक और विकेट आ सकता है राज अच्छे फील्डर है वो गलती करते नहीं अक्सर के खाते यहां पे गेंदबाज हर्ष के खाते में यहाँ पे एक और विकेट आया है अच्छा कैच यहाँ पे लिया गया पहले उन्होंने जीपी को चलता किया फिर उसके बाद एक अच्छा कैच बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में प्रथम को वहां पे वापस डगआउट में भेजा 36 रन 36 रन नौ विकेट के नुकसान पे लेकिन मानना पड़ेगा यह जो प्रदर्शन है ना काफी लंबे अर्से तक याद रखा जाएगा कल्याणी इलेवन का यह प्रदर्शन सभी को काफी लंबे अरसे तक याद रहेगा क्योंकि इन्होंने जो यह कारनामा किया है ना इनके कप्तान ने जो ये कारनामा किया है मानव ने वो जो कारनामा किया वो सभी याद रखेंगे ऑल आउट धराशाई करने का मौका कट किया है पहली गेंद के बाद चौका बटोरा है फील्डर को वहां पे उनकी बाई और से बीट किया और चौका बटोरा चालीस रन लो फुलटॉस और कैच या वहां पे चालीस रनों के ऊपर पूरी टीम को धराशाई कर दिया है सेमीफाइनल मुकाबले को कन्विंसिंगली कॉम्प्रिहेंसिवली कमाल तरीके से इस मुकाबले को इन्होंने अपने नाम किया है अठहत्तर रनों से यहां पे जीत हासिल की टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टारगेट नजर आया फिर उसके बाद टूर्नामेंट की सबसे बड़ी मार्जिन वाली जीत नजर आई ये जो गेंदबाजी में कमाल किया है पहले बल्लेबाजी में किया 118 रन बनाए गए थे 119 रन वहां पे बनाने थे लेकिन 40 रनों के ऊपर सादक पौर की पूरी टीम को वहां पे दरासाई कर दिया तो यहां से बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवनटी एट अठहत्तर रनों से मुकाबले को यहां पे जीता गया है कल्याणी के द्वारा अब आ, ड्रीम इलेवन और कल्याणी के कप्तान जल्द से जल आना है फाइनल मुकाबला यहां पे जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए समय का थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बाद में खत्म करना है तो ये समय का जो प्रावधान है ध्यान में रखते हुए प्लेइंग इलेवन सबमिट करवाइए और टॉस की प्रोसीजर करवाइए तो यहां पे जो पांच टीमें आई थी इस टूर्नामेंट में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जिसमें दो टीमों की तलाश थी कौन सी टीमें फाइनल खेलेगी वो तय हो चुका है ड्रीम इलेवन और कल्यारी साईराज इलेवन कल्यारी राज बनाम देव कलियारी उनके सामने ड्रीम इलेवन हवा में फुलटोस को खेल दिया केविन और वाबे जियाले कैद रिवर सेट है मानव का ये फेवरेट शॉट है इनको इस गेंद के ऊपर इस शॉट के ऊपर परिणाम मिलता है इस बार बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में गैप मिला और चौका भी मिला कमाल की बल्लेबाजी अच्छा नॉकआउट है रिवर्स है कमाल है यह मानव का बल्ला है सेमीफाइनल मुकाबला रिवर्स एटम कमाल है बेहतरीन है लाजवाब है फील्डर होते तो भी दर्शक बन जाते क्योंकि यह पर्याप्त ऊंची पर्याप्त दूर यह देख लीजिए यह तो इन्होंने एग्जीबिशन यहां पे लगा दिया है चलता सिक्का जब उछाला गया वो कहते हैं ना कि ताश के पत्तों में इक्का चलता है लेकिन क्रिकेट में सिक्का चलता है जब वो चला तो उछला है ड्रीम इलेवन के पक्ष में और जो कप्तान है ड्रीम इलेवन के देव उन्होंने फैसला किया, किया कि वो पहले फील्डिंग करेंगे पहले गेंदबाजी करेंगे मतलब यहाँ पे साधक पौर की टीम को साईराज इलेवन कलियारी को कहा है कि आप पहले बैटिंग कीजिए राज कप्तान हाँ, ने फुल टॉस को खेल दिया केविन और वहां पर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ेगी सेमीफाइनल में भी यही कहानी घटी थी और बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस मुकाबले को जीता था लेकिन यहां पे कहानी वो अलग तो तो पेज, पेज, मौका ये फाइनल का दबाव होगा जी हाँ काम है आखिरी पड़ाव है फ्लिक किया है चौका मिला है टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया पाटीदार यंगस्टर कप

वानी मिराज भाई पटेल वानी बेन मिराज भाई पटेल उनके द्वारा पच्चीस का योगदान इस टूर्नामेंट में हुआ है पांच हजार रुपए का योगदान जैमसन ग्रुप के द्वारा मिला है तो बहुत बढ़िया योगदान यहाँ पे सभी के द्वारा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अच्छा सौ अंपायर भी फाइनल मुकाबले के लिए जय और नील अंपायर के तौर पर

उसके अलावा जो इसके जो ऑनर है इसके प्रॉपराइटर स्माइल चैनल फॉर यू के मिस्टर आनंद भाई पटेल बलसाड़ और कैमरामैन के तौर पे जिग्नेश राठौड़ और कमेंट्री बॉक्स से मैं राजेश आचार्य स्वागत करता हूं आपसे भी का इस फाइनल मुकाबले में जो खेला जाने वाला है ड्रीम इलेवन और सायराज इलेवन कल्या अंपायर्स पहुंच जाए जल्द से जल्द हवा में टॉस को खेल दिया केविन और पे वहा कैद रिवर सेट है मानव का ये फेवरेट शॉट है इनको इस गेंद के ऊपर इस शॉट के ऊपर परिणाम मिलता है इस बार अब एक्वर्ड पॉइंट और गली के बीच में गैप मिला और चौका भी मिला कमाल की बल्लेबाजी अच्छा नॉकआउट है रिवर्स है कमाल है यह मानव का बल्ला है सेमीफाइनल मुकाबला रिवर्स एटम कमाल है बेहतरीन है लाजवाब है फील्डर होते तो भी दर्शक बन जाते क्योंकि यह पर्याप्त ऊंची पर्याप्त दूर यह देख लीजिए ये तो इन्होंने एग्जीबिशन यहां पे लगा दिया है रिवर स्विप की यहां पे प्रदर्शनी देखी जा, गेंद रन चुराएंगे इनकी यही भूमिका है इनको यही रोल दिया गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस बार भी टॉप एज फील्डर है वहां पे लेकिन उसके ऊपर से मिलेगा चालीस रन के ऊपर खेल रहे थे शतक आधा बना है अर्ध यह पारी अच्छे इस सेमी हवा में ऊंची उठ गई है फील्डर इंटरेस्टेड है और कैच छोड़ा ये मानव का कैच रिवर्स एटम वो छोड़ आ चाहे ये छोड़ो किसी भी एंड से गेंदबाजी करो उस एंड से अच्छा शॉट यहां पे इंतजार करते रहे बैक फुट पे गए किनारा लेकिन जय ने गलती की जेपी विकेट कीपर के तौर पे वो वॉलीबॉल इस बार शॉट बड़ा खेलने का प्रयास और चौका मिला अभी तक जो साइड रोल के रूप में अपनी भूमिका निभा अच्छा शॉट ताकत के साथ बैकफुट पे जाके बल्ले के बीचों बीच वो मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन ये बिल्कुल अलग तरीके से पहले हवा में है कमाल है बेहतर है लाजवाब है ये बड़ा मैक्सिमम अभी भी ये सो है ना बिल्कुल जमीन के समान अंतर फील्डर डीप में तैनात। दूसरे के लिए जाएंगे और जाना भी चाहिए रन आउट करने का प्रयास अच्छी सोच है ये सेक्रीफाइस किया अपनी विकेट को कड़ा किए शॉट देखिए ऊंचाई का छक्का है लंबाई का भी छक्का है ये मानव का शॉट है इसके ऊपर संदेह नहीं मैक्सिमम आया है राज ने भी आखिरी स्टैंड एंड डिलीवर फील्डर वहां पे मीत तैनात क्लीन फुल टॉस थी लो टॉस लेकिन अब विकटो का एक्सपोज टॉप एज मौका बन सकता है विकेट आएगा जी हां एक और फ्लिक किया है चौका मिला है कोस ने खाता खोला है टीम का खाता खोला है चार टीम इलेवन के कप्तान ने टॉस जीता है पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया है साईराज इलेवन कलियारी के कप्तान राज को कहा कि आप पहले बैटिंग कीजिए सलामी जोड़ी वहां पे पहुंच चुकी है वहां पे नई गेंद का जायजा लिया जा रहा है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा और फाइनली एक बॉल वहां पे सिलेक्ट की जाएगी दोनों स्ट्रांग कंटेनर टीमें, दोनों मजबूत दावेदार है इस टूर्नामेंट के लिए एक ऐसी टीम जो अभी जीत अपराजित रही अब तक अनबीटन टीम थ्रू थ्रू आउट सीधा फाइनल में पहुंची है सामने कल्याारी की टीम उनके जज्बे उनका जो जुनून है वो फाइनल में उनको लेके आया है काफी मशक्कत काफी मेहनत के बाद यहाँ पे कल्यारी की टीम फाइनल में पहुंची है सेमीफाइनल में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया है और एक आत्मविश्वास के साथ एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेके फाइनल में उतरी है ऑल सेट टू प्ले ईयर मेगा फाइनल यंगस्टर पाटीदार कप अंडर बंडर 2023 सीजन तीसरा दीप के हाथ में गेंद पहली गेंद के ऊपर बेहतरीन तरीके से हर्स को वहां पे बीट किया हर्ष जो चढ़वाई से ग्रामीण और घरेलू क्रिकेट खेलते हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पे एक अच्छी भूमिका निभाई है अपनी टीम के लिए सामने कौन जाए? जाए के? नाम। फुल फुलटोस खेलना चाहते थे ऑफ साइड के ऊपर गेंद गई है लेफ्ट साइड की दिशा में फिल्डर वहां पे तैनात है अभी वहां पे तैनात है लॉन्ग ऑन के ऊपर दो ओवर पावर प्ले रहेंगे मैंडेटरी पावर प्ले दो फील्डर आपको नजर आएंगे सर्कल के बाहर एक लॉन्ग ऑन खड़ा है एक स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर है स्क्वायर लेग थोड़ा सा ज्यादा वाइड खड़ा हुआ है ऑफ साइड के ऊपर मिड ऑफ है एक्स्ट्रा कवर कवर है बैकवर्ड पॉइंट है पीछे शॉर्ट थर्डमैन कट किया है यह शॉर्ट अच्छा है ये कमाल का शॉर्ट है आउटफील्ड तेज है देखना पड़ेगा यहाँ पे चौका मिलेगा पैरों से रोकने का प्रयास क्रिकेट में फुटबॉल खेलना चाहते थे लेकिन चौका मिल तो जाएगा वैसे भी वो देखा जाए ना तो बाउंड्री के डिस्टेंस थोड़ा कम था वहां पे जब वो पहुंचे वहां पे तो झुक के रोकने का उनके पास समय था ही नहीं पहला चौका पारी का पहला चौका स्वीप किया है लेकिन फील्डर शॉर्ट फाइन लेके बाद तैनात अच्छा पीको पर थ्रो वो चौका जड़ना चाहते थे यहां पे नज़ाकत दिखाई थी अपनी अब स्कोर कार्ड में छह रन सी हर्ष की जोड़ी है शॉट अच्छा बेहतर शॉट है आवाज बहुत मधुर आई थी वो आवाज की वजह से लग गया था छह रन के बारह रन करने पड़ेंगे क्योंकि आधा दर्जन रन यहां पे मिले हैं बेहतरीन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मैक्सिमम जड़ा गया बिल्कुल हाफ हाफिगेन रडार में दे बैठे यहां पर और वहां से मात्र फुल फेस ऑफ द बैट उसे ओवर द टॉप खेलने की दरकार थी इस बात संभाल के खेला टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ कवर की दिशा में जेंटली पुश किया एक रन लिया है तेरह रन बने पहले ओवर के बाद बिना किसी नुकसान पे साईराज इलेवन कल्या टॉस हारने के बाद बैटिंग के ऊपर आमंत्रित किया है उनको ड्रीम इलेवन ने तेरह रन पहले ओवर के बाद पॉल के हाथ में अब गेंद थमाई गई है विल ज्वाइन द प्रोसीडिंग विथ दीप थोड़ा जल्दी खेल गए वहां पे स्ट्राइक रोटेशन यहां पे शिव को लाया गया है स्ट्राइक के ऊपर चौदह रन स्कोर कार्ड में स्वीप अच्छा खेलते हैं इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाएगी फाइन लेग और वहां पे स्क्वायर लेग के बीच में गैप बना था पिछली मर्तबा वो भी ढूंढना चाहते थे लेकिन इस बार सफलता मिली है कमाल का शॉट है भाई शॉट अच्छा है स्वीप अच्छा खेलते हैं ये टेनिस में स्वीप अगर आप खेलते हैं ना तो वो मतलब आप में थोड़ी लेदर बॉल वाली क्षमता है मेरिट के ऊपर खेलना वो जो आना चाहिए वो इनके पास वो एबिलिटी है कदमों का इस्तेमाल गलती कर गए आसान कैद थमा बैठे चौका आ गया था लेकिन वो हड़बड़ हाट की थोड़े और रन बटोरना चाहते थे लेकिन कदमों का इस्तेमाल किया पल ने इस गेंद को पीछे खींच लिया और टॉप एज लग गया पहला झटका विकेट अठारह के ऊपर गिरता हुआ शिव के खाते में नौ रन और अठारह के ऊपर यहां पे पहला विकेट गिरा है पावर प्ले पूरी तरीके से अपने नाम नहीं कर पाए लेकिन विकेट की तलाश थी पावर प्ले में ड्रीम इलेवन को तो पहला ब्रेक थ्रू यहां पे मिला है वो भी अपने पहले ही ओवर में दिलाया है पल ने और ये पारी का दूसरा ओवर है और अब बीच मैदान में पिछले मैच के हीरो मानव पटेल जिन्होंने तिरानवे रनों की एक खूबसूरत लाजवाब कमाल प्रदर्शनीय एक दर्शनीय पारी खेली थी अब वो बल्लेबाज आ चुके हैं बीच मैदान में हवा में ऊंची उड़ गई है अभी मौजूद है शून्य के स्कोर पे जाना पड़ेगा वहां पे क्या ये वापसी है फंबल थोड़ा सा गेंद फलक में कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद कैच छूटेगा छूटेगा लेकिन जाना हलक में तो आ गई थी फिर भी वो कैच आया है मानव जो पिछले मैच के हीरो थे ना इस मैच में जीरो ये क्रिकेट यही खेल है एक समय के आप अर्श पे तो दूसरे समय पे आप फर्श पे बहुत ही क्रूअल गेम है दूसरा झटका अठारह के ऊपर पिछले मैच में जिनका किसी भी गेंदबाज के पास जवाब नहीं था लेकिन पल ने जवाब ढूंढ निकाला मानव का यह बड़ा विकेट यह विकेट बहुत मैटर करेगा कितना टारगेट देना चाहिए वो अब यहां से रणनीतियां बनानी पड़ेगी प्लान ड्रीम इलेवन का सफल हुआ है इन्होंने जो प्लान बनाया था ना उसमें सफलता मिली है शुरुआती दौर ड्रीम इलेवन ने अपने नाम किया है अच्छी गेंद ऑन प्लेबल डिलीवरी कुछ भी पता नहीं चला वो लेक्स्टम के बाहर खेलना चाहते थे फ्लिक करने का प्रयास लेकिन सीधी कीपर के हाथों में अच्छी गेंद थी वो हैट्रिक गेंद थी आखिरी गेंद अब इस पावर प्ले की अठारह रन रिवर्स एटम्प डॉट बॉल जी नहीं वाइड वाइड आएगा वाइड का इशारा उन्नीस रन दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद को इस बार सफलता मिली है यहां पे गैप भी मिला है संपर्क भी हुआ है बल्ले के साथ चौका मिला है यही तो चाहते थे पिछली गेंद के ऊपर वही करना चाहते थे वो वाइड हो गई लेकिन इस बार चौका मिल गया खाता भी खुला है और 23 23 तेईस रन दो ओवर की समाप्ति के बाद और इस फाइनल मुकाबले में जो भी यूट्यूब के व्यूअर्स है ना जो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं जो मैच ये देख रहे हैं आंखों देखा हाल अब वहाँ पे जाके इस स्माइल चैनल फॉर यू चैनल के ऊपर इस मैच का प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं कौन सी टीम आपको फेवरेट लग रही है किसका पलड़ा भारी है मौजूदा जो टूर्नामेंट घटा है उसमें किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जीतने की ये सब बातें आप अपने वोटिंग के ज़रिए यहाँ पे बता सकते हैं तो जाइए स्माइल चैनल फॉर यू के ऊपर सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को अपना वोट भी दीजिए और प्रेडिक्शन अपना बताइए ट्वेंटी थ्री तेईस रन दो ओवर की समाप्ति के बाद आकाश गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाजी में परिवर्तन फुलटोस को कलाइयों के सहारे मोड़ा जमीन के समान अंतर स्ट्रोक डीप में फिल्डर तैनात है वहाँ पे मिड विकेट के ऊपर एक रन तो आसानी से मिल जाएगा और इस सिंगल की मदद से ट्वेंटी फोर चौबीस रन ये मौका था यह बड़ा शॉट हो सकता था अगर संपर्क हो जाता ना तो चौका या छक्का मिल जाता लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए सफल ज्यादा हो गए थे हवा में ऊंची उठ गई है फील्डर है और कैच का मौका वापिस यहां पर जाना पड़ेगा चौबीस रन के ऊपर यश पटेल को भेजा है तीसरा झटका चौबीस रनों के ऊपर गिरा है और यश पटेल के खाते में मात्र चार रन बने जो उन्होंने रिवर्स स्विप के जरिए चौका बनाया था रनर बॉल सिचुएशन के साथ खेले हैं यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे ड्रीम इलेवन के द्वारा दूसरा यहाँ पे तीसरा विकेट यहाँ पे चौबीस के ऊपर हवा में उठ गई थी और सर्कल के अंदर पाए गए नए बल्लेबाज खुद कप्तान राज आए बीच मैदान में इन साइड एज वहां पे पहली गेंद के ऊपर रन चुराया राज ने और 25 रन इस बार कट किया है लेकिन गैप में गेंद जा रही है स्वीपर कवर बैकवर्ड पॉइंट के बीच में अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन निश्चित तौर से रन बचाए दो रन तो फिर भी वहां पे मिले हैं हर्ष के खाते में दो रन जोड़े जाएंगे सत्ताईस रन आपको नजर आएंगे स्कोर कार्ड में तीसरा ओवर जिसकी आखिरी गेंद थोड़ा मूविंग टारगेट बनाया था अपने आप के लिए लेकिन सफलता नहीं मिली डॉट बॉल ओवर की समाप्ति तीन ओवर सत्ताईस रन तीन विकेट के नुकसान पे देवाई गेंदबाजी के ऊपर खुद कप्तान अच्छा शॉट पहली गेंद के ऊपर अच्छी फील्डिंग वहाँ पे और पिकअप और थ्रो भी बढ़िया तेज़ गति से वहाँ पे थ्रो किया गया और एक ही रन से वहाँ पे संतुष्ट होना पड़ा साझेदारी बनानी पड़ेगी शुरुआती झटके यहाँ पे मिले हैं तो वहाँ से उभरना पड़ेगा एक किसी एक बल्लेबाज को एक बेहतरीन पारी खेलनी पड़ेगी किनारा लगा टेस्ट मैच वाला अंदाज गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ा थोड़ा सा मूवमेंट नजर आया बल्ले का फेस ओपन किया किनारा लगा विकेट कीपर के हाथ में एक आसान सा कैच बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देव आते हैं तो कुछ ना कुछ हरकत लाते हैं चौथा झटका अट्ठाईस के ऊपर ये अच्छा कैच नजर आया ये मजबूर किया वहां पे खेलने के लिए छेड़खानी करने का प्रयास वहां पर किया गया उसमें फंसे और विकेट कीपर ने एक बेहतरीन कैच लिया चौथा विकेट अट्ठाईस के ओवर गिरा है मीत आए मीत नए बल्लेबाज कलियारी से जो ग्रामीण घरेलू क्रिकेट खेलते हैं अब इस मैदान में अच्छी गेंदबाजी देव के द्वारा थोड़ा जल्दी वहां पे शॉट खेल गए अट्ठाइस रन अभी भी रन संख्या रुकी हुई अच्छी गेंदबाजी फंसाया धीमी गति के गेंद के ऊपर बड़ा शॉट अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास लेकिन चेंज ऑफ पेस बहुत ही बढ़िया रुक किया ही गेंद थोड़ा फंसी वहां पे विकेट में उछाल के साथ चेंज ऑफ पेस के जरिए बाहर निकाला इस गेंद को दूर रखा ये सही विकल्प है देव के लिए ये तेज गति से डाली संभाल के थोड़ा खेला वहां पे सम्मान दिया दूसरे के लिए मांग की गई है अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट चाहिए और अच्छी दौड़ लगाई दो रन आसानी से वहां पे मुकम्मल किए गए और तीस रन इस दो रन की मदद से यह भी अच्छी गेंद यहां पे भी इनका बल्ला थोड़ा तेज गति से चलता है इसीलिए कई कबार वो मिट्टी की गेंदों में फंस जाते हैं क्योंकि विकेट कई कबार वो रुक के जब आता है ना गेंद तो वो इनको दिक्कत होती है ओवर की समाप्ति तीस इकतीस रन चार ओवर के बाद इकतीस रन चार ओवर के बाद इकतीस चार विकेट के नुकसान पे एंड यहां से बदला जाएगा इकतीस रन चार ओवर के बाद एंड यहां से बदला जाएगा जो गेंदबाजी फार्म एंड से हो रही थी अब कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी की जाएगी हवा तो में ज्यादा उठ गई है लेकिन कोई नजदीकी कैचिंग पोजिशन नहीं है क्योंकि प्रोटेक्शन पूरा बाउंड्री लाइन के ऊपर रखा गया है लॉन्ग ऑन मिड विकेट लॉन्ग लेग और स्क्वेल लेग अच्छी गेंद थी दीप के द्वारा उछाल के साथ वहां पे खेलना पड़ा मीत और के ऊपर काफी जिम्मेवार होगी पहले चार ओवर देखा जाए तो ड्रीम इलेवन ने अपने नाम किए हैं चार विकेट निकाले हैं टॉस के ऊपर कलाइयों के सारे फील्डर को ढूंढ निकाला पांचवा विकेट ये बड़ा विकेट कप्तान को चलता कर दिया है बिल्कुल भी शायद फील्डिंग प्लेसमेंट इनके ध्यान में नहीं था क्योंकि लो टॉस गेंद को कलाइयों के सारे मात्र धकेला ताकत चाहिए थी शॉट के पीछे लेकिन वो कहते हैं ना अगर भाग्य खराब हो तो फील्डर ढूंढ आप ढूंढ निकालते हैं शॉट अच्छा था लेकिन फिर भी उसके ऊपर विकेट आया है गेंद में कुछ कमाल था नहीं उतना लेकिन फिर भी विकेट आया है यह गेंदबाज का भाग्य है पांचवा विकेट आधी टीम जा चुकी है अच्छा कैच बिल्कुल सीधा उसके हाथ में नििर के हाथों में चली गई हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी यहां पे उनको और दिक्कत है यहाँ से बढ़ेगी एक बड़ा विकेट उनको टिकना जरूरी था उनको बीच में रहना ज़रूरी था गलती कर गए कप्तानी पारी की यहाँ पे दरकार थी फाइनल मुकाबले में लेकिन यहाँ पे तो अच्छी कप्तानी हो रही है देव के द्वारा ड्रीम इलेवन के कप्तान के द्वारा हेत नए बल्लेबाज के रूप में यॉर्कर थी लेकिन आ, सीधे बल्ले से कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया है एक रन पहली गेंद के ऊपर चुराया हेत ने हेत ऑफ द मार्क और स्कोर कार्ड में तैतीस रन अच्छी गेंद दिए संभाल के खेलना पड़ा सम्मान दिया फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर लेकिन थोड़ा जल्दी बल्ला वहाँ पे उन्होंने लाके रख दिया था उसकी वजह से थोड़ा रुक के खेलना पड़ा तैंतीस रन अभी भी अच्छी गेंदबाजी बढ़िया गेंदबाजी वहाँ पे, बिल्कुल जड़ में दी कुछ भी वहाँ पे विकल्प नहीं बचा मीत के लिए पहले सोचा था कि स्वीप खेलेंगे स्टॉक स्वीप करेंगे लेकिन वो बिल्कुल विकेट टू विकेट ब्लॉक हॉल में गेंद अच्छी गेंदबाजी फ्लिक किया पैरों के ऊपर रन वहां पे एक तो आसानी से मिल जाएगा दूसरे के लिए मांग करेंगे लेकिन वो मांग पूरी नहीं होगी चौंतीस रन पांच ओवर के बाद चौंतीस रन पांच विकेट के नुकसान पे अच्छी की फायदी गेंदबाजी यहां पे और दीप अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना स्पेल भी समाप्त किया और दीप अपने दो ओवर के स्पेल में सोलह रन दिए एक विकेट उनके नाम रहा अब फिर से कप्तान देव इस छोर से अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेके आएंगे पहला ओवर उस छोर से अच्छा डाला था बड़ा शॉट उठाने का प्रयास अर्ली रिएक्शन ताकत के साथ बल्ला चलाया गया लेकिन संपर्क नहीं हुआ क्योंकि सामने देव एक क्लेवर गेंदबाज है अच्छी तरीके से वो उंगलियां घुमाते हैं अच्छी तरीके से गेंद को रिलीज करते हैं रिवर्स ट्राई किया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर छटपटा रहे थे रनों के लिए और एक गलत शॉट खेल के अपना विकेट गवा दिया यहाँ पे छठा झटका चौंतीस के ऊपर जो डॉट बॉलें आ रही थी सिंगल आ रहे थे उसकी वजह से वो दबाव बन के रह गया था विकेट का मतलब ये मौका बना था विकेट के लिए सेटअप करके रखा था गेंदबाजों ने और अंत में वो जो छटपटा रहे थे रनों के लिए अंत में विकेट आया छठा झटका चौंतीस के ऊपर परेशानियां बहुत सारी है यहां पे कल्याणी के लिए अच्छी गेंदबाजी रुक के आई थोड़ा थम के आई गेंद बल्ला थोड़ा जल्दी पहले चला लिया ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन में मानूंगा लो ये थोड़ा फाइनल मुकाबला घट रहा है ये भी अच्छी गेंद वहां पे वाइड डी और कर डाली गई रनआउट हो सकते और जी हाँ उंगली आ उठेगी अंपायर की मतलब रनआउट के जरिए सातवां विकेट गिर जाएगा चौतीस के ऊपर एक और सातवां विकेट आया है हेत को यहां पे के जरिए चलता कर दिया वापस आउट में और हेत के खाते में मात्र एक रन और टीम का स्कोर यहां पे चौतीस रन विकेट नंबर सातवा गिरा है कमाल का प्रदर्शन मानना पड़ेगा ड्रीम इलेवन वाकई ये टूर्नामेंट उनके लिए बहुत ही बढ़िया गुजरा है थ्रू द टूर्नामेंट कमाल का प्रदर्शन अनबीटन अभी तक टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला हारे नहीं है उसी प्रकार से वो खेले हैं फाइनल भी अभी तक तो दबदबा रहा है उनका पलड़ा भारी है ड्रीम इलेवन का मौका है विकेट का फील्डर वहां पे खुद गेंदबाज और वहां पे आत्मनिर्भर कैच लिया गया देव के द्वारा उसके खाते में ये तीसरा विकेट आया है कप्तान यहां पे प्रदर्शन कप्तान चल पड़ा है सीना तान अपनी गेंदबाजी प्रदर्शन के जरिए धराशाई करने का प्रयास हो रहा है उम्मीदें बनाई थी कल्याणी ने बड़े टारगेट की लेकिन उम्मीदों को समाप्त किया है सेमीफाइनल का रिहर्सल करने नहीं देंगे क्योंकि सामने ड्रीम इलेवन के शेर है और चौंतीस रन आठ विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद इस ओवर की बची है अच्छी गेंद थी, बढ़िया स्पेल समाप्त हुआ यहां पे देव का चार रन दिए अपने बारह गेंदों के स्पेल में मात्र चार रन दिए और तीन विकेट भी निकाले और एक आसान कैच एक हाथ से वहां पे देव के द्वारा कैच लिया गया और नौवा विकेट चौतीस के ऊपर गिरता हुआ पिछला ओवर मेडन रहा था यहाँ पे भी पहली गेंद के ऊपर विकेट आया टूर्नामेंट के तीसरे गेंदबाज मिले देव जिन्होंने मेडन डबल विकेट एक रन आउट के जरिए आया था विकेट और यहाँ पे पल ने विकेट निकाल दिया नौवा झटका का चौतीस के ऊपर नौवा विकेट आखिरी जोड़ी बीच मैदान में ये फाइनल बहुत ही अनबिलीवेबल बन रहा है शायद ही सोचा होगा किसी ने खास करके कल्याणी के समर्थकों ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से प्रदर्शन किया जाएगा जो टीम सेमीफाइनल में 118 रन बनाती है वही टीम फाइनल में इस प्रकार से संघर्ष करती है वो थोड़ा सोच से बिल्कुल परे है कल्पनाओं से विपरीत यह वर्तमान कहानी गुजर रही है लाइन फील्डर वहां पे और देखना पड़ेगा छे रन एक थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा आखिरी बल्लेबाज के द्वारा छक्का बटोरा गया है चालीस रन जो स्कोर आखिरी सात गेंदों से रुका हुआ था उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है छे रनों का और 40 रन 50 के पार थोड़ा लड़ने लायक स्कोर सोचेंगे अच्छा शॉट नजर आया ये भी बड़ा शॉट यह भी अच्छा शॉट मानव यह है ना आउट ऑफ तो सिलेबस क्वेश्चन आ गया सोचा नहीं होगा यहाँ पे पलने के इस प्रकार से आखिरी बल्लेबाज इस प्रकार से खेलेगा लेकिन कई कबार वो होता है ना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है वो ये है कुछ अच्छे रन बटोरे जा रहे हैं लड़ने लायक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं मानव पटेल जो अभी तक हमारे साथ एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में बैठे मौका मिला और चौका नहीं छक्का लगा दिया वो भी दो लेकिन यहां से गेंद उठ गई है नो मैन स्लैंड में गेंद गिरेगी दूसरे के लिए पलटवार हा ना हा ना लेकिन रन आउट का मौका गवाया ऊपर से रनबीला आ गया तीन रन ये चौथा लेने की तैयारी जी नहीं तीन रन मिलेंगे 49 नाइन हड़बड़ाहट देख लीजिए एकदम से कहानी बदल गई जो शांत माहौल चल रहा था उसमें थोड़ी चिल्लाहट आ गई उसमें थोड़ी सी यहां पे चहल कर्मी पहल कर्मी खेमे में थोड़ी सी खलबली फोर्टी नाइन उन्चास रन फाइनल मुकाबला है ना वो दबाव रहता है उसका इंपोर्टेंट नॉक यहां पे मानना पड़ेगा फोर्टी नाइन उनचास रन तीन गेंदों में पंद्रह के ऊपर मानव और डैनिल की मेरे ख्याल से यही सोच होनी चाहिए कि स्ट्राइक मानव को दी जाए यही हित में है कल्याणी के पक्ष में यही बात रहेगी बाहरी किनारा और एक रन आया है आखिरी इस सोवर की खेलने का मौका मिलेगा मानव को और पचास रन पचास रन तो कल्याणी ने आंकड़ा छू लिया है आखिरी गेंद इस ओवर की बची है मेरे ख्याल से स्ट्राइक अपने पास रखेंगे आखिरी ओवर में बेहतर होगा और पचास रनों के ऊपर पूरी टीम को सात ओवर में ऑल आउट कर दिया है फिफ्टी वन रनों की चुनौती मेरे ख्याल से वो सिंगल रन लेना चाहिए था तो आखिरी छह गेंदे खेलने का मौका मिल सकता था लेकिन अब वो तब जोर तो की बात बन गई है पचास रन बने हैं इक्यावन रन बनाने हैं फिफ्टी वन की चुनौती टारगेट उतना बड़ा है नहीं आठ ओवर के मुकाबले में ये उतना बड़ा माना नहीं जाता लेकिन गेंदबाज क्या कमाल करेंगे ना ये देखने लायक होगी बात लेकिन यहां पे तो टॉस जीता है और पहली पारी में मोमेंटम भी जीता है ड्रीम इलेवन ने पचास रन बनाए गए रन बनाने हैं और देखा जाए तो गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन रहा खास करके कप्तान देव के द्वारा उन्होंने अपने दो ओवर में एक मेडन चार रन और तीन विकेट निकाले तब यहां से ड्रीम इलेवन को पाटीदार कप को चैंपियन बनने के लिए उनको इक्कावन रन बनाने हैं तो यहाँ पे फिफ्टी वन इक्यावन रनों के जवाब में पहला रन यहाँ पे अभी और दीप की जोड़ी अभी अब स्ट्राइक के ऊपर और इनके जो ऑनर है सुर सागर के ऑनर मुकेश भाई पटेल जो ड्रीम इलेवन इनकी टीम है ना वो काफी खुश होंगे वो यूट्यूब के ऊपर देख भी रहे होंगे क्रिकीरोज में स्कोर कार्ड भी देख रहे होंगे तो वो काफी खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से कि फाइनल में बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने कल्याणारी की टीम को 50 के ऊपर धराशाई किया मुकेश भाई पटेल सभी जानते हैं उनके बारे में एक हरफन मौला एक खुशमिजाज इंसान बहुत ही बढ़िया इसी बीच उनके ऑनर को खुश करने वाला एक और शॉट अभी के बल्ले से चौका निकला खाता खोला अभी ने अपना और इक्कावन रनों की जो चुनौती मिली है ना उसे बिल्कुल भी वो हल्के में नहीं ले अपना जो नेचुरल गेम है ना वही खेलेंगे और यही अच्छी सोच है मेरे ख्याल से आपको जो अपना स्वाभाविक खेल है वही खेलना चाहिए मैच का रेप्युटेशन ज्यादा देखने जाओगे तो कई कबार कहानी बिगड़ जाती है वो टे, वो चाहे कोई भी मुकाबला हो वो वीरेंद्र सहवाग वाली सोच रखनी चाहिए मतलब अपना नेचुरली खेलना चाहिए क्रिकेट में वही सफल होते हैं सीधा शॉट बढ़िया शॉट यहां पे वन बाउंस चौका एक और बाउंड्री अभी के बल्ले से खुशी का माहौल ड्रीम इलेवन के लिए खुशी का माहौल मुकेश भाई पटेल के लिए कमाल की टीम उनकी यहां पे आज खेल रही है इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उनके द्वारा नॉरन यहां पर चौके की मदद से क्या शुरुआत मिली है अंडर एज लगा है कीपर के पास गेंद गई है रन कोई नहीं आएगा थोड़ा लैक ऑफ बाउंस उछाल का अभाव नजर आया अच्छी गेंद थी थोड़ी देर हवा में थी पंच करने का प्रयास लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बॉल नौ रन अभी भी दो चौके आ चुके हैं दोनों अभी ने लगाए हैं। इस सफल जोड़ी है ड्रीम इलेवन के लिए दीप और अभी की वाइट का इशारा दोबारा डालिए दस रन बहुत अच्छी गेंद थी संभाल के खेलने का प्रयास लेकिन थोड़ा पढ़ने के बाद बाहर की ओर गई डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति पहले ओवर के बाद दस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे इक्यावन रनों के जवाब में सो नाउ ड्रीम इलेवन ऑन वे टू जेसिंग डाउन फिफ्टी वन रन फोर्टी वन रन अनदर रिक्वायर इन जस्ट फोर्टी टू बॉल्स बयालीस गेंदे रनबर सिचुएशन से भी कम यहां परिस्थिति यहाँ पे पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आए हैं गेंदबाजी के ऊपर अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे खुद कप्तान राज के द्वारा पहली दो गेंदे अच्छे टप्पे के ऊपर डाली अच्छी गति के साथ अच्छे उछाल के साथ बीट किया शॉट अच्छा है यह बढ़िया है ऊंचा है लंबा है देखनी पड़ेगी जिया मिल गई है मीत को दर्शक बनाया वहां पे कमाल का शॉड है और इस छह रन की मदद से अब सोलह रन गेंद में उतना कुछ खराबी बिल्कुल थी नहीं अच्छी गेंद थी लेकिन फिर भी ताकत का प्रदर्शन दीप के द्वारा एक और बड़ा शॉट दो गेंदों में दो मैक्सिमम और स्कोर कार्ड में बाईस रन बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन मानूंगा यहाँ पे ड्रीम इलेवन के द्वारा बिल्कुल ड्रीम स्टार्ट मिला था और ड्रीम यहाँ पे एंड भी करेंगे इस टूर्नामेंट का बेहतरीन तरीके से और यहाँ पे नो बॉल मिलेगी वेस्ट हाइट के ऊपर गेंद डाली गई थी और बढ़िया तरीके से वहां पे खेले लेकिन फ्री हिट का मौका अभी को मिला है नो बॉल आई आने वाली गेंद फ्री हिट होगी चौबीस रन और फ्री हिट होगी इस बार पैरों के ऊपर फ्लिक किया और आउटफील्ड तेज है चौका मिल गया वहां पे फाइनल की दिशा में अच्छा शॉट ये नजर आया है चार रन की सहायता से ट्वेंटी एट रन ट्वेंटी एट अट्ठाइस रन फ्रीट के ऊपर चौका मिला है वाइट का इशारा और इस वाइट की मदद से उनतीस मतलब बा। मात्र बाईस रनों की जरूरत है यह पावर प्ले अभी खत्म नहीं हुआ है आखिरी गेंद बची है और डॉट बॉल के साथ मेरे ख्याल से डॉट बॉल के साथ यहां पे ओवर की समाप्ति हो जाएगी दो ओवर के बाद 29 रन 29 नाइन रन 22 रन चाहिए जीतने के लिए मात्रा 22 रन चाहिए गेंदे तो बहुत सारी बची है उसकी तो कोई यहां पे दिक्कत है नहीं दो ओवर 29 रन दीप और अभी की जोड़ी बहुत ही बढ़िया एक कमाल की जोड़ी है पूरे टूर्नामेंट में बढ़िया स्टार्ट दिया है उन्होंने अपनी टीम को हर्ष आए स... हर पहली गेंद के ऊपर ऊंचा शॉट और कैच छोड़ा गया वहां पे मानव के द्वारा चौका भी गया मानव वहां पे फिल्डर के तौर पे तैनात है काफी देर तक हवा में निकल गई थी गेंद मौका यहां पे बना था एक पहला विकेट गिर सकता था लेकिन उस मौके को यहां पे गवाया एक आसान कैच छोड़ दिया और तैतीस रन चौके की मदद से अच्छी वापसी यहां पर फुलटोस के ऊपर छक्का मिला प्रयास जरूर किया कैच लेने का मानव वहां पे फील्डर के तौर पे तैनात थे लेकिन इस ओवर में ये दूसरा कैच ये दूसरा कैच छोड़ा गया है इससे पहले मानव ने फाइन लेग के ऊपर छोड़ा फिर स्क्वायर लेग के ऊपर भी मानव थे ये मानव का दिन अच्छा नहीं गुजरा आज ये फाइनल अच्छा नहीं गुजरा उनके लिए फिनिश अच्छा किया था मानव ने जब बल्लेबाजी के ऊपर आए थे लेकिन यहाँ पे फील्डिंग में उन्होंने गलती की कट शॉट अच्छा खेला ये हो क्या रहा है पूरे कंधे झुक गए बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से वो नेगेटिव दिशा में जा रहा है साफ तौर से इनकी शारीरिक भाषा पता चल रहा है कि उन्होंने वो हार मान ली है जो प्रयास हो रहे हैं ना फील्डिंग में वो अच्छे संकेत नहीं है फोर्टी थ्री तैतालीस रन छह रनों के साथ फोर्टी नाइन कमाल की लाजवाब बल्लेबाजी ड्रीम इलेवन थ्रू द टूर्नामेंट जिन्होंने अपना रुतबा बनाया था जो रेप्यूटेशन उन्होंने बनाया था उस रेप्युटेशन को उन्होंने बिगड़ने नहीं दिया है ये अपराजित टीम थी ये अनबिटन टीम थी प्रदर्शन ऐसा ही उम्मीद कर रहे थे सभी इनसे उनके ऑनर मुकेश भाई पटेल सुरसागर के ऑनर बहुत खुश प्रभावित अपनी टीम से यहां पे रन चुराएंगे तो स्कोर लेवल स्कोर लेवल हो चुका है पचास रन यहां पे मात्र एक रन चाहिए एंड चेंज होने नहीं दिया एक ही एंड से इन्होंने मैच को समाप्त कर देंगे पहला हाफ पूरी तरीके से अपने नाम किया मतलब एक तरीके से देखा जाए ना तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहां पे मैं मानूंगा ड्रीम इलेवन ऐसा ना इस फाइनल में बल्कि पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम थी जो जिन्होंने हार नहीं स्वीकारी जिन्होंने हार मानी नहीं एक भी मैच में छह रन के साथ दीप ने अपने ही अंदाज में मैच को समाप्त किया फाइनल को अपने नाम किया और पार्टीदार यंगस्टर कप दो सीजन तीसरा चैंपियन के सामने नाम लिखा जाएगा ड्रीम इलेवन मुकेश भाई पटेल सुरसागर की यह टीम इकतालीस रन नाबाद तेरह गेंदों में मतलब दीप नाबाद तो ड्रीम इलेवन की टीम आबाद चैंपियन बनी है 2023 की यंग की यंगस्टर कप की कमाल प्रदर्शन लाजवाब प्रदर्शन तो यहाँ पे ड्रीम इलेवन ने दस विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया इकतालीस रन दीप पटेल ने बनाए धन्यवाद यहाँ पे कांग्रेचुलेसन वेल well डन ड्रीम इलेवन एंड आल्सो सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू मुकेश भाई इनके ऑनर को भी काफ़ी धन्यवाद जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से टूर्नामेंट में योगदान भी दिया है और काफ़ी खुश हो गए वैसे अपने कार्यक्रम में व्यस्त है लेकिन फिर भी शुभेच्छा उनको भी हम पहुंचाएंगे तो चैंपियन के तौर पे पे हमारे साथ प्रस्तुत है ड्रीम इलेवन कमाल का प्रदर्शन और रनर सबसे संतुष्ट होना पड़ेगा साईराज इलेवन कल्याणी को और इस फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच पॉल पटेल दो ओवर छब्बीस रन चार विकेट दोनों टीमें यहां पे उपस्थित हो जाएगी तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से टूर्नामेंट यहाँ पे समापन की ओर आगे बढ़ा है और आखिरी मोमेंट के लिए फाइनल प्रेजेंटेशन में स्वागत है आप सभी का लेकिन उससे पहले इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिन्होंने अपना योगदान किया है पूरी मैनेजमेंट कमेटी पूरी मैनेजमेंट कमेटी वो चाहे गौरांग भाई हो चाहे भूमिन भाई हो रीगल भाई हो देव हो जिन्होंने भी टूर्नामेंट को समाप्त करने के लिए सफल बनाने के लिए जो अपना छोटा बड़ा योगदान दिया है वो उसके लिए हम सभी का धन्यवाद अदा करते हैं लाइव टेलीकास्ट की पूरी टीम स्माइल चैनल फॉर यू आनंद भाई पटेल और जिग्नेश राठौड़ दोनों अंपायर जय और नील ऑफिशियल अंपायर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्कोरर हमारे क्रिकेट के निकुंज उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी मैनेजमेंट कमेटी और बहुत ही बढ़िया दर्शकों का भी यहाँ पे सहयोग रहा उनके दर्श जो समर्थक सभी टीमों के आए थे उन्होंने भी काफी अच्छा सहयोग दिया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जल्दी ही हम फाइनल प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे संजय भाई कल्यारी और राजू भाई कल्यारी स्टेज के पास यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे संजय भाई कल्यारी अगर ग्राउंड के ऊपर उपस्थित हो तो आ जाएंगे और मीरल भाई और दिवेश भाई वो भी यहाँ पे आ जाएंगे उपस्थित हो जाएंगे तो फाइनल प्रेजेंटेशन में स्वागत है आप सभी का यंगस्टर कप पाटीदार समाज के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में अंडर ट्वेंटी थ्री तेईस साल से कम उम्र के पाटीदार समाज के होनहार क्रिकेटर यहां पे खेलते हुए नजर आए और फाइनल प्रेजेंटेशन में दो जो टीमें यहां पे जो फाइनल में आई थी कल्यारी इलेवन और ड्रीम इलेवन वहाँ पे बीच में प्रेजेंटेशन के लिए वी डेस्क के सामने उपस्थित हो चुकी है सबसे पहले इस ट्रॉफी के जो स्पॉन्सर है मिस्टर अशोक भाई पटेल साधक पर उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं बॉल के जो स्पॉन्सर है हैं मीत पटेल मोमेंट्स क्लिक फोटोग्राफी के ऑनर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जेमसन ग्रुप जिन्होंने एक अच्छा योगदान दिया इस टूर्नामेंट में उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद उसके अलावा वाणीबेन मिराज भाई पटेल उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं तो जल्द से जल्द हम फाइनल प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फाइनल प्रेजेंटेशन में स्वागत है आप सभी का दोनों टीमें वहाँ पे आमने सामने उपस्थित हो जाएगी और इस टूर्नामेंट में सबसे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे बेहतरीन फील्डर रहा है एज पर क्रिक हीरोज रिकॉर्ड के मुताबिक जो बेस्ट फील्डर जिनकी यहाँ पे ट्रॉफी रखी गई है सबसे पहले ट्रॉफी के स्पॉन्सर अशोक भाई पटेल उनका धन्यवाद अदा करेंगे तो मैंने जहाँ पे बेस्ट फील्डर ट्रॉफी यहां पे दी जाएगी राज पटेल राज पटेल कल्याणी का वो कप्तान नौ स्म उनके खाते में है तो बेस्ट फिल्डर की ट्रॉफी से राज पटेल मीरल से गुजारिश करूंगा बेस्ट फिल्डर की ट्रॉफी राज को दी जाए साईराज इलेवन कल्याणी का वो कप्तान जिन्होंने नौ स्मिस अपने नाम किए हैं और मीरल से मैं गुजारिश करूंगा कि जो बेस्ट फील्डर की ट्रॉफी वो राज को दी जाए वहां पे और सम्मान उनका वहां पे इस ट्रॉफी को देके किया जाए डन एंड कॉन्ग्रेचुलेसन राज पटेल बेस्ट फील्डर के रूप में इस टूर्नामेंट में नॉट स्मिसल उन्होंने अपने नाम किए हैं मिराज के द्वारा मिरल के द्वारा ट्रॉफी उनको वहां पे दी जा रही है वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेसन राज पटेल और उसके बाद फाइनल प्रेजेंटेशन में जब आगे बढ़ेंगे तो बेस्ट बॉलर इस टूर्नामेंट का बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है और कुल मिला के तेरह विकेट उन्होंने निकाले और वो गेंदबाज है हर्ष चणवई हर्ष चणवई जो चणवई से घरेलू ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं कल्याणी का वो गेंदबाज साई साईराज इलेवन कलियारी सूरज से गुजारिश करता हूं कि उनको बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी दी जाए सूरज सूरज कल्यारी उनसे गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पे हर्ष को बेस्ट बॉलर की ट्रॉफ़ी दी जाए बेहतरीन प्रदर्शन रहा पूरे टूर्नामेंट में कुल मिला के तेरह विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं और अब आगे बढ़ते हैं बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफ़ी यहाँ पे वो यहाँ पे देने के लिए दिव्यश भाई उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा दिव्यश भाई पटेल कलवाड़ा ग्राउंड के करता हरता दिव्यश भाई जो बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी और वो दी जाएगी कल्याणी का बल्लेबाज मानव पटेल बहुत ही बढ़िया पारी खेली गई थी सेमीफाइनल में सबको मालूम है कुल भी लगे एक सौ बयालीस वन फोर्टी टू रन बनाए इस पूरे टूर्नामेंट में छह मैचिस में और बेस्ट बैट्समैन बने सपाटीदार यंगस्टर कप 2023 के वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन मानव पटेल एक उभरता सितारा एक युवा प्रतिभा पाटीदार समाज की ओर से फिर से उन्होंने अपना जज्बा यहां पे प्रस्तुत किया तो वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन और अब आगे बढ़ेंगे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मतलब मैन ऑफ द सीरीज और वो तो जाएगी जो फाइनल टीम जीती है ड्रीम 11 उनके कप्तान देव पटेल को ड्रीम इलेवन का वो कप्तान देव पटेल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और देव साधक पर उनसे विनती करूंगा कि ये जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की ट्रॉफी है देव पटेल को दी जाए ये मोस्ट वैल्यूएबल इसीलिए बने हैं कि इनकी कप्तानी भी बहुत अच्छी रही है पूरी टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने चलाया है और एक लाजवाब कमाल प्रदर्शन उनके द्वारा वेल डन कॉन्ग्रेचुलेशन देव पटेल टू बिकम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन पाटीदार स्टार कप 2023 और अब हम आगे बढ़ेंगे रनर सब ट्रॉफी ये जो दो चमचमाती ट्रॉफी यहां पर नजर आ रही है उसमें रनर सब के तौर पे दो टीमें आई थी जो फाइनल में ड्रीम इलेवन और साईराज इलेवन कल्याणी रसिक भाई उनसे गुजारिश करता हूं कि रनर सब की ट्रॉफी यहां पे जो कल्याणी के कप्तान उनको यहां पे दी जाएगी रनर सब के रूप में यहां पे ज इलेवन कल्याणी और रनर सब टीम को ट्रॉफी प्लस ग्यारह हजार रोकड़ पुरस्कार रवि पटेल उनके द्वारा ग्यारह हजार रोकड़ नकद राशि यहाँ पे ट्रॉफी के साथ दी जा रही है वेल्डन कांग्रेस के रनर सब रनर सब यहां पे बने हैं इस यंगस्टर पाटीदार कप में और अब और अब यहां से बारी है चैंपियन की और चैंपियन टीम सभी को मालूम है ड्रीम इलेवन और मैं यहां पे गुजारिश करना चाहूंगा साधक सादकपुर और हीरल उनसे गुजारिश करूंगा कि ट्रॉफी प्लस इक्कीस हजार नकद राशि ड्रीम इलेवन सामने आएगी चैंपियन की ट्रॉफी यहां पे उठाएगी नाम लिखाया है यहां पे पाटीदार यंगस्टर कप 2023 सीजन तीसरा उसका चैंपियन ड्रीम इलेवन कमाल का प्रदर्शन रहा पूरे टूर्नामेंट में थ्रू द टूर्नामेंट पहले मैच से ही उन्होंने अपना एक रेप्यूटेशन कायम किया था कि हम अपराजित टीम है अभिजित टीम हम यहां पे जीतने के लिए आए हैं सामने चाहे कोई भी टीम हो ड्रीम इलेवन और वो कैमरा के सामने में देव जो कप्तान है ड्रीम इलेवन के उनसे गुजारिश करूंगा टूर्नामेंट के बारे में इस आयोजन के बारे में कुछ दो शब्द अपने वहां पे जरूर प्रस्तुत करें कैमरा के सामने ड्रीम इलेवन के कप्तान देव से गुजारिश करता हूं देव इलेवन इतना तो थोड़ा बनता है आप चैंपियन बने हैं टूर्नामेंट के बारे में इस मैनेजमेंट के बारे में इस युवा प्रतिभा के बारे में आप कुछ अपने जुबानी अपने दो शब्द यहां पे बया करें तो अब यहां से बहुत ही बढ़िया तरीके से यह टूर्नामेंट समाप्ति की ओर गुजरा है तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मैनेजमेंट कमेटी में जिन्होंने भी अपना योगदान किया है ग्राउंड्स मैन का भी जिन्होंने बहुत ही बढ़िया सहयोग यहाँ पे किया यूट्यूब लाइव की पूरी टीम स्माइल चैनल फॉर यू के ऑनर आनंद भाई पटेल कैमरामैन जिग्नेश राठौड़ स्कोरर निकुंज पटेल अंपायर जय और नील बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और जो सहयोग यहाँ पे इस टूर्नामेंट में मिला है और मैनेजमेंट कमेटी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कॉमेंटेटर के तौर पे राजेश आचार्य के आपने मुझे यहाँ पे कमेंट्री के लिए इनवाइट किया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ तो ये बेहतरीन टूर्नामेंट अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ चुका है चैंपियन हमें मिल चुका है तो आने वाला एक और बड़ा टूर्नामेंट इसी ग्राउंड के ऊपर होने वाला है अट्ठाईस तारीख को आंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट इसी ग्राउंड के ऊपर 28 तारीख को होने वाला है रविवार के दिन आंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट एक बेहतरीन टूर्नामेंट सभी को जिसका इंतजार रहता है वह आयोजन यहाँ पे किया गया इसी है इसी डिजट से कलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर उसके अलावा आने वाले जो टूर्नामेंट है उसके बारे में आपको फिर से वाकिफ करवाता हूँ कल तेरह तारीख को एना क्रिकेट ग्राउंड बार्डोली में एक आंतर समाज टूर्नामेंट होने वाला है चौदह तारीख को मरोली भाठा विस्तार में ओपन ओपन टूर्नामेंट होगा फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो तीन तारीख को एना कप भी होगा सरदार पटेल स्टेडियम एना के ऊपर और तीन और चार तारीख को यूनिटी ग्रुप चिखली के द्वारा ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट जो नेशनल क्रिकेट ग्राउंड चिखली के ऊपर होगा उसके बाद इस साल का टेन पीएल के बाद सबसे बड़ा चैंपियनशिप टेनिस का आने वाला है पांच छे और सात जून जैमसन क्रिकेट ग्राउंड हरणगाम रोड और सेवन स्पोर्ट्स निकेत उनके द्वारा हेमंत सर और निकेत भाई उनके सहयोग से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट दक्षिण गुजरात का नहीं पूरे भारत वर्ष का वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा तो ये थे जिसमें छह लाख इनाम है तीन लाख रनर्स बारह टीम जी आठ टीमें उस टूर्नामेंट में प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी और बहुत बढ़िया ये टूर्नामेंट है सभी का सभी को इंतजार रहता है तो ये थे आने वाले अपकमिंग बेहतरीन टूर्नामेंट तो फिर से वापिस आपके साथ जुड़ेंगे किसी और टूर्नामेंट में तब तक मुझे इजाजत दीजिए